देखो अब बात करते हैं हम कौन से कौन से टॉपिक्स आज के सेशन में कवर करने वाले हैं ठीक है सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई लॉ ऑफ टॉट क्या होता है क्या ये लॉ ऑफ टॉट्स है या लॉ ऑफ टॉट है राइट और यहाँ पे ये डिफरेंस किस आ, किस ऑथर ने किया ठीक है साथ में देखेंगे कि क्या नेचर और डेफिनेशंस है टॉर्च रिलेटेड देखेंगे क्या रेमेडीज प्रोवाइड करती है इस में ठीक है कितने तरीके के टॉट्स होते हैं क्या है, और लास्टली हम दोनों important को भी discuss करेंगे आज के इस particular session में right. चलो से इंट्रोडक्शन अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि भाई लॉ ऑफ टॉट क्या है तो जो लॉ ऑफ टॉट है आपका वो एक सिविल लॉ का ब्रांच है ठीक है जैसे सिविल लॉ होता है आपका उसका ही एक ब्रांच निकल के आया है आपका लॉ ऑफ टॉट राइट अब यहाँ पे अगर आप कोई भी किसी का लीगल कोई एक व्यक्ति जो है किसी दूसरे पर्सन का अगर कोई लीगल राइट वॉयलेट करता है तो आप उस पर्सन को सू कर सकते हो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर राइट अब यहां पे कह रहा है कि बहुत तरीके के टॉट्स होते हैं या बहुत टॉर्ट्स को सिविल रॉन्ग कहा जाता है और यहां पे सिविल रॉन्ग का मतलब आपने कोई जो है Uh, कोई भी आपने रॉन्गफुल एक्ट कम, कमिट किया है जो सिविल नेचर का है क्रिमिनल नेचर का नहीं है यहाँ पे क्रिमिनल नेचर की कोई बात नहीं करी गई है क्योंकि ये जो लॉ ऑफ टॉट है आपका वो किसका ब्रांच है सिविल लॉ का ब्रांच है राइट right? तो यहाँ पे कह रहा है रॉन्गफुल एक्ट विच वॉलेट सम लीगल राइट ठीक है जो वेस्टेड किसी दूसरे पर्सन को मेरे पास लीगल राइट है वोट देने का ठीक है मेरे पास लीगल राइट है वोट देने का अगर आप मेरे इस लीगल राइट को वॉयलेट करते हो आप मुझे रोकते हो आप मुझे नहीं जाने देते लीगल वोट कास्ट करने के लिए तो आपने क्या कमिट किया आपने एक सिविल रॉन्ग कमिट किया आपने एक रॉन्गफुल एक्ट किया आपने मुझे रोका क्योंकि मैं अपना लीगल राइट एक्सरसाइज करने जा रही हूं और आपने मुझे रोका राइट तो अगर किसी पर्सन के पास कोई एक लीगल राइट वेस्टेड है

That derives from a Latin word. Tort आपका एक French word है और ये derived हुआ है एक Latin word tortum से, ठीक है? जिसका मतलब होता है twisted, या फिर you can say wrong और unlawful. आपने कोई act किया है जो wrong है या फिर unlawful है या फिर twisted है, right? Now लॉ इम्पोज अ ड्यूटी अब यहाँ पे बात समझ में आ गई कि भाई ये वर्ड ये इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए अभी मार्क कर लेना किसका ब्रांच है सिविल लॉ का ब्रांच है ठीक है अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि जो हमारा लॉ है वो इम्पोज करता है एक ड्यूटी सब लोगों पर

कि अगर आप अपनी ड्यूटी को ब्रीच करते हो और आपकी ड्यूटी क्या है कि दूसरे के राइट्स को रिस्पेक्ट करना उसको अगर आप ब्रीच करते हो दैट यू हैव कमिटेड टॉट अंडर लॉ ऑफ टॉट क्लियर तो ये एक बेसिक सी बात समझ में आ गई हमें अगर हम पूछे कि भाई टॉट क्या है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे लिखो और क्या बताओगे कि भाई ये जो है एक सिविल लॉ का ब्रांच है पहली बात ये एक फ्रेंच वर्ड है टॉट खुद में जो डिराइव्ड हुआ है एक लैटिन टर्म से, जिसका मतलब है ट्विस्टेड या, act, या, wrong, right? या act, right? और जनरल प्रिंसिपल क्या, क्या है कि भाई हर किसी की ड्यूटी है कि आपको दूसरे पर्सन के राइट को रिस्पेक्ट करना है द मोमेंट आप दूसरे पर्सन के राइट को ब्रीच करते हो वॉयलेट करते हो दैट अ रॉन्गफुल एक्ट दैट अ टॉट

डायवर्स स्पीसीज ऑफ रॉन्ग इंक्लूडेड अंडर दिस हेड अब बेसिकली यहाँ पे इतनी डायवर्सिटी है की, इस वजह से कोई भी एक साइंटिफिक नहीं दे रखी है बट देख यहाँ पे अगर आप को देखो अगर आप लिमिटेशन एक्ट को देखो तो उसका सेक्शन टू डेफिनेशन क्लॉज का एम क्लॉज डिफाइन करता है टॉट को और उसके उसमें जो लिमिटेशन एक्ट है उसमें टॉट की क्या डेफिनेशन दे रखी है टॉट जो है एक सिविल रॉन्ग है आपने कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट किया है जो सिविल नेचर का है जो सिविल नेचर का उसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी की कोई बात नहीं हो रही है सिविल नेचर का अगर आपने कोई रॉन्ग कमिट किया है जो एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है तो अगर आपने ऐसा कोई सिविल रॉन्ग किया ट्रस्ट पास किया है ठीक है अगर आपने ट्रेस पास किया, तो किया है राइट अब यहां पे क्या कह रहा है डेफिनेशन डेफिनेशन में जो सेक्शन एम की है इंडियन लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से कि भाई जो है वो एक सिविल रॉन्ग है राइट सिविल रॉन्ग जो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एक्सक्लूसिवली ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ना यहाँ पे एक तो डेफिनेशन ये हो गई आपकी दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है अब यहाँ पे सालमंड आ गए अब सालमंड ने कैसे डिफाइन किया टॉर्ट को टॉर्ट को तो साम सामन ने डिफाइन किया कि ये एक सिविल रॉंग है ये भी क्या कह रहे हैं ये भी टॉर्ट को क्या बता रहे हैं सिविल रॉंग बता रहे हैं फॉर व्हिच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ जिसके लिए रेमेडी जो है कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड व्हिच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेनली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस अब बेसिकली अगर इनकी डेफिनेशन को एनालाइज किया जाए तो कुछ तो इन्होंने इस वाले डेफिनेशन से उठा लिया है क्योंकि भाई यहाँ पे भी 2 एम में क्या कह रहे हैं यही बात कह रहे हैं कि इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यही बात यहां पे लेटर पार्ट में इस डेफिनेशन में साइलमैन भी कह रहे हैं अब इनका इनिशियल पार्ट्स डेफिनेशन का क्या कहता है कि भाई एक सिविल रॉंग है फॉर व्हिच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन जिसकी रेमेडी जो है कॉमन लॉ एक्शन है फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस अभी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे राइट हम उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में कि भाई यहाँ पे जब हम डैमेजेस वाला पार्ट पढ़ेंगे टॉर्ट में डैमेजेस की जब हम बात करेंगे तो हम जानेंगे कि लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेड डैमेजेस क्या होते हैं तो बेसिकली सालमन ने ये बात कह दी अब यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी विंडफील की अगेन अब विंडफील यहाँ पे क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि ये जो है आपकी विंड uh, फील्ड की भी एक डेफिनेशन है उसमें वो कहते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्स जो है अगेन एक सिविल रॉन्ग है और यहाँ पे इन सारी डेफिनेशन को मिलाकर हमने एक कंक्लूजन निकाला कि भाई दो एक्सपेक्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है यहाँ पे थ्री एक्सपेक्ट लिखा है तीसरा एक्सपेक्ट आई टेल यू अब यहाँ पे दो एक्सपेक्ट इंपॉर्टेंट है पहला क्या है कि टॉट क्या है एक सिविल रोंग सारी डेफिनेशन से क्या समझ में आया कि टॉट जो है एक सिविल रोंग है और जो रेमेडी अवेलेबल है अगर आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है तो जो रेमेडी अवेलेबल है दैट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ठीक है वो रेमेडी जो अवेलेबल है लॉ ऑफ टॉक में दैट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो डैमेजेस आपने पहले से प्रीडिटरमाइन नहीं कर रखे हैं उनको हम कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझो लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या है यहाँ पे पहला क्या कह रहा है लिक्विडेटेड डैमेजेस की अगर हम बात करें तो जैसे एग्जाम्पल से समझो कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया ए और बी ने आपस में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई जो है तुम तो मुझे 100 किलो सेब लाके दोगे एप्पल्स ठीक है 100 केजी एप्पल्स दोगे और अगर तुमने मुझे 100 केजीज एप्पल डिलीवर नहीं किए तो जो है तुम्हें मैं कंपनसेशन देना होगा कितने रुपए का मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स बी सो हाइपोथेटिकल एग्जांपल मान लो 50000 रुपए का अगर तुमने मुझे 100

बट अनलिक्विडेड डैमेजेस में क्या होता है जो ये लॉस है ये डिटरमाइन नहीं किया जाता पहले से जो अमाउंट है जो कंपनसेशन है वो पहले से प्री डिटरमाइन नहीं किया जाता क्योंकि ये नहीं पता कि भाई कौन किसके खिलाफ क्या टॉट कर रहा है

तो डेफिनेशन से क्या समझ में आया, कि भाई से ही समझ में आया कि जो है, एक है, और अगर कोई व्यक्ति करता है तो फिर उसको क्या देना पड़ता है डैमेजेस अवेलेबल है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस अवेलेबल है अब मुझे एक बार यहां पे बताओ इज एवरीथिंग क्लियर टू यू यहां तक सबको समझ में आया तो गिव मी थम्स ऑन अब यहां तक समझ में आया डेफिनेशन समझ में आई क्या कोर बात है डेफिनेशन की वो समझ में आई बेसिक डेफिनेशन समझ में आई उसकी और क्या आपको नेचर समझ में आया ध्रुव यू कैन आस्क मी योर डाउट यस ओके चलो गुड समझ में आया ठीक है ध्रुव यू कैन आस्क मी योर डाउट चलो आगे देखो अब ये तो हमने और ये तीसरा एक्सपेक्ट जो मैंने बताया आपको तीसरा एक्सपेक्ट क्या है कि भाई टॉट जो है डिफरेंट है किससे कॉन्ट्रैक्ट से Thought, आपका डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ लॉ से दैट इज अ थर्ड एक्सपेक्ट राइट चलो आगे देखते हैं हम इसमें ये तो हो गई भाई डेफिनेशन की बात और आपका टॉट uh, की रिस्पेक्ट में कि बेसिक बात कि कहां से ये वर्ड आया है कहां से इसका क्या मतलब है और एक जनरल सी बात हो गई

ठीक है इन्फ्रिंचमेंट हो रहा है किसी के लीगल राइट का वो क्या अमाउंट करेगा कि भाई आपने किसी व्यक्ति के राइट को वायलेट किया किसी व्यक्ति के राइट को ब्रीच किया या फिर इन्फ्रिंच किया किसी एक पर्सन के लीगल राइट को तो आपने क्या कमिट किया आपने कमिट किया सिविल रॉंग आपने कमिट किया एक सिविल रॉंग राइट अब यहां पे प्लेंटिफ जिसका

जिसने मेरा लीगल राइट वायलेट किया, किया तो मैं आपके रॉन्ग डूअर के खिलाफ क्या है ठीक है भाई मेन रेमेडी क्या है मैं क्यों जा रही हूं कोर्ट में या मैंने क्यों एक सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट करी है जस्ट बिकॉज आई वांट कंपनसेशन ताकि मुझे जो है डैमेजेस प्रोवाइड करे जाए तो मेन रेमेडी क्या है इसकी जो मेन रेमेडी अवेलेबल है

तो जिस पर्सन का लीगल राइट वॉलेट हो रहा है वो एक सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहा है ताकि वो डैमेजेस ले सके ये उसका यहाँ पे, क्या है? Damages, right? Now, कि जिसके दो रिजल्ट हो जैसे मान लो कि मैंने कोई एक पर्टिकुलर एक्ट किया और मेरे एक्ट से दो काम हुए एक क्राइम और एक टॉट अब क्या होगा मान लो मैंने कोई एक एक्ट कमिट किया जिससे जो है Uh, दो एक्ट हुए ठीक है एक से एक एक्ट से दो चीजें हुई क्राइम भी हुआ और आपका टॉट भी हुआ तो उस टाइम पे जैसे असोल्ट हो गया या फिर थेफ्ट या फिर लिबिल अब यहां पे इन पर्टिकुलर इंस्टेंस में क्या होगा कॉमन uh, ये सब जो है कॉमन रॉन्ग है राइट क्राइम भी है आपका टॉट भी है ये आपका असोल्ट जो है वो टॉट भी है लेकिन एक क्राइम भी है हम पढ़ते हैं आईपीसी में लिबिल डिफेमेशन भी है राइट सिमिलरली थेफ्ट ये क्या है एक सिविल uh, रॉन्ग भी है आपका और ये आपका एक क्राइम भी है उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो दोनों में जा सकता है सिविल सूट भी इन, 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 इनिशिएट कर सकता है टॉट के लिए और साथ में क्रिमिनल लाइबिलिटीज के लिए भी जा सकता है ठीक है तो अगर मान लो सेम एक्ट से ठीक है इफ इट इज पॉसिबल दैट सेम एक्ट डन बाय अ पर्सन में रिजल्ट इनटू टू टू कि भाई एक एक्ट से दो रॉन्ग कमिट हो रहे हैं एक आपका क्राइम है या फिर वो आपका टॉट है तो उस पर्टिकुलर केस में आप दोनों के लिए जा सकते हैं theft, जहां पे किसी पर्टिकुलर पर्सन ने चोरी करी तो आप उसको प्रोजिक्यूट कर सकते हो क्रिमिनली भी ठीक है एंड फॉर एक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल स्टोलन या फिर आप या और उसके साथ साथ आप उसके लिए उसको जो है क्रिमिनली प्रोसिक्यूट तो कर ही सकते हो उसके साथ साथ आप उसके खिलाफ एक सिविल एक्शन भी ला सकते हो रिकवर करने के लिए जो 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 भी भी चीज आपकी खोई आर्टिकल चोरी हुआ उसकी वैल्यू को रिकवर करने के लिए आप एक सिविल सूट भी डाल सकते हो ठीक है आप जो है रिकवर करने के लिए सोलन आर्टिकल के वैल्यू को आप कर सकते हो और उससे डैमेजेस ले सकते हो ठीक है एंड फॉर द डैमेजेस कैन आल्सो बी टेकन अगेंस्ट हिम सो आल्सो इन अ रॉन्ग फॉर द दिफोमेशन अब ये तो हमने लिया का डिफेमेशन के केस में भी आप जो है उसको क्रिमिनली लाइबिल भी कर सकते हो क्रिमिनली प्रोजिक्यूट कर सकते हो और साथ में एक सिविल एक्शन भी ला सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन ने जो है पब्लिश किया डिफेमेट्री आर्टिकल

है कि आपने सिविल में कर दिया तो आप उसे क्रिमिनल में प्रोसीक्यूट नहीं कर सकते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप बिल्कुल कर सकते हो दोनों को साथ में अगर जहां पे एक एक्ट से एक क्राइम भी हो रहा है और एक टॉट भी हो रहा है तो क्लियर ओके okay. ठीक है आई आई विल बी लिटिल स्लो आई बी लिटिल स्लो ओके सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन मुकेश देवी रमन हेलो ठीक है सबको गुड इवनिंग चलो ठीक है अब आई बी लिटिल स्लो अब इस केस में जहां पे सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज हैं ठीक है तो ये दोनों रेमेडीज आपकी कॉन्करेंटली चलेंगी दोनों रेमेडीज आपकी कॉन्करेंटली चलेंगी नाउ दे वुड बी एक्शन रिक्वायरिंग द डिफेंडेंट टू पे दम्पनसेशन अब जहां पे आप सिविल एक्शन में लेके जा रहे हो तो वहां पे आपका मेन मोटिव क्या है रेमेडी क्या है डैमेजेस के लिए क्लेम करना और उसके लिए कंपनसेशन लेना तो सिविल एक्शन अगर आप करोगे तो आपको रेमेडी क्या मिलेगी आपको कंपनसेशन मिल जाएगा और क्रिमिनल एक्शन में उसको क्या होगा उसको जो है पनिशमेंट दे दी जाएगी रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट अवॉर्ड कर दी जाएगी तो यहां पे ये दोनों चीजें आपकी कॉन्करेंटली एक साथ चलेंगी क्लियर आई होप इट इज क्लियर यहां पे समझ में आया सब कुछ इज इट क्लियर गिव मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर यहां तक समझ में आया कि हम क्यों कह रहे हैं कि टॉट इज अ सिविल रॉन्ग उसके रिस्पेक्ट में समझ में आया आपको इज इट क्लियर चलो नाउ टॉकिंग अबाउट रेमेडीज अवेलेबल अगर हम बात करें कि भाई क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं यहाँ पे तो मैंने क्या बताया था कि टॉट में रेमेडीज जो अवेलेबल है, हैं, वो है आपका अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है आप बहुत सी बोलते हो तो रिकॉर्ड भी देखी देखी क्लास आपकी सब ऊपर से जाता है ओह ओके okay, ठीक है मैं धीरे मैं धीरे धीरे आई जस्ट टेक केयर ऑफ माई स्पीड ओके बेस्ट क्रिएटर थैंक यू चलो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दूसरे पॉइंट की हमारे डेफिनेशन का जो दूसरा एक्सपेक्ट है रेमिडीज की जो बात करता है अब यहाँ पे जो रेमिडीज अवेलेबल है वो क्या है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं अब यहाँ पे तीन इश्यूज हम डील करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या क्या वो इश्यूज है पहला कि भाई अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है दूसरा Why is most सिर्फ और सिर्फ सुटेबल रेमेडी है टॉट में और कोई बात ही नहीं है मतलब आपका सिविल राइट right, जो है सिविल लीगल राइट वोलेट हुआ और आप, आप क्या डिमांड कर रहे हो आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस डिमांड कर रहे हो ऐसा क्यों डैमेजेस ही क्यों सुटेबल रेमेडी है टॉट में

अनलिक्विडेटेड रहते हैं। मतलब जो आपको करना है, वो पहले से डिटरमाइंड नहीं है ठीक है जो डैमेजेस पार्टी को जो रॉन्ग डूअर है जिसने सिविल राइट लीगल राइट वोलेट किया है सामने वाले पर्सन का तो उसको जो डैमेजेस देने हैं वो डैमेजेस आपके पहले से डिटरमाइंड नहीं है ठीक है नाउ अगर आप डेफिनेशन देखो वैसे तो यहाँ पे क्या कहता है दैट द इन केस ऑफ टॉट आर अनलिक्विडेटेड वो अनलिक्विडेटेड है और अनलिक्विडेटेड का मतलब क्या है कि कंपनसेशन जो पे करना है आपको वो पहले से डिटरमाइंड नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायर स्टिपुलेशन ऑफ पार्टीज ऐसा नहीं है कि पार्टीज ने आपस में पहले ही बात कर ली थी कि अगर कोई लॉस होगा तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा जैसे मैंने बताया इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है पार्टीज जानती हैं आपस में टॉट में पार्टीज एक दूसरे को नहीं जानती है अगर कोई रैंडम पर्सन मेरे घर पे आगे ट्रेस पास करता है कि मेरे घर में घुस जाता है तो उसने मेरा लीगल राइट वायोलेट किया अब मैं उस पर्सन को जानती नहीं हूं जब मैं उस पर्सन को जानती ही नहीं हूं तो पहले से कैसे कर सकते हैं कि जब तुम मेरे घर में ट्रेस पास करोगे तो मुझे इतना इतना कंपनसेशन दोगे दैट इज नॉट पॉसिबल राइट तो यही बेसिक रीजन है कि टॉट में जो डैमेजेस होते हैं आपके वो आपके अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं क्योंकि पार्टीज आर नॉट अवेयर ऑफ ईच अदर वो

ठीक है तो फिर यहाँ पे कौन डिटरमाइन करेगा डैमेजेस को कोर्ट डिटरमाइन करेगी डैमेजेस को ठीक है तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि इस पर्टिकुलर केस में इस पर्टिकुलर टॉट में जो कमिट हुआ है उस पर्टिकुलर प्लेटिव को कितना डैमेज देना है कितना कंपनसेशन देना है किसके डिस्क्रिप्शन पे होगा कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे होगा राइट अभी तो बात हुई आपकी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की नाउ टॉकिंग अबाउट लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं ठीक है तो जैसे मैंने बताया कि अनलिक्विडेड डैमेज में पहले से डिटरमाइन नहीं होता बट लिक्विडेटेड डैमेज में पहले से डिटरमाइन होता है पार्टीज के बीच में क्योंकि पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, ठीक है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है आपस में वो पार्टीज जानती हैं, उन्होंने कह दिया कि अगर कोई लॉस हुआ अगर कोई भी लॉस हुआ तो तुम तो मुझे इतना एक्स अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पे करोगे अगर लॉस होता है तो अगर लॉस इनकर होता है तो आप मुझे इतना एक्स अमाउंट कंपनसेशन पे करोगे अब ये पार्टीज ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है

अभी तक आपको क्या अनलिक्विडेटेड और लिक्विडेटेड डैमेजेस समझ में आया इज इट क्लियर इज इट क्लियर लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस समझ में आया ऑल क्लियर ऑल सेट एक बार जल्दी से कम ऑन लिक्विडेटेड अनलिक्विडेड समझ में आया बहुत अच्छे से ओके okay, चलो थैंक यू थैंक यू सो मच आगे देखो नाउ इन केस आपका टॉट में पहले से कोई तो है नहीं भाई पार्टीज नहीं जानती और इसके पीछे रीजन क्या है मैंने बताया कि अगर आपसे कोई पूछे कि टॉट में ऐसा क्यों है इंटरव्यू में मान लो पूछ लिया गया आपसे कि आप ये बताइए कि टॉट में ऐसा क्यों है कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं ऐसा क्यों नहीं है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं है वहां पे तो वहां पे आपको क्या आंसर देना है इंटरव्यू में वहाँ पे आपको ये आंसर देना है कि है तभी तो मैं उस पर्सन को जानती हूँ उसके बाद ही तो मैं उसे सू कर सकती हूँ जब मैं पहले से पर्सन को जानती ही नहीं तो मैं कैसे उसको सू करूंगी तो यहाँ पे विल बी द करेक्ट आंसर फॉर इंटरव्यू अगर आपसे कोई पूछे की टॉट में अनलिक्विड क्यों है ऐसा क्यों नहीं हम फिक्स कर लेते हैं अमाउंट इसलिए क्योंकि पार्टी जो है नहीं जानती जब तक कोई टॉट कमिट नहीं कर देता राइट मोर ओवर इट इज ऑल्सो डिफिकल्टिपुलेट दॉस इन केस में लॉस को एंटिस कर सकते डिस्क्रिप्शन ऑफ दर्ट और यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करती है कि कि कितना कितने पर्टिकुलर किस भी जो भी सिविल लॉ राइट आपका वॉयलेट हुआ है उसमें कितना आपको कंपनसेशन देना है ये ड्यूटी किसकी होती है कोर्ट की होती है और ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है राइट right? अब बेसिकली अगर हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करें तो ये इसमें जो है हमेशा मॉनेटरी वैल्यू दी जाती है आपको ठीक है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस टू बी पेड इन मॉनेटरी वैल्यू इज मोस्ट सुटेबल ये मोस्ट सुटेबल है क्योंकि यहां पर जो आपका जैसे ही कोई रॉन्ग कमिट हुआ ठीक है आफ्टर द कमिशन ऑफ रॉन्ग इट इज जनरली नॉट पॉसिबल टू अंडू अब मान लो कि कोई रॉन्ग कमिट किया किसी ने मेरा लीगल राइट वायलेट किया या कोई रॉन्ग कमिट किया किसी ने मेरे खिलाफ ठीक है तो वो हार्म को ठीक करना या सेम पोजीशन पे ले जाना जो है बहुत मुश्किल है इसी वजह से यहां पे जो कंपनसेशन दिया जाता है वो मॉनेटरी टर्म्स में दिया जाता है मॉनेटरी वैल्यू में दिया जाता है उसको कहा जाता है कि ये मोस्ट सुटेबल है द रीजन ओनली बीइंग दिस कि आप जो हार्म हुआ है उसको अंडू नहीं कर सकते ठीक है आप उसको अंडू नहीं कर सकते आप उस पर्सन को सेम पोजिशन पे नहीं ला सकते क्योंकि आपने जो हार्म कॉज किया है वो उस पर्टिकुलर पर्सन को सेम पोजिशन पे नहीं ला पाएगा अदरवाइज तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो कंपनसेशन पे कर रहे हो मॉनिटरी जनरली नॉट पॉसिबल टू अंडू हार्म हैज ऑलरेडी बीन कॉज जो हार्म आप कर चुके हो उसको आप अंडू नहीं कर सकते सो द रेमेडी दैट कैन बी डन इज टू पुट द पर्सन हु हैज बीन इंजर्ड इन द सेम पोजिशन एज ही वुड हैव हैव बीन इन इफ इट वुड नॉट है राइट अब अदर रेमेडीज क्या अवेलेबल है उसका आंसर क्या है यहाँ पे इंजेंशन एक रेमेडी है जो टॉर्ट में मिलती है केस ऑफ कंटिन्यू रॉन्ग अगर कोई कंटिन्यू रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे इंजंक्शन की रेमेडी आपको मिलती है टॉर्ट में और इन केस ऑफ न्यूसेंस उस पर्टिकुलर केस में उनको रोकने के लिए कि वो फर्दर न्यूसेंस ना कमेंट करें तो यहाँ पे इंजंक्शन ऑर्डर होता है टॉट में और दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ठीक है तो इस दो अदर नेचर की आपकी जो है यहाँ पे रेमेडीज अवेलेबल है राइट right. अब यहाँ पे एक बात है एक टॉपिक है दैट इज कि ऑल सिविल सिविल इंजरीज इंजरीज आर नॉट टॉट सारी जो है, आपके टॉट नहीं होती अब यहाँ पे मेन इशू क्या है अब इसको एक एग्जांपल से समझो ठीक है यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लो uh, कुछ केसेस हैं ठीक है सिविल हैोंग अब यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि एक ही सिर्फ uh, एक सिंगल एक्ट से दो चीजें हो रही थी एक क्राइम हो रहा था और एक टॉट हो रहा था अब यहाँ पे मान लो अगर एक एक्ट से दो सिविल रॉन्ग कमिट हो रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा अगर मान लो एक सिंगल एक्ट दो सिविल रॉन्ग हो रहे हैं तो आप किसी एक सिंगल एक्ट uh, की मतलब सिंगल सिविल रॉन्ग के लिए आप कर सकते हो दो के लिए दोबारा ट्वाइस आप उसको सिविल uh, इनिशिएट नहीं कर सकते अब इसके रिस्पेक्ट में क्या कहता है ऑल दो टॉट इज एसेंशियल सिविल इंजरी क्या है टॉट एसेंशियल सिविल इंजरी ठीक है ऑल सिविल इंजरीज आर नॉट टॉट कोई जरूरी नहीं है कि सारी सिविल इंजरीज आपकी टॉट होंगी और आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये पर्टिकुलर सिविल इंजरी है और ये आपके टॉट में जाएगी या अदर सिविल लॉज में जाएगी ये कैसे डिटरमाइन करोगे ये आप डिटरमाइन करते हो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कि अगर ये कहीं और सिविल में नहीं फिट हो रहा है तो ये कहां फॉल करेगा लॉ ऑफ टॉट में फॉल करेगा अगर ये पर्टिकुलर एक्ट किसी और सिविल लॉ में नहीं फॉल कर रहा है तो ये कहां पे फॉल करेगा लॉ ऑफ टॉट में फॉल करेगा और ये आप डिटरमाइन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन

In से एक सिविल रॉन्ग हो सकता है और आपका एक टॉर्ट हो सकता है तो पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे किसी एक चीज में फाइल कर सकते हो या तो टॉर्ट में चले जाओ या फिर uh, सिविल प्रोसीडिंग में चले जाओ ना इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे वैसे मान लो एक्स ने अपनी गाड़ी छोड़ी वाई वाई के पास सेफ कस्टडी के लिए ठीक है मान लो मैंने अपनी गाड़ी छोड़ी आपके पास सेफ कस्टडी के लिए कुछ दिनों के लिए ठीक है आपने क्या किया मेरी गाड़ी को बिना लॉक किए घर में मत सो रहे हो अब मेरी गाड़ी जो है चोरी हो गई ठीक है आपने मेरी गाड़ी को लॉक नहीं किया और आपने उसको रोड पे छोड़ दिया ठीक है और अब मेरी गाड़ी चोरी हो गई तो यहां पे वाइज एक्ट आपका एक्ट अमाउंट करेगा दो रॉन्ग क्या दो रॉन्ग हुए आपके इस एक्ट से सबसे पहले सिचुएशन समझो कि भाई मैंने जो है अपनी गाड़ी आपको दी कि भाई कुछ दिन इसको जो है सेफ कस्टडी में रखो आपने क्या किया मेरी गाड़ी रोड पे छोड़ दी अनलॉक करके ठीक मेरी गाड़ी चोरी हो गई अब इस पर्टिकुलर केस में आपने क्या किया दो रॉन्ग कमिट किए एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ठीक है और दूसरा कमीशन ऑफ टॉट ऑफ कि भाई आप नेग्लिजेंट थे आपने मेरी गाड़ी लॉक ही नहीं करी ठीक है तो यहां पे आपने दो रॉन्ग कमेंट किए एक तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कि भाई मैंने आपको सेफ कस्टडी में रखने के लिए कुछ दिनों के लिए दिया था राइट दैट विल कम अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और दूसरा आपने एक एक्ट किया कि आपने मेरी गाड़ी अनलॉक छोड़ दी रोड पे

ठीक है दो दो बार डैमेजेस आप ट्वाइस डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते तो अगर कोई एक पर्टिकुलर एक्ट से दो सिविल रॉन्ग कमेंट हुए हैं तो उसमें आप एक की ही रेमेडी ले सकते हो एक ही चाहे ट्रॉट के लिए ब्रीच ऑफ ट्रॉट के लिए या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लिए या नेग्लिजेंस के लिए कर सकते हो या बेलमेंट के लिए कर सकते हो राइट तो इज इट क्लियर इज इट क्लियर चले हो कम ऑन थम्स अप कम ऑन कम ऑन कम ऑन हरी अप एटलीस्ट लाइक दि सेशन गाइज चलो हरिया हरियप अब समझ में आया यहां तक समझ में आया आगे बढ़े काइंड किस तरीके के टॉट्स होते हैं एक बार चलो ठीक है आगे देखो काइंड की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के होते हैं पहला जो आपके एक्शनेबल होते हैं से अब मैम ये एक्शनेबल से का क्या मतलब है एक्शनेबल से का क्या मतलब है यहाँ पे एक तो हो गया वो वाले टॉट्स जो एक्शनेबल पर से और दूसरे हो गए वो टॉट्स जो एक्शनेबल हैं सिर्फ और सिर्फ जब आप प्रूफ दिखाओगे डैमेज का कि भाई एक्चुअल डैमेज हुआ है उस रॉन्गफुल एक्ट से जब इस बात का प्रूफ दिखाओगे तभी वो एक्शनेबल होंगे अब ये दो तरीके के हो गए एक्शनेबल परसे का मतलब ये है कि इमीडिएटली ट्रेसपास मुझे कोई इंजरी कमिट मैं अपने घर में मस्त हो रही हूं और मेरे घर में कोई ट्रेसपास करके आ गया ठीक है उसने जो है ट्रेसपास कमिट किया अब ट्रेसपासर ने मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाया बट उसके खिलाफ मैं सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती हूँ सिविल रॉन्ग कमिट किया ट्रेस पास का तो यहाँ पे एक्शनेबल पर्सन विदाउट शोइंग एनी प्रूफ ऑफ डैमेज मुझे कोई डैमेज नहीं हुआ बट मेरा लीगल राइट है टू एंजॉय माय पोजेशन पीसफुली ठीक है उसको उसने वोलेट किया तो यहां पे ट्रेसपासर ने बेशक मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाया बट देन वॉयलेटेड माई लीगल राइट तो यहां यह पर से है, initially, पर से पर ही होगा विदाउट एनी प्रूफ यहां पे इस पर्टिकुलर दूसरे काइंड में क्या करना है कि भाई डैमेज हुआ है जब तक आप उसका प्रूफ नहीं दोगे तब तक वो एक्शनेबल नहीं होगा क्लियर अब यहां के कहता है

ठीक है तो यहां पे यही एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अगर आप नेग्लिजेंटली कार ड्राइव कर रहे हो पब्लिक रोड पे तो आप सिविली लाइबल uh, तब हो जब आप किसी पर्सन को इंजरी बचाओगे ओनली इफ द इंजरी लेटर इन योर नेग्लिजेंट एंड रैश ड्राइविंग इन सच केस डैमेजेस आर अवॉयडेबल ओनली इफ एक्चुअल डैमेज कॉज टू दी पार्टी अब यहां पे क्या कह रहा है इन केसेस में डैमेजेस आपको तभी मिलते हैं जब सामने वाला एक्चुअल डैमेज का प्रूफ दिखाता हाँ प्रिय त्रिपाठी एग्जाम uh, के लिए सफिशियंट है इनफैक्ट ये कंटेंट आपका मीन के लिए भी सफिशियंट uh, है ठीक है चलो आगे देखो आगे क्या कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल केसेस ऑफ इंजरियामन

उस मैगजिन में ही सारे वो सारे केसेस फॉलो होते हैं जो एक्शनेबल पर से होते हैं कि कोई पर्सनल डैमेज आपको नहीं हुआ कोई पर्सनल हार्म नहीं हुआ फिर भी सामने वाला लाइबल है मुझे कोई पर्सनल हार्म नहीं हुआ से बट फिर भी सामने वाला लाइबल है दैट 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 इज इज योर एंड विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंजीरिया साइम डेमनम राइट नाउ ट्रेस पास इज एक्शनेबल इवन दो इट हैज नॉट डन प्लेटिवेस्ट हार्म के तन पे एक घंटा फर्क फर्क नहीं नहीं पड़ा, मतलब से ठीक है उसको कोई प्रूफ नहीं दिखाना है डैमेज का क्लियर दैट विल फॉल अंडर दी इंजीरिया साइम डेमनम राइट नाउ एसेंशियल ऑफ थॉट की बात करें हाँ प्रिया मेरी क्लास रोज आठ बजे होगी और आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हम वेस्ट बंगाल और बिहार को टारगेट करते हुए माइनर एक्ट्स को कंप्लीट करेंगे ठीक है स्टार्टिंग विद लॉ ऑफ टॉट राइट अब यहाँ पे हम एसेंशियल्स ऑफ टॉट की बात करें डेफिनेशन देख ली डेफिनेशन के दो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट देख लिए राइट right? आगे डेफिनेशन को डिटेल में भी देख लिया अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टॉट के एसेंशियल्स की पहला क्या इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे पहला वॉट आर दी एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट टॉट कब आप मानोगे की टॉट कमिट हुआ है तो इसके लिए दो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है पहला कि भाई डिफेंडेंट ने कोई एक्ट या ओमिशन किया है और दूसरा उस एक्ट और ओमिशन ने वॉयलेट किया है कोई लीगल राइट right जो प्लेटिव का था दैट इज इट शुड रिजल्ट इन लीगल डैमेजेस और दैट इज टू कॉज इंजरी ठीक है तो बेसिकली अगर आप ये कहो कुछ चीज को किसी एक्ट को कि टॉट है हुआ है या नहीं कमिट हुआ है तो उसके लिए दो रिक्वायरमेंट है पहला कि डिफेंडेंट ने कोई एक्ट या ओमेशन किया है और दूसरा भाई उस एक्ट और ओमेशन से कोई इंजरी हुई है कोई लीगल राइट वॉयलेट हुआ है प्लेटिव का राइट और इंजरी सस्टेन हुई है नाउ टॉकिंग अबाउट एक्ट एंड ओमेशन ठीक है अब एक्ट और ओमेशन की बात करें अगर हम तो यहाँ पे क्या किसको एक्ट और कहोगे भाई आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जो आप लॉफुल आप लीगली बाउंड नहीं थे करने के लिए ठीक है आपने कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्ट कर दिया जो अलाउड नहीं है जो लीगली आपका अलाउड नहीं है फिर भी आपने वो एक्ट किया ओमेशन जो आपकी ड्यूटी थी परफॉर्म करने के लिए आपने वो परफॉर्म नहीं करा दैट इज ओमेशन राइट अ पर्सन कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर टॉट आप टॉट के लिए कैसे किसी पर्सन को लाइबल कराओगे इफ ही आई दिन एक्ट लॉ आपने कोई ऐसा एक्ट किया जो प्रोहिबिट करता है आपको मन आपको अलाउड नहीं है वो एक्ट करना बट फिर भी आपने कोई ऐसा एक्ट किया जो लॉ प्रोहिबिट करता है फॉर एग्जाम्पल न्यूसेंस ठीक है फॉर एग्जाम्पल ट्रेस पास फॉर एग्जाम्पल नेग्लिजेंटली ड्राइविंग ठीक है तो

राइट right? आप जो है डिफेमेशन के टॉट के लिए लाइबल हो गए नाउ एवरी एक्ट और ओमेशन डज नॉट अमाउंट टू टॉट अब यहां पे क्या कह रहा है कि हर एक्ट और ओमेशन आपका टॉट अमाउंट नहीं करेगा Is, ऐसा नहीं है अब मॉरल ड्यूटी क्या है या मॉरल ड्यूटी uh, किसको कहोगे आप या सोशल रॉन्ग या मॉरल रॉन्ग किसको कहोगे अब मान लो मैं जानती हूं कि मुझे कैसे स्विमिंग करनी है अब मेरे सामने कोई डूब रहा है तो क्या आप मुझे लॉ ऑफ टॉट के लिए लाइबल uh, कर दोगे ऐसा तो नहीं है भाई मैं मैं को आती है स्विमिंग बट मेरे सामने अगर कोई डूब रहा है तो ये एक मॉरल ड्यूटी है कि मैं उसको बचा दू नहीं बचाती हूँ तो मैंने कोई क्राइम नहीं किया मैंने कोई रॉन्ग कमेंट नहीं किया राइट right? सिमिलरली कोई भूखा है ठीक है इफ ए नॉट सर्व फूड डू अटाविंग मैन ही इज नॉट लाइबल फॉर अ टॉट अगर मान लो कोई भूखा है मैंने उसको खाना नहीं खिलाया तो ऐसा नहीं है कि मैं जो है लाइबल हो जाऊंगी टॉट टौ, टॉट के लिए तो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड ऐसा नहीं है कि हर एक्ट और ओमिशन जो है आपका वो टॉट माना जाएगा उस एक्ट और उस ओमिशन का रिकॉग्निशन जरूरी है वो रिकॉग्नाइज्ड और प्रोटेक्टेड होना चाहिए लॉ द्वारा दैट इज दैट मींस दैट देयर शुड बी अ लीगल ड्यूटी टू एक्ट एंड अ लीगल प्रोहिबिशन टू ओमिट टू एन एक्ट ठीक है एक लीगल ड्यूटी होनी चाहिए ठीक है या फिर एक लीगल आप आपके ऊपर एक अ uh, लीगल आपका प्रोहिबिशन होना चाहिए कि आप ये एक्ट ओमिट uh, नहीं कर सकते राइट right? तो अगर इस तरीके से लीगल रिकॉग्निशन है या फिर लीगल uh, वो लॉ द्वारा प्रोटेक्टेड है लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज है तभी वो एक्ट और उसका या ओमिशन जो है आपका टॉट कॉन्स्टिट्यूट होगा अदरवाइज नहीं होगा जिसका एग्जांपल मैंने बहुत क्लियरली दिया कि मोरल रॉंग और सोशल रॉंग आपका

एक बार इसको रीड आउट करो उसके बाद मैं जो है इसको बताऊंगी भी, भी आपको आपको क्लियरली समझ में आएगा अब यहां पे क्या कहता है दैट डैमेजेस फर्क है डिफरेंस बिटवीन डैमेजेस एंड डैमेज अब कैसे डैमेज मीन्स कंपनसेशन क्लेम्ड बाय द इंजर्ड पार्टी एंड अवॉर्डेड बाय द कोर्ट डैमेज क्या है जो कंपनसेशन एक party, एक पार्टी पार्टी इंजर्ड क्लेम कर रही है और उसको जो है कोर्ट uh, अवार्ड कर रही है तो जो चीज कोर्ट अवार्ड कर रही है दैट इज डैमेजेस डैमेज क्या है जो एक इंजर्ड पार्टी क्लेम कर रही है यहां पे फर्क समझो डैमेज क्या है डैमेज मींस वो कंपनसेशन जो एक इंजर्ड पार्टी कोर्ट में क्लेम कर रही है कोर्ट उसको अवार्ड कर रहा है जो कोर्ट उसको अवार्ड कर रहा है वो क्या अवार्ड अवार्ड कर कर रहा है? कर रहा है है डैमेजेस वर्ड डैमेज इज यूज इन द दर्नरी सेंस ऑफ इंजरी और लॉस और डिप्रीवेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सम काइंड अब यहाँ पे अगर हम डैमेज को ऑर्डनरी सेंस में समझे तो इसका क्या मतलब है कि कोई लॉस हुआ है या कोई इंजरी हुई है राइट या आप डिप्राइव हो गए हो किसी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी के किसी प्रॉपर्टी से डिप्राइव हो हो गए प्रॉपर्टी पार्टीज सफर्ड बाय देम नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डैमेजेस क्या है डैमेजेस वो चीज है जो कोर्ट इंजर्ड पार्टी को अवॉयड करता है डैमेज के लिए उस लॉस के लिए उस इंजरी के लिए जो जो अमाउंट कोर्ट अवॉर्ड कर रहा है दैट इज व्हाट इज डैमेजेस उसको हम डैमेजेस कहते हैं इस इट क्लियर गिव मी आ थम्स अप चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन प्रिया प्रिया त्रिपाठी डेली क्लासेस होंगी सफिशियंट है प्रीलिम्स के लिए ब्लैक डायमंड हाई हाई एमसीक्यूज ब्लैक डायमंड अपूर सर कराते हैं शाम को छह बजे ठीक है चलो गिव मी थम्स अप अप हेड्स हेड्स अप कम ऑन कम ऑन कम ऑन हरे अप एक बार जल्दी से बताओ जल्दी जल्दी कम ऑन कम ऑन इज इट क्लियर इट्स नॉट क्लियर डैमेज और डैमेज में क्लियर uh, नहीं हुआ चलो आगे देखो द वर्ड इंजरी जो ये आपका ये इंजरी वर्ड है दैट इज ध्रुव यू कैन आस्क मी वट एवर इज योर डाउट If you're not getting it, you can ask me, आपका क्या है? आप मुझे यहाँ पूछ सकते हो। okay? चलो अब यहाँ पे जो ये इंजरी है वो स्ट्रिक्टली लिमिटेड है किससे एक्शनेबल रॉन्ग से ठीक है वही डैमेज का जहां मतलब है डैमेज मीन्स लॉस और हार्म अकरिंग इन फैक्ट वेदर एक्शनेबल और इंजरी और नॉट ठीक है अब यहाँ पे अगर आपको टॉशियस लाइबिलिटी को स्टैब्लिश करना है अगर आपको टॉशियस लाइबिलिटी को स्टैब्लिश करना है तो प्लेटिव को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि भाई एक लीगल डैमेज हुआ है ठीक है उसको लीगल डैमेज कॉज हुआ है दैट दैट इज टू प्रूव लीगल के वॉयलेट हुए हैं अगर आपको टॉर्शस लाइबिलिटी अगर आपको लॉ ऑफ टॉट में उसको लाइबिल करना है तो आप प्लेटिव को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मेरा लीगल राइट वॉयलेट हुए हैं राइट प्लेंटिव के लीगल राइट वॉयलेट हुए किसी एक्ट और ओमिशन से जो कॉस uh, कर रहा है उसकी लीगल ड्यूटी को उसके ब्रीच कर रहा है ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन को कोट तो right हुआ है लीगल राइट no right. कोई भी एक्शन लॉ ऑफ टॉट में फॉल नहीं करेगा अगर कोई लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुआ तो कोई भी जो है आपका एक्शन नहीं होगा लॉ ऑफ टॉट में नाउ लास्ट चीज क्या है ये तो हो गया आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ कि क्या एसेंशियल्स टॉट के एक्ट एक्टमेशन होना चाहिए वो हमने डिस्कस कर लिया और डैमेजेस के रिस्पेक्ट में राइट नाउ कमिंग टू टू द मैक्सिम जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑप्शनल में चूज करते हो इस सब्जेक्ट को तो तो यहां पे क्या कह रहा है कि जो दो मैक्सिम है इनको समझना क्या कहता है यहाँ पे दो मैक्सिम कौन सी है आपकी इंजीरिया साइन डेमनम एंड दूसरा डेमनम साइन इंजूरिया अब यहां पे जो ये इंजूरिया मतलब है दैट मींस इंफ्रेंचमेंट ऑफ लीगल राइट इंफ्रेंचमेंट ऑफ लीगल राइट इंजूरिया का मतलब है ठीक है इंजूरिया साइन डेमनम डैमनम साइन इंजूरिया उल्टा है इसका ठीक है अब इंजूरिया का मतलब क्या है इंफ्रेंचमेंट ऑफ लीगल राइट और एन अनऑथराइज इंटरफेरेंस विद द्लेंटिव लीगल राइट या फिर आपने प्लेटिव के लीगल राइट right को अनऑथराइज तरीके से इंटरफेयर किया है

अगर आपने लीगल राइट right, uh, को वॉयलेट कियाबल इन लॉस हुआ है नहीं मुझे कोई हार्म हुआ है लॉस हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरा लीगल राइट वॉयलेट हुआ है दैट विल फॉल अंडर दैटेगरी ऑफ वॉट अंडर दैटेगरी ऑफ दिस मैगज दैट इज इंजरी विदाउट डैमेज द

क्योंकि उसका लीगल राइट वॉलेट हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता कि को कोई पर्सनल हार्म हुआ है कोई डैमेज हुआ है या फिर नहीं दैट इज वॉट इंजीरिया साइन डेमनम ठीक है आई होप इट इज क्लियर एक बार समझ में आया कि अगर मान लो कि इन केस ऑफ इंजीरिया साइन डेमनम क्या कहता है कि आपने को कोई भी पर्सनल हार्म कोई भी नहीं नहीं मुझे कोई भी नहीं हुआ, But मेरे को क्या हुआ, हुआ. इन्फ्रेंचमेंट हुआ मेरे लीगल राइट का तो वो तब भी जो है प्लेटिव एक सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट लीगल राइट के वॉयेशन पे आप जो है सूट फाइल कर सकते हो,

बट आपने उसको अपना उसका राइट जो उसका लीगल राइट है वोट कास्ट करने का वो आपने डिफेंडेंट ने करने नहीं दिया उसको रोक दिया आपने उसको जाने नहीं दिया डिफेंडेंट ने जाने नहीं दिया उसको वोट कास्ट करने के लिए तो यहां इस पर्टिकुलर केस में वो डिफेंडेंट जो है लाइबल होगा तो प्रोसेस लाइबिलिटी अलाइज हो गई क्योंकि उसने प्लेंटिव का लीगल राइट वायोलेट किया बेशक प्लेंटिव को हाथ भी नहीं लगाया ना मारा ना पीटा कुछ भी नहीं किया प्लेंटिव को पर्सनली कोई डैमेज नहीं हुआ कोई हार्म नहीं हुआ बट उसका हुआ इंजूरशन ऑफ लीगल राइट डिफेंडेंट ने उसके लीगल राइट right को नेट किया और यहां पे लीगल राइट right क्या था टू गिव दी वोट उसका ये अधिकार है कि वो वोट देने जाए तो ये उसका लीगल राइट वायोलेट किया इस वजह से वो जो है लाइबल होगा ठीक है और यहां पे यही बात जो है लॉर्ड हॉल्ट सीजे ने कही अगेन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कौन से सीजे थे ये आपको ध्यान में रखना है तो, इस तो इसलिए वो लाइबल होगा नो भीम सिंह स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ पिटिशनर जो था वो एमएलए था जेएनके का जेएनके असेंबली का ठीक है उसको जो है रॉन्गफुली डिटेन कर लिया पुलिस ने वेल ही वॉज नो ऑनस्ट वे

Uh, सिविल वो वो, uh, uh, इट को वायलेट किया राइट नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे अगेन फंडामेंटल राइट है पर्सनल लिबर्टी और गारंटी जो गारंटीड है आपके आर्टिकल 21 में तो उसने यहाँ पे वायलेट किया सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उसको पचास हजार रुपए प्लेंटिव को ग्रांट किए ठीक है ए को पचास हजार रुपए ग्रांट किया एक्सेंप्री डैमेजेस दिए पचास हजार रुपए ग्रांट किया क्योंकि उसने जो है रोका उसको डिटेन किया रॉन्गफुली उसका लीगल राइट वॉयलेट किया इस से यहां उसको का ऐसा दिया गया अब uh, यहाँ पे डैमेज विदाउट इंजुरी अब इसका क्या मतलब है दैट डैमेज विदाउट दिचमेंट ऑफ प्लेटिव रॉन्गफुल राइट अब यहाँ पे प्लेटिव का कोई भी रॉन्गफुल राइट वॉयलेट नहीं हो रहा बट डैमेज हो रहा है उसको

और यहाँ पे बगल में डिफेंडेंट ने एक स्कूल खोल लिया तो क्या प्लेंटिव कंप्लेन कर सकता है अब यहाँ पे डिफेंडेंट के स्कूल खोलने से प्लेंटिव को बेशक लॉस तो हो रहा है डैमेज तो हो रहा है हार्म हो रहा है उसको लेकिन

वो उसका पास अधिकार है उसकी जमीन पर उसने स्कूल खोलिए कॉम्पिटिशन गया हार्म हो रहा है सारी बातें ठीक है डैमेज हो रहा है प्लेटिव को बट देन अगेन कोई भी लीगल राइट वोलेट नहीं हो रहा है राइट अनदर केस यहाँ पे अगेन uh, इंपॉर्टेंट है चिम्समोर वर्सेस रिचर्ड अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि एक पर्सन uh, है एक प्लेटिव है वो मिल ओनर है ठीक है वो एक मिल का ओनर है वॉज यूजिंग हिज मिल फॉर अब सिक्सटी ईयर वॉटर फ्रॉम दी स्ट्रीम अब यहाँ पे वो अपनी मिल के लिए साठ साल से एक स्ट्रीम से पानी ले रहा है विच वॉज फेड बाय रेनफॉल अटिंग थ्रू थ्रू द अंडरग्राउंड स्टेरा स्टीम बट नॉट फ्लोइंगे वो कैसे रेनफॉल से फिल हो रहा है वो पर्टिकुलर जगह से पानी ले रहा है साठ साल से पानी ले रहा है वेल ऑन देर लैंड एंड पंप द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉटर विच वुड अदरवाइज हैव गॉन टू दी प्लेट स्ट्रीम अब डिफेंडेंट ने क्या किया एक कुआ खोद दिया ठीक है एक कुआ खोद दिया अब उस कुएं से क्या हुआ सारा पानी उसके वेल में आ गया उस कुएं में आ गया और प्लेंटिव की जगह जा, जा, उसकी स्ट्रीम मतलब प्लेंटिव के मिल में जाता बट उसकी जगह डिपेंडेंट नहीं क्योंकि यहाँ पे एक कुआं खो दिया सारा पानी इधर आ गया राइट मिज वो अदरवाइज गॉन टू दी प्लेटिव स्टीम देर बाई कॉजिंग लॉस टू दी प्लेटिव फ्लो कर रही थी एक एक जा रही थी वॉटर चैनल ऐसा था जो so वॉटरफॉल से हो रहा था रेनफॉल से हो रहा था ठीक है अब वहां पर डिफेंडेंट ने खोद दिया उससे लॉस तो हुआ प्लेटिव को बट इसके लिए वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे उसका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है दैट इज तो यहाँ पे है है, भाई डैमेज डैमेज हो हो रहा रहा बिना बिना किसी injury, बिना किसी right के, के लीगल राइट पे अब ये रूल ऑफ स्ट्रिक लाइबिलिटी क्या है अ वेरी गुड इवनिंग ठीक है अब ये रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है देखो कभी कभी क्या होता है यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट में अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कोई सिविल रॉन्ग कमिट किया तो उसने क्या वो कहा लाइबल होगा आपका लॉ ऑफ टॉट में लाइबल होगा तो कभी कभी कोई किसी पर्सन ने कोई एक्ट ने नहीं किया है उसकी कोई गलती नहीं है बट फिर भी वो लाइबल होता है डिफेंडेंट की जिसने इंटेंशनली कोई गलती नहीं करी ठीक है उसने जानबूझ के कोई गलती नहीं करी उसकी कोई गलती नहीं है बट फिर भी वो लाइबल है ऐसे, ऐसे इस रूल को हम क्या कह रहे हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे राइट तो सबसे पहले देखो कुछ सर्टन क्लासेस ऑफ केसेस होते हैं In which the liabilities of the defendant are stricter than the ordinary cases.

राइट right. right? plaintiff. Plaintiff को नुकसान, हुआ, ये है. But defendant ने क्या वो नुकसान जान बूझ के पहुंचाया क्या उसकी इंटेंशन थी क्या उसकी अपनी गलती की वजह से उसको हार्म है प्लेंटिव का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम ये रूल अप्लाई करते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का नाउ यू गाइज माइट बी थिंकिंग कि ऐसा क्यों है हमने तो जानबूझ की गलती करी भी नहीं फिर भी हमें क्यों सजा मिलेगी

कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उन्होंने लेट डाउन किया और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया नो फॉल्ट लाइबिलिटी नहीं भी है तो भी आप लाइबिल होंगे आपसे नो फॉल्ट लाइबिलिटी के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कौन सा केस मार्क करना है एग्जाम में रिले वर्सेज फ्लेचर वाला केस मार्क करके आना है राइट अदर देन दी एब्सलूट लाइबिलिटी बिकॉज ऑफ दलोंग विद कुछ ऑप्शंस भी है वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में राइट right? तो एक बेसिक सी बात समझ में आ रही है कि अगर हम रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि डिफेंडेंट ने अगर बिना इंटेंशन के भी प्लेंटिव को कोई हार्म हो गया उसका कोई इंटेंशन नहीं था उसकी कोई गलती नहीं थी बट फिर भी इस पर्टिकुलर रूल के अंदर डिफेंडेंट को लायबल किया जाएगा डिफेंडेंट जो है आपका लायबल होगा इज इट क्लियर अभी तक बेसिक बात समझ में आई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की गिव मी अ थम्स अप एक बार कमोन एक बार बताओ फटाफट फड़ कि समझ में आया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का बेसिक क्या कह रहा है फिर के को देखेंगे फिर। चलो थैंक यू अमित आगे देखो अब यहां क्या कह रहा है कि जो ये रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है ये क्या कहता है कि इवन डिफेंडेंट वाज नॉट नेग्लेजेंट पहली बात वो नेग्लीजेंट नहीं है डिफेंडेंट नेग्लिजेंट नहीं है वो बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल सही तरीके से बिहेव कर रहा है सही तरीके से एक्ट कर रहा है और रादर इवन इफ द डिफेंडेंट डिड नॉट इंटेंशनली दूसरा इंपॉर्टेंट की वर्ड क्या है इंटेंशन नहीं है डिड नॉट इंटेंशनली कॉज दी वॉज केयरफुल इनफ वो केयरफुल भी था ठीक है ही कुड स्टिल बी मेड फॉर हार्म कॉज फिर भी उसको जो है लाइबल किया जा रहा है इस पर्टिकुलर रूल में ये बेसिक रूल समझ के रखना कि इंटेंशन भी नहीं है नेग्लिजेंट भी नहीं है केयरफुल भी है फिर भी जो है यहाँ पे डिफेंडेंट की लाइबिलिटी अराइज हो रही है जो भी हार्म कॉज हो रहा है प्लेंटिव को उससे नाउ अब यहां पे इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो देखो यहां पे क्या होता है रेलेंट जो है ठीक है ध्यान से समझना इस केस के फैक्ट्स क्या है रिलेंड जो है एम्प्लॉय करता है हायर करता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ठीक है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को वो हायर करता है जो है हु वर एप्रिहेन्टली कॉम्पिटेंट टू कंस्ट्रक्ट अ रिजर्वयर अब वो कॉम्पिटेंट है कि वो रिजर्वयर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रिलेंड के लैंड पे राइट नाउ

कि यहाँ पे कोई पुराने शाफ्ट और पैसेज बने हुए हैं के लैंड पे उन्होंने ये बात जो है कम्युनिकेट करी इन माइंड्स ऑफ फ्लेचर जो उसका नेबर था ठीक है फ्लेचर फ्लेचर नाम है केस का तो दूसरी पार्टी है वो नेबर थी रेलेंड की नेम एज फ्लेचर उनको बताया बट उन्होंने नो वन सस्पेक्ट दिस फॉर दे अपेयर टू बी फिल्ड विद Earth, अब यहाँ पे वो अर्थ से थे, वो से फिल्डेड थे ठीक है जो पैसेजेस थे थे वो थे, तो किसी ने ने भी भी कोई नहीं किया कुछ भी. Now, contractor ने क्या किया कुछ क्या उस पैसेज को जो ओल्ड शाफ्ट और पैसेजेस थे उसको ब्लॉक नहीं किया कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट ब्लॉक एंड फ्लडेडर्स माइन अब क्या हुआ कि उन्होंने उसको ब्लॉक नहीं किया और उससे क्या हुआ था जब रिजर्वायर फिल हुआ जब रिजर्वयर बनने के बाद उसको फिल किया गया रिजर्वयर को तो वो बर्स्ट आउट हो गया जिसकी वजह से फ्लेचर का जो माइन था वो पूरा फ्लड हो गया ठीक है क्योंकि पुरानी पहले ही ओल्ड शाफ्ट्स और पैसेजेस बने हुए थे क्लियर नाउ

तो उन्होंने बंद नहीं किया ओल्ड पैसेज और वे को बंद नहीं किया, तो रेलेंट की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, वो नहीं है, है वो अपने पे, पे उसने तो competent contractors को हायर किया था बनाने के लिए है। अब यहाँ पे contractor की गलती निकली क्योंकि उन्होंने जो है उसको बंद नहीं किया था तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या किया उनको पनिशमेंट दे दी किस के माइंड जो भी खराब हुए उस पर्टिकुलर केस में राइट right. नाउ जो ये रूल इस पर्टिकुलर केस में निकल कर आया वो यहाँ पे जस्टिस ब्लैकबर्न ने एक अपनी रूलिंग निकाली यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को लेकर और यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड ने उसको उस पर्टिकुलर केस को अफॉर्म uh, कर दिया जजमेंट को अफॉर्म कर दिया क्या कहना है ना पूरा पूरा पैसेज आ जाता है ऑनरेबल जस्टिस का तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है वी थिंक द true रूल ऑफ लॉ इज दैट द पर्सन हु फॉर हिज ओन पर्पज पर्सन जो है अपने खुद के पर्पज के लिए कुछ भी लेकर आता है अपने लैंड पे ठीक है अपने लैंड पे कलेक्ट करता है रखता है उसको कुछ भी लेके आता है जो मिस्चीफ कॉज कर सकता है दूसरी पार्टी को अगर वो स्केप कर जाता है मान लो मैं कुछ भी डेंजरस चीज लेकर आई या कोई भी चीज मैंने कंस्ट्रक्ट करी या अपने लैंड पे कलेक्ट करी और अगर वो स्केप हो जाती है वो पर्टिकुलर चीज और अससे कुछ मिस्चीफ कॉज होता है तो आप लाइबल होंगे बेशक आपकी कोई गलती नहीं थी बेशक आप नेग्लेजेंट नहीं थे बेशक आपकी इंटेंशन नहीं थी सामने वाली पार्टी को हार्म पहुंचाने की राइट मस्ट

ये केस खत्म हो गया, फैक्ट समझ में आया आपको, ब्लैक बेन जस्टिस ने क्या कहा ये भी समझ में आया और इससे आपका रूल ऑफ स्टेट लाइबिलिटी आ गया अब एक बार रूल देखो क्या कह रहा है ब्रॉडली यहां पे कहता है दैट इफ अ पर्सन ब्रिंग्स ऑन हिज लैंड एनी डेंजरस थिंग्स कोई भी डेंजरस चीज आप लेकर आते हो अपने लैंड पे एंड कीप इट देयर और उसको रखते हो स्टोर करते हो या कलेक्ट करते हो और उसके बाद वो डेंजरस चीज जो है आपकी एस्केप कर जाती है तो ही विल बी आंसरएबल फॉर द डैमेज कॉज्ड बाय एस्केप एस्केप होने की वजह से जो भी सामने वाले पार्टी को डैमेज कॉज हुआ है उसके लिए आप आंसरएबल होगे वो इंसान आंसरएबल होगा जो अपने लैंड पे ऐसी डेंजरस चीज लाके रखेगा राइट right.

जो मेरी गलती से स्केप नहीं हुई है और इनफैक्ट मैंने पूरा ड्यू केयर एंड डिलिजेंस से उसको संभाल के रखा बट अगर वो स्केप कर गई देन आल्सो यू विल बी लायबल एज पर द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी दस द लायबिलिटी इम्पोज इज नॉट बिकॉज़ ऑफ नेगलिजेंस और फॉल्ट ऑफ द पर्सन यहां पे अब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि लाइबिलिटी कैसी अराइज़ हो रही है आपकी नेगलिजेंस पे नहीं हो रही है आपकी इंटेंशन पे नहीं हो रही है आपके फॉल्ट पे नहीं हो रही है पर्सन के जिसने लाके रखा है बट इट इज बिकॉज़ ऑफ द नेचर ऑफ थिंग व्हिच इज केप्ट ऑन हिज लैंड जस्ट जिस तरीके का जिस भी डेंजरस चीज आप लाके रख रहे हो क्या नेचर है उसका

Give me a thumbs up. Come on. समझ में आया इज इट क्लियर अमन अमित रुद्रा ओके okay. चलो थैंक यू आगे देखो यहां पर तो उसी से हमने ड्रॉ कर लिया कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट अगर आपको रिलन मेज फिर वाला केस अप्लाई करना है पहला कि आप कुछ डेंजरस चीज लेकर आए हो कुछ डेंजरस चीज आप लेकर आए हो अपने लैंड पे ठीक है दूसरा थिंक दस ब्रॉड और केप्ड बाई पर्सन ऑन हिज लैंड मस्ट स्केप दूसरा क्या है कि आप डेंजरस चीज लाए थे और वो स्केप हो गई ठीक है और तीसरा इट मस्ट बी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेंजरस थिंग्स डेंजरस थिंग का क्या मतलब है तो डेंजरस थिंग का मतलब यहां पे है कि कोई भी ऐसी चीज कोई भी ऐसा सबसे जिसके स्केप होने से सामने वाले को नुकसान होगा जैसे कोई गैस ठीक है कुछ भी आप लेके आ सकते हो कोई भी अप्लाई करता है गैस पे इलेक्ट्रिसिटी पे कोई ऑयल पे आ, फ्यूम्स पे या फिर रस्टी वायर्स फ्रॉम द डीकेट फेंस वाइब्रेशंस पॉइजन वेजिटेशंस एंड फ्लैग ओल एक्सेट्रा तो अगर आप इस तरीके की कोई भी आइटम अपने लैंड पे लेकर आते हो कोई भी डेंजरस चीज आप लेकर आते हो वो स्केप हो जाती है तो आपकी लाइबिलिटी इनकर हो जाएगी आप लाइबल हो गए राइट तो यहाँ पे रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीकेबल एप्लीकेबल जब तभी एप्लीकेबल होगा ये रूल जब आप इस तरीके की कोई भी डेंजरस चीज अपने लैंड पे लाके रखोगे स्टोर करोगे या फिर कलेक्ट करोगे अपने लैंड पे लाकर रखोगे तभी यहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल होगा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का या आप कह सकते हो रेलन इनवर्स फ्लेचर का रूल अप्लाई होगा राइट नाउ

यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि उसके कंट्रोल के बियॉन्ड हो डिफेंडेंट के प्रमाइसिस से बाहर लीक हो जाए बाहर स्केप हो जाए तो वो किस में आएगा आपका तभी आपको रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एप्लीकेबल होगा डज अ पर्सन शैल बी हेल्ड लाइबल ओनली इफ तभी लाइबल होगा वो इफ द इंजरी हैज बीन कॉज टू द प्लेंटिफ इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द स्केप स्केप हुआ और स्केप से सामने वाले को इंजरी हुई प्लेंटिफ को इंजरी हुई तभी ये रूल आपका एप्लीकेबल होगा अदरवाइज ये रूल आपका एप्लीकेबल नहीं होगा राइट तो स्केप होने से कुछ भी मिस्टिवियस एक्ट हो गया कोई कोई अगर कोई ही नहीं है तो कोई भी लाइबिलिटी नहीं है मैंने जैसे बताया कि आप चीज लाए स्के प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नाउ एक समझो इसको यहां पर क्या कहता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ड्यूटी वेंट टू फैक्ट्री वेर एक्सप्लोसिव आर्टिकल्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड स बनते हैं मैन्यक्चर होते हैं ठीक है अब, अब यहाँ पे डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा यहाँ पे डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा रेलन वर्सेज फ्रेचर वाले रूल में इस ग्राउंड पे क्योंकि कोई स्केप ही नहीं हुआ भाई आप वहाँ गए फैक्ट्री में वहां फट गया वो जहां आप गए मैन्युफैक्चर आप फै, उस फैक्ट्री में गए उस फैक्ट्री में आप काम करते हो जहां पे कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस कोई फटने वाला सब्सटेंस बनता है अब वो वहां फट गया तो आपको इंजरी हुई बट दे बिकॉज वो सब्सटेंस जो है वो डेंजरस सब्सटेंस जो है वो स्केप नहीं हुआ ठीक है वो स्केप नहीं हुआ कोई डेंजरस चीज जो है स्क्रेप नहीं हुई प्रोमाइसिस से इस वजह से डिफेंडेंट इस पर्टिकुलर केस में लायबल नहीं होगा तो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आप डेंजरस चीज लाए अपने प्रोमाइसिस पे दूसरा उसका स्केप होना भी जरूरी है ठीक है तभी लाइबिलिटी अराइज होगी रेल एंड केस के हिसाब से अदरवाइज कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी ऐसा जो है इस पर्टिकुलर केस में कहा गया रेड वर्सेज लियोन एंड कंपनी सेवन इज इट क्लियर इज इट क्लियर Is it clear? एक बार स्केप वाली बात समझ में आई सबको कमॉन गज नॉट इंटरेस्टिंग कैसा लग रहा है मतलब लॉ तो यार बहुत लॉ ऑफ टॉट तो अमेजिंग सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है इसके तो केस लॉस के फैक्ट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं समझ में आए गिव मै थैंक यू ओ मच चलो अब हम बात करेंगे नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड नॉन नेचुरल वर्ड से क्या समझ में आ रहा है कि आप उस लैंड को नेचुरली उस तरीके से यूज नहीं कर रहे हो राइट right? अगर आपको वर्सेस फ्लेचर वाला केस अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर केस में तो वो दो कंडीशन के बाद तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट आती है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड दैट द लैंड इज नॉट नेचुरल ठीक है ऐसा कुछ लैंड में नेचुरली ग्रो नहीं कर रहा है अब मान लो अगर मान लो पेड़ है ठीक है अब वो पेड़ अपने आप ही उग रहा है अब पेड़ गिर गया ठीक है तो क्या आप ये कहोगे कि भाई उसमें आ, ये पेड़ तो नेचुरली उग रहा है ना तो अगर वो गिर जाएगा तो आप वो उस पर्टिकुलर लैंड का नॉन ना नेचुरल यूज नॉन नेचुरल यूज नहीं हुआ नेचुरल यूज है भाई लैंड में कोई भी पेड़ उग रहा है वो पेड़ गिर गया तो नो वन विल बी लाइबल ठीक इन केस जैसे अगर मान लो कोई भी आ, एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको इस पर्टिकुलर केस के रिस्पेक्ट में नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में कि भाई मान लो कुछ डेंजरस चीज उग रही है अब भाई सारी जो चीजें उगती हैं छोटे छोटे जो ग्रास होते हैं कुछ डेंजरस ग्रासेस भी हो जाती हैं कुछ पॉइजनस ग्रास हो जाती है राइट अब मान लो मेरा घोड़ा गया और चर लिया अब घोड़ा खुद से गया ना वहां पे चरने के लिए तो अगर उसने कुछ खा लिया और घोड़ा मर गया तो क्या लाइबिल होगा नहीं बिकॉज इट इज अचुरल यूज ऑफ लैंड भाई नॉर्मली उग रहा है उसमें कोई पसंद उगा तो नहीं रहा है उसे नेचुरल यूज हो रहा है तो उन पर्टिकुलर केस में लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी नॉन नेचुरल लैंड का यहाँ पे यही मतलब है दैट नॉन नेचुरल लैंड का क्या मतलब होगा वो डिपेंड करेगा कि क्या टाइम और लोकेलिटी है हर केस की बट देन अगर जनरली हम बात करें कि नॉन नेचुरल यूज मीन्स सम स्पेशल यूज ब्रिंगिंग विद इट इंक्रीज डेंजर टू दस आप ऐसा कोई चीज ला रहे हो जो उस पर्टिकुलर जगह पे डेंजरस है पहली बात और वो दूसरों के लिए भी डेंजरस है ठीक है यू आर ब्रिंगिंग विद इट इंक्रीज डेंजर टू अदर आप ऐसी चीज लेकर आए लैंड पे जो दूसरों के लिए इंक्रीज कर रही है डेंजर एंड मस्ट नॉट मेयरली बाई ऑर्डनरी यूज ऑफ लैंड और वो ऑर्डनरी यूज ऑफ लैंड से नहीं है राइट right. और सच आज एज इट प्रोपरली फॉर जनरल बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी नाउ इन द द रिस्पेक्ट ऑफ थिंग्स नेचुरली ऑन लैंड प्रिंसिपल हैज नो एप्लीकेशन जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया कि कोई चीज नेचुरली उग रही है लैंड पे तो उस पर्टिकुलर केस में इस प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी तभी होगी जब आप ऐसी कोई चीज लेकर आए लैंड पे या आप ऐसी चीज लेके आ रहे हो जिससे दूसरों के लिए डेंजर बढ़ रहा है कि भाई अगर कोई ऐसा फ्यूम आए या कोई ऐसी ऑयल ले आए या इलेक्ट्रिसिटी ले ले आए आए या फिर गैस ले जिसके स्केप से दूसरे को होगा तभी ये होगा अदरवाइज ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा ना इसका एक पर्टिकुलर केस भी है वानी वेरी गुड इवनिंग आ, इसका एक पर्टिकुलर केस भी है नोबल वर्सेज हेरिसन अब इस पर्टिकुलर केस में इसमें जो है इस पर्टिकुलर केस में आपका आ, And Trust Limited, इसमें अप्लाई किया गया था जहां पे आ, नोबल वर्सेस हैरिसन के को किया था और दोनों ही सेम लाइन पे काम करते हैं अब यहां पे क्या कह रहा है जहां पे कोर्ट ऑफ अपील ने हेल्ड किया ये कि जो है लाइबल नहीं होगा क्यों लाइबल नहीं होगा क्या फैक्ट्स थे इस केस के लाइबल नहीं होगा नेग्लिजेंस के लिए और न्यूसेंस के लिए फॉर द इंजरी कॉज बाय फॉल ऑफ एन ट्री मई कोई पेड़ गिर, गिर गया तो डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा क्यों नहीं होगा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि भाई पेड़ लगा हुआ है नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो रहा है ठीक है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड नहीं हो रहा है नेचुरली कोई पेड़ है वो गिर गया तो डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा उसके लिए ऑन दी प्लेंटिव कार अब यहाँ पे एक पेड़ जो है डिफेंडेंट के घर पे लगा हुआ था वो जो है प्लेंटिव की गाड़ी पे गिर गया गाड़ी को नुकसान हो गया दीज वी फैक्ट ऑफ द केस तो उस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ऑफ अपील ने क्या कहा कि वो लाइबल नहीं होगा नेग्लिजेंस या फिर इंजरी जो कॉज हुई है प्लेंटिव को उसकी गाड़ी खराब हो गई है गाड़ी टूट फूट गई है तो उसके लिए डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा क्यों कि जो ट्री है आप उसको डेंजरस कैटेगरी में नहीं लाओगे मैंने क्या कहा कि आप कोई डेंजरस चीज ला रहे हो अपने लैंड पे तो ट्री तो कोई डेंजरस चीज नहीं है और यहां पे नेचुरली ट्री ग्रो हो रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में डिफेंडेंट को लाइबल नहीं किया गया Now, ये तो हो गए कुछ एसेंशियल्स जब आपको प्रिंसिपल लगाना होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल लगाना होता है रन इनसेस फेचर का तब ये कुछ तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इसको देख के हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नाउ टॉकिंग अबाउट इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी है जहां पे ये आपका प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि भाई ये रूल जो है एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज ये एक्सेप्शन है तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है और दीज आर दी फॉलोइंग एक्सेप्शन पहला क्या है plaintiff ओन डिफॉल्ट plaintiff की खुद की गलती है दूसरा plaintiff ने कंसेंट दी है तीसरा एक्ट ऑफ गॉड चौथा एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर पांचवा कॉमन बेनिफिट स्टैटरी अथॉरिटी ठीक है तो यहां पे क्या कह रहा है कि अगर ये सारी चीजें हैं अगर इन सारी वजह से plaintiff को हार्म कॉज हुआ है तो डिफेंडेंट लाइबिल नहीं होगा क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये सारी चीजें आपकी एक्सेप्शन में फॉल करती हैं ठीक नाउ वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन की क्या क्या एक्सेप्शन है इसके राइट एक बार देखते हैं हम सबसे पहले कि प्लेंटिव ओन डिफॉल्ट प्लेंटिव की खुद की गलती है तो उस पर्टिकुलर केस में अगर प्लेंटिव को कोई हार्म हुआ है तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकता क्लियर बहुत सिंपल सी बात बहुत बेसिक सी बात देखो लॉ जो है ना आपका लॉजिक पे है लॉ को हम कहते हैं कि भाई जो लॉ कोई भी लॉ हो कोई भी एक्ट हो वो लॉजिक पे काम करता है तो इसलिए हम कहते हैं लॉ इज लॉजिक कॉमन सेंस पे चलता है अब भाई प्लेंटिव की ही खुद की डिफॉल्ट है तो प्लेंटिव कैसे क्लेम कर सकता है डैमेजेस डिफेंडेंट से अगर उसकी गलती नहीं होती तो तो समझ में भी आता है कि भाई हाँ मेरी गलती नहीं थी आप मुझे हम हुआ आप मुझे पे करो कम्पनसेशन बट जहां पे डिफेंडेंट की खुद ही गलती है तो वो क्यों वो क्यों पे करेगा डिफेंडेंट डिफेंडेंट क्यों पे करेगा defendant की तो वैसे भी कोई गलती नहीं है बट देन ऑल्सो यहाँ पे डिफेंडेंट की नहीं प्लेटिव की खुद की गलती है तो यहाँ पे वो आ, ये एक्सेप्शन एप्लीकेबल हो जाएगा और प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं एप्लीकेबल होगा राइट right. अब यहां क्या, क्या कह रहा है द डैमेज इज बाय स्केप ड्यू टू फॉल्ट ऑफ

कोर्ट ऑफ द डेंजर बाय डूइंग समी फ्लिंग प्रोवेबल हीन अब यहाँ पे उसको पता है कुछ कुछ डेंजरस चीज रखी है लेकिन गलती किसकी है प्लेटिव की खुद की गलती है तो अगर प्लेंटिव की खुद की गलती है तो फिर वो उसके रिस्पेक्ट में कंप्लेन नहीं कर सकता और ये आपका एक गुड डिफेंस है ना एक केस है इसमें अगेन इसके बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जैसा मैंने बताया हॉर्स वाला और वो हॉर्स वाला केस है आपका पॉन्टिंग वर्सेज नोक्स ठीक है अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि का घोड़ा जो है के पास एक घोड़ा है वो जो है डिफेंडेंट की बाउंड्री से पहुंच गया ठीक है और वहां जो है कुछ पॉइजनस ट्री थे उसको चर गया ठीक है कुछ पॉइज़न पॉइजनस ट्री थे वहां पे उसको चर गया और वो मर गया नाउ अकॉर्डिंगली इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट द द्लेंटिव कुड रिकवर थिंग फॉर डैमेजेस विच वॉज ड्यू बिकॉज ऑफ हॉर्स ओन इंट्यूजन अब यहां पर घोड़ा खुद से गया तो यहाँ प्लेन्टिव की खुद की गलती उसको काबू में रखना चाहिए था अपना घोड़ा क्यों चला गया वहां पर अब वो वहां गया उसने पॉइजन ट्री खा लिया वो मर गया तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी क्योंकि प्लेटिव की खुद की गलती है तो यहाँ पे डिफेंडेंट विल नॉट भी लाइबल और प्रिंसिपल ऑफ रेल मिसेस फेचर विल नॉट भी एप्लीकेबल इन पर्टिकुलर केस क्लियर इज इट क्लियर गिव मी अथाम क्लियर हो रहा है आज तो मैं तेज तेज भी नहीं पढ़ा रही बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूं इज इट्स क्लियर कमॉन कमॉन ठीक है अमित बस अमित को ही समझ में आ रहा है अमन रेस्ट ऑफ आर नॉट एबल टू गेट इट इट इज ओनली अमित इंटेलिजेंट है इन द सेशन टूडे नो वन एल्स चलो एनी आगे देखते हैं हम नेक्स्ट इज कंसेंट ऑफ दी प्लेंटिव अगर प्लेंटिव की खुद की कंसेंट है तो फिर अगर उसने खुद से ही कंसेंट दिया है तो फिर वो डिमांड नहीं कर सकता कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता वो डिमांड नहीं कर सकता कंपनसेशन डिफेंडेंट से अब ऐसे में आपका आपका रूल आ जाता है नॉट फिट का जहां पर वॉलेंट्री नॉटफिट इंजूरिया का एक बहुत क्लासिक और बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है कि भाई आप गए एफ रेस देखने ठीक या आप गए फुटबॉल मैच देखने तो अगर फुटबॉल आपके मुंह पे आके लग गई या कोई कार एफ वन की क्रैश कर गई ऑडियंस में तो आपने वहां पे खुद से आप मैच देखने गए तो यू हैव ऑलरेडी कंसेंटेड ठीक है आपने कंसेंट दी थी जैसे हम लोग रिवर राफ्टिंग करने जाते हैं जब ऋषिकेश वगैरह में तो वहां पे हमसे कंसेंट का फॉर्म भरवाया जाता है भाई डूब गए अगर गंगा में तो हमारा कुछ नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते यू योर सेल्फ आर रेडी टू टेक द रिस्क ठीक है यू यू आर रेडी टू टेक द रिस्क आप जो है पूरा रिस्क लेने के लिए हा कह रहे हो दैट मीनस दैट कम्स अंडर द एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री नॉट फिट इंजूरिया दैट यू आर गिविंग कंसेंट

अब यहां पे ये यह एक्सेप्शन जो है बताता है द प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंट्री नॉन-फिट इंजुरिया एज वी हैज आइदर एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली एग्री किया है टू ब्रिंग

शॉप प्रमाइसिस ठीक है फॉर्मिंग दी पार्ट ऑफ डिफेंडेंट्स बिल्डिंग अब वो जो दुकान थी वो डिफेंडेंट की बिल्डिंग में थी अब यहां पे उसको पता है प्लेंटिफ को पता है कि वहां पे एक थिएटर और रिहर्सल रूम भी है ठीक है अब जब उसने जो शॉप प्रमाइसिस तो ही वाज अवेयर अबाउट इट प्लेंटिफ को पता था कि इसकी बिल्डिंग में जो है रिहर्सल रूम भी बना हुआ है और थिएटर भी है नाउ व्हेन द लीज वाज ग्रांटेड प्लेंटिफ न्यू दैट द रिहर्सल रूम वाज फिट विद अ सिस्टम ऑफ स्प्रिंकलर्स ठीक है उसको पता था कि जब उसने आ, उसको किराए पे लिया था लीज पे लिया था शॉप तो प्लेंटिफ को पता था कि जो रिहर्सल रूम्स हैं या फिर जो थिएटर है उसमें स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं ठीक है जिससे पानी आता है ठीक वो स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं बट ऑल्सो एक्सटेंडेड टू हे शॉप डिफेंडेंट ने कुछ नहीं छुपाया डिफेंडेंट ने सब बता दिया कि भाई वो वो जो स्प्रिंकलर्स है है आपके शॉप में भी एक्सटेंड होते हैं ठीक डिजाइन टू डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉटर केस ऑफ फायर ठीक है कि भाई जब आग लगती है तो लोग स्प्रिंकलर्स लगा लेते हैं आपने भी देखा होगा मॉल वगैरह में लगे होते हैं राइट कि आग लगेगी तो स्प्रिंक्लर्स से ऑटोमेटिकली बहुत तेज अमाउंट में पानी आने लगेगा ठीक अब यहाँ पे प्लेटिव को पता था ये बात कि स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं owing to an exceptionally severe frost and not to any default on the part of the defendant, defendant की कोई गलती नहीं थी। ठीक है, तो sprinklers burst and the water uh, से पूरा उसका plaintiff की shop जो है, uh, में पानी भर गया और उसके सारे goods जो है खराब हो गए। ठीक। अब यहाँ पे plaintiff ने consent दी थी, he was knowing about this sprinklers, कि sprinklers लगे हुए हैं यहाँ पे। अब plaintiff साहब ने क्या किया? Defendant को sue कर दिया damages के लिए। अब यहाँ पे कहा गया, इस particular case में

बट एक इंपॉर्टेंट चीज

ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है ठीक है वॉज नॉट हेल्ड लाइबल टू दी प्लेट वो लाइबल नहीं किया गया इस पर्टिकुलर केस में क्यों क्योंकि जो ऑक्यूपेंट है लोअर स्टोरी का उसने क्या किया डैमेज के लिए क्लेम किया ठीक है उसने क्लेम किया डैमेज के लिए जो डैमेज कॉज हुआ है स्केप ऑफ वाटर फ्रॉम दी वाटर बॉक्स अब यहाँ पे दो फ्लोर है ठीक है ऊपर और नीचे अब ऊपर वाले फ्लोर में एक वाटर स्टोर है उस स्टोर से पानी लीक हो गया

ऊपर लगाया है वो जो आ, हम लोग हम लोग अगर अपनी देसी भाषा में कहें तो वाटर स्टोरेज टैंक नहीं लगे होते तो सबके घर में एक स्टोर किया जाता है पानी अब भाई उससे लीक हो गया चूहे ने उसको काट दिया किसी ने भी काट दिया और वो लगा क्यों है दोनों फ्लोर को पानी सप्लाई करने के लिए अगर मान लो वो लीक कर जाता है तो कॉमन बेनिफिट है इस वजह से प्लेंटिव जो है एक्शन नहीं ले सकता अगेंस्ट दिफेंडेंट नाउ नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ गॉड भाई एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है अर्थक्वेक आ गया डिजास्टर कोई चीज हो गई ठीक है या फिर फ्लड हो गया बहुत पूरे बिहार में हम अक्सर देखते हैं क्या होता है फ्लड हो जाता है राइट right? बहुत ज्यादा फ्लड आता है वहां पे और भी जगह तो की करनी है।, ठीक, बहुत बारिश हो की बारिश हो रही है तो अगर इन सब चीजों से कोई नुकसान होता है तो आपका प्रिंसिपल ऑफ या एप्लीकेशन नहीं होता है इस पर्टिकुलर रिलेचर केस का राइट अब यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड को कैसे डिफाइन करोगे कोई नेचुरल फोर्स हो, कोई नेचुरल फोर्स से कोई चीज हुई है ठीक है कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है जो एक नॉर्मल इंसाइन इंसान जो है फोरसाइट नहीं कर सकता अब मुझे नहीं पता कल गुड़गांव में इतनी बारिश हो जाए इतनी एकदम इतनी इतनी ज़्यादा बारिश हो जाए कि डूब जाए गुड़गांव तो मैं तो उस पर्टिकुलर केस को आप क्या कहोगे नेचुरल फोर्स है वो उसको आप जो है नहीं फोरसाइट कर सकते आप रीजनेबली एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते वो चीज तो उस पर्टिकुलर केस में आ, वो वो आपका आता है इस एक्सेप्शन के अंडर दैट इज एक्ट ऑफ गॉड राइट

उसमें डिफेंडेंट की कोई भी गलती नहीं है डिफेंडेंट उसको फोर्स ही नहीं कर सकता उसको नहीं कर सकता। तो अगर एक लैंडमार्क केस है दैट इज निकोलस वर्सिस मार्क्स निकोलस वर्सेस मार्स लैंड मार्स लैंड राइट अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ डिफेंडेंट ने क्या किया एक आर्टिफिशियल लेक्स कंस्ट्रक्ट करी ठीक है डिफेंडेंट ने कंस्ट्रक्ट uh, करी आर्टिफिशियल लेक्स ठीक है अपने लैंड पे बाय डैमिंग अप नेचुरल स्ट्रीम एट अ पॉइंट हायर अप देन द डिफेंडेंट्स लैंड ठीक अब यहाँ पे उसने अपनी तरफ से पूरा अवेयर uh, था उसने अलग लेवल पे अलग हाइट पे बनाया वो आर्टिफिशियल लेक लेक राइट बट ड्यू टू एक्स्ट्रा रेनफॉल इतनी अत्यधिक बारिश हुई इतनी अत्यधिक बारिश हुई कि वो पूरा भर गया और फिर उसकेप कर गया राइट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेनफॉल की वजह से ग्रेटर एंड मेयर देन एनी विदिन मेमोरी ऑफ विटनेसेस को किसी को याद भी नहीं होगा किसी ने ऐसा किसी बहुत टाइम से किसी को ध्यान भी नहीं होगा कि कभी इतनी तेज बारिश हुई भी है ऐसा किसी ने विटनेस ही नहीं किया ठीक है है किसी की मेमोरी में भी नहीं ये सारी चीजें। इतनी की तेज बारिश हो गए, बारिश हो हो गई, गई, टू स्वेल टू सच एन एक्सटेंड दैट आर्टिफिशियल बैंक बर्ड एंड एक्सकेपिंग वॉटर रेस्ट टू द्लेनेट लैंड एंड कैरिड अवे फोर कंट्री ब्रिजेस अब यहाँ पे प्लेटिफ को नुकसान हो गया तो प्लेटिफ यहाँ पे डैमेज डिफेंडेंट से क्लेम नहीं कर सकता बिकॉज अगेन इट विल कम अंडर एक्ट ऑफ गॉड कि भाई ये गॉड का एक्ट है ऊपर वाला बारिश कर रहा है बहुत तेज राइट नाउ सू ऑन बिहाफ ऑफ दंट्री

रूल ऑफ रिलन वर्सेस फ्लेचर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर किसी स्ट्रेंजर के एक्ट से कोई डैमेज कॉज होता है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका एक्सेप्शन में वो फॉल कर जाएगा तो उसमें डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा ठीक है तो वर्सेस फ्लेचर का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, जहाँ पे कोई भी होगा तो सर्वेंट तो है ना ही डिफेंडेंट का उस पर्टिकुलर अजनबी पे कोई कंट्रोल है ना ही उस डिफेंडेंट को अता पता है कि भाई ये बंदा कौन है मेरे को नहीं पता उसको स्ट्रेंजर है ठीक है मैं डिफेंडेंट मान लो मेरे लिए कोई रैंडम पर्सन ना तो वो मेरा सर्वेंट है ना मेरा उसका कोई कंट्रोल है उस पर राइट अगर उसके एक्ट से कोई डैमेज हो जाएगा तो फिर डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा मान लो कोई ट्रेस पासर ठीक है इफ अ ट्रेस पासर लाइट अ फायर ऑन माई लैंड आई एम नॉट लाइबल इफ माई इफ

और मैं विदिन रीजनेबल टाइम उसको बुझा, बुझा नहीं पाई अपनी आग को तो फिर मैं स्ट्रेंजर का है, मेरे को नहीं है, इसकी, मैं नहीं जानती है ना मेरा कोई कंट्रोल है ना मेरा वो सर्वेंट है तो उस पर्टिकुलर केस में मेरी लाइबिलिटी नहीं होगी डिफेंडेंट की लाइबिलिटी नहीं होगी बट जहां पे अगर स्ट्रेंजर का एक्ट नॉलेज में आ जाता है डिफेंडेंट के अगर मुझे पता है अगर मेरी नॉलेज में है ठीक है

कि मेरी नॉलेज में था कि वो स्ट्रेंजर वो पर्टिकुलर एक्ट करेगा तो अब मैं उसको रोक मैंने उसको रोका नहीं ठीक है तो आग लगा देता है उससे नेबर की प्रॉपर्टी खराब हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में मैं लाइबिल नहीं हूँ क्लियर इज इट क्लियर इज इट क्लियर स्टैटरी अथॉरिटी द लास्ट एक्सेप्शन और यहां पर अथॉरिटी के हिसाब से क्या है मान लो कोई रूल आया है कोई पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया है तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट स्टेक्लाइबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होता राइट अगर आ, क्या कहते हैं आपका रूल जो है फ्लेचर का वो एक्सक्लूड किया जाएगा बाय दूट स्टैट्यूट हाउएवर सैटरी अथॉरिटी कैन नॉट बी प्लीडेड एज अ डिफेंस व्हेन व्हेन देयर देयर इज इज अ अ डिफेंसेंस अगर सैटरी अथॉरिटी वो नेग्लिजेंस प्लीड नहीं कर वो ये डिफेंस प्लीड नहीं कर सकती अगर वो अपने पार्ट पे नेग्लिजेंट है तो राइट नाउ इन अ केस ऑफ ग्रीन वर्सेस चेल्सी वाटर वर्क्स कंपनी अ मेन बिलोंगिंग टू अ वाटर वर्क कंपनी व्हिच वाज ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट टू ले द मेन बस्ट ठीक है अब यहां पे Uh, कुछ uh, क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने ही अलाउ किया था कि भाई आप ये पर्टिकुलर काम करो और वो बर्स्ट कर जाता है बिना किसी नेग्लिजेंस पे किसी कंपनी के एंड द uh, जो है की वो उसमें पूरा फ्लड हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे कंपनी वॉज नॉट हेल्प लाइबल बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा था पार्लियामेंट ने कहा था कि वो तुम ये पर्टिकुलर एक्ट करो तुम पर्टिकुलर पानी इकट्ठा करो या मेन स्ट्रीम बनाओ वट एवर इट इज तो अगर वो गवर्नमेंट ने कहा है तो फिर पर्टिकुलर लाइबिलिटी नहीं होगी क्योंकि इट विल फॉल अंडर दी दुरी अथॉरिटी ज द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्लियर टू ऑल क्या उसके मेन एसेंशियल इंग्रीडियंट और आपको डिफेंसिस एक्सेप्शन है क्या समझ में आए गिव मी आम्स अप नाउ एवरी वन प्लीज अगर उसके रूल्स आपको समझ में आए एक्सेप्शन समझ में आए वॉट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या वो समझ में आए सो वी कैन गो अहेड विद दी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ठीक है अमित को ही सिर्फ समझ में आ रहा है हा ठीक है

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में ये जो है रूल आ, निकाला था एब्सोल्यूट के प्रिंसिपल्स को डाउन किया था इन दिस पर्टिकुलर केस ठीक है जिसको हम कहते हैं ओलियम गैस लीकेज केस ठीक है case, अब इस केस के क्या फैक्ट्स हैं वो देखो यहाँ पे ऑन फोर्थ एंड सिक्स दिसंबर ओलियम गैस लीक्ड फ्रॉम वन ऑफ द यूनिट ऑफ श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री इन दिल्ली अब इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से ये जो पर्टिकुलर गैस है वो लीक हो जाती है ड्यू टू दिस लीकेज एन एडवोकेट डाइड एंड मेनी पीपल हैज हार्ड हैजार्डियस इफेक्ट अब इसके इस गैस ग्या, के लीकेज से जो है एडवोकेट की मौत हो जाती है और बहुत सारे लोगों को अफेक्ट भी होता है हैजार्डियस इफेक्ट रहता है इसके लीकेज से ठीक तो एक फर्टिलाइजर है वहां पे गैस स्टोर कर रहे हैं वो और वो गैस लीक होने की वजह से कुछ एडवोकेट की मौत हो गई और बाकी लोगों को हजार इफेक्ट हुआ अब यहाँ पे एक पीआईएल फाइल करी गई अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अब सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया ये रूल रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ठीक है सुटेबल टू दोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन इंडिया एट दी प्रेजेंट डे तो आपके टाइम को देखकर इस रूल को इवॉल्व किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा एमसी मेहता वर्सेस यूनिफ इंडिया वाले केस में अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसली डिक्लेअर किया कि रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाज नॉट सब्जेक्ट टू तो एनी ऑफ द एक्सेप्शन लेड डाउन अंडर रेलन वर्सेस फ्लेचर केस अब यहां पे इस पर्टिकुलर केस में कहा कि इसमें प्रखर कुमार बिहार में आता है वेस्ट बेंगाल में आता है एंड मेनी अदर स्टेट ऑल्सो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है बट बिहार और वेस्ट बेंगाल में मेन्स में, में पूछा जाता है एस ऑप्शनल सब्जेक्ट और uh, प्रिलिम्स में तो पूछा ही जाता है राइट right? राइट right, प्रखर यस विपिन करेक्ट राइट नाउ अब यहाँ पे क्या एक्सप्रेस किया कि भाई जो भी एक्सेप्शंस आपके लेट डाउन हैं, रिलेन वर्सेस फ्यूचर में जो भी हमने देखा एक्ट ऑफ गॉड एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर सैटरी अथॉरिटी ठीक है कॉमन बेनिफिट प्लेंटिव ओन कंसेंट या फिर आ, प्लेंटिव का खुद का डिफॉल्ट ये सारे जो एक्सेप्शन हैं उससे ये पर्टिकुलर रूल विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू दैट ठीक है ये रूल्स आपके एक्सेप्शन जो हैं पे एप्लीकेबल नहीं होंगे नाउ द कोर्ट सम ऑफ द रूल इन दी फॉलोइंग वर्ड्स अब यहां पे दिस इज इंपॉर्टेंट कहता है दैट वेयर एन एंटरप्राइज इज एंगेज्ड इन अ हैजार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी जहां पे कोई भी एंटरप्राइज ऐसे हजारियस चीजें कर हडाजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या कुछ इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी कर रहा है जिससे हार्म एंड हार्म रिजल्ट्स टू एनी वन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट जिससे किसी को हार्म पहुंच सकता है अगर कोई एक्सीडेंट होता है नाउ इन ऑपरेशन ऑफ सच हजार डेंजरस एक्टिविटी रिजल्टिंग For example, in the escape of toxic gas, the enterprise is strictly and absolutely liable. Now, coming back to the very basic thing, that if you any inherent dangerous activity, kar rahe ho, कोई भी इंटरप्राइज कोई भी इंडस्ट्री अगर ऐसा कुछ भी कर रही है ठीक है जिसके स्केप होने से जिसके गैस लीक होने से अगर सोसाइटी को हार्म पहुंचता है तो वो इंटरप्राइज आपकी स्ट्रिक्टली और एब्सोल्यूटली लायबल होगी उसका कोई एक्सेप्शन नहीं लगेगा राइट नाउ अगेन द एंटरप्राइज इज स्ट्रिक्टली एंड एब्सोल्यूटली लाइबल टू कंपनसेट

उस पर्टिकुलर केस में जहां पे कोई एंटरप्राइज कोई इंडस्ट्री कोई इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी कर रही है और कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस एक्सीडेंट की वजह से सोसाइटी को हार्म होता है लोगों को हार्म पहुंचता है तो उस पर्टिकुलर केस में कोई भी एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं होगा द द्राइज विल बी स्ट्रिक्टली एंड एप्सल्यूटली लाइबल उसको कंपनसेशन देना ही पड़ेगा ठीक है भोपाल गैस ट्रेजिडी इज वन ऑफ द क्लासिक एक्साम्पल फॉर द सेम

Has a social obligation to compensate. दो सफरिंग दो सफरिंग अगर एज एंटरप्राइज आप कोई भी एक्टिविटी ऐसा कर रहे हो जिससे सोसाइटी को हार्मीडेंट हो जाता है या वो स्केप हो जाती है और वो एंटरप्राइज आप क्यों चला रहे हो अपने प्राइवेट प्रॉफिट के लिए चला रहे हो तो ये आपकी एक सोशल ऑब्लीगेशन है कि आप जो है सबको कंपनसेट करें जो भी हार्म हुआ है लोगों को उस एक्सीडेंट की वजह से कोई गैस लीक हो गई है या कोई भी चीज स्केप uh, कर गई है तो ये आपकी एक सोशल ऑब्लिगेशन है कि आप जो है कंपनसेट करो सेकेंडली द एंटरप्राइज अलोन हैज अ रिसोर्स टू डिस्कवर एंड गार्ड अगेंस्ट हजार्ड एंड डेंजर अब यहाँ पे जो एंटरप्राइज है वो खुद ही उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं डिस्कवर करने के लिए और गार्ड करने के लिए अगेंस्ट दिस हजार्ड एंड डेंजर वही गार्ड कर सकती है वही उसको प्रिवेंट कर सकती है उस डेंजर और उस

उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है वो पर्टिकुलर कोई गैस या कोई भी सब्सटेंस लीक हो जाता है जिससे सोसाइटी को हार्म होता है तो आपकी एंटरप्राइज की ये है कि वो जो है सबको कंपनसेशन दे तो हम सारे जनरल डिफेंसिस कवरअप करेंगे जनरल डिफेंसिस पहला आपका वॉलेंट्री फिट इंजूरिया इनबल एक्सीडेंट मिस्टेक प्राइवेट डिफेंस नेसेसिटी

तो अगर हम वॉलेंट्री नॉट फिट इंजुरिया के बारे में हम बात करें दैट मीन यू आर गिविंग योर कंसेंट और यू आर एग्रींग टू टेक द रिस्क हाँ मेरी इसमें पूरी सहमति है इस बात में कि मैं जो है रिस्क जो भी इसमें होगा उसके लिए मैं कंसेंट दे रहा हूँ ठीक है मैं अपनी सहमति जता रहा हूँ कि हाँ जो भी कोई हार्मा आई एल बी टेकिंग द रिस्क ऑफ इट राइट ना जो ये uh, मैगजिम है ये एक मैग्जिम है आपका वॉलेंटरी नॉटफिट इन जूरिया इसका लिटरल मीनिंग होता है दैट टू बिच अ मैन कंसेंट के नॉट अपनी सहमति दे रहा हूं तो बाद में चीज, लेकर कंप्लेन uh, नहीं कर सकता राइट इट मीनस दैट नो एक्ट इज एक्शनेबल एज दिट अ टॉट एट दूट ऑफ एनी पर्सन एक्सप्रेसली दी है एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली इम्प्लाइड implied तरीके से मैंने कंसेंट दे दी है तो फिर मैं किसी पर्सन की लाइबिलिटी को अराइज नहीं करा सकती तो आप किसी पर्सन के खिलाफ कोई लॉ सूट नहीं फाइल कर सकते लॉ ऑफ टॉट के अंदर राइट नाउ अ पर्सन विद अनदर ठीक है एक पर्सन ने दूसरे पर्सन ने एग्रीमेंट किया चाहे वो एक्सप्रेस हो या फिर इम्प्लाइड हो कि वो जो है रिस्क लेने को तैयार है ठीक है वो रिस्क लेने को तैयार है जो भी इंजरी होगी उसके, उसके लिए वो रिस्क रिस्क लेने को तैयार है है विल नॉट बी परमिटेड टू तो कंप्लेन एंड क्लेम डैमेजेस अगर कोई रिस्क में कोई में हार्म हो जाता आपने जो रिस्क लिया उसमें आपको अगर हार्म हो गया तो बाद में आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए कंप्लेन नहीं कर सकते और उसका एग्जाम्पल मैंने कल वाले सेशन में भी दिया था कि जब हम रिवर राफ्टिंग करने जाते हैं राइट रिवर राफ्टिंग करने जाते हैं उससे पहले हमसे कंसेंट फॉर्म भरवा लिया जाता है कि भाई अगर और जो बोट है रिवर राफ्टिंग की वो पलट जाती है डूब जाती है कोई इंजरी हो जाती है तो यू आर योर सेल्फ गिविंग दी कंसेंट ठीक है क्योंकि हमें हम, हमें अपना एक एक्सपीरियंस करना है रिवर राफ्टिंग का एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस uh, लेना है आपको तो आप उसमें कंसेंट दे रहे हो कि भाई जो भी कोई हार्म होगा तो आई एल बी रिस्पॉन्सिबल एंड आई एल नॉट गो एंड जस्ट कंप्लेन और सू फॉर द डैमेजेस टू दी रिवर राफ्टिंग कंपनी है जो भी उस बोट को चला रहे हैं जो भी अथॉरिटी चला रही है राइट right? तो हम उनको कंप्लेन नहीं कर सकते the reason is कि हमने पहले ही कंसेंट दे दिया तैयार है अब इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछा भी जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम uh, इसका एग्जाम्पल है के इसका नाम है आपका ब्रूकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब ठीक है Auto Racing Club. अब इसमें क्या है स्पेक्टेटर्स है देखने गए हैं आप कोई भी स्पोर्ट ठीक है स्पेक्टेटर्स एट स्पोर्ट मीटिंग टेक अपॉन दिम सेल्व द रिस्क ऑफ प्रेलर एट वेदर रीजनेबल टू बी एक्सपेक्टेड और इमेबल अब यहाँ पे अगर आप कोई भी मैच देखने गए हो कोई भी स्पोर्ट्स देखने गए हो अब वहां पर आप खुद से ही एग्री कर रही हुआ योर सेल्फ गिविंग द कंसेंट एंड यू आर इन टू दिस uh, थिंग कि हाँ मैं रिस्क लेने को तैयार हूं एक्टिविटी में उसे एक्सपोर्ट एक्टिविटी में जो भी स्पेक्टेटर्स होते हैं उनको कोई हार्म हो जाता है तो वो बाद में कंपनी को कंप्लेन नहीं कर सकते या स्पोर्ट अथॉरिटीज को कंप्लेन नहीं कर सकते जो भी उन्हें डैमेजेस कॉज होंगे राइट नाउ अगर हम आगे देखें अगेन इसी केस में बताया गया वेर प्लेटिव स्पेक्टेटर एट अ कार रेस मैंने कल वाले सेशन में भी आपको एग्जाम्पल दिया था एफ वन रेसिंग का पर्टिकुलर right? केस तो में क्या हुआ कि जो वो था ओनर है डिफेंडेंट वॉज दी ओनर ऑफ thrown among the spectators. As a result of which, plaintiff got hurt. अब यहाँ पे racing हो रही है दो गाड़िया आपस में टकरा गई उसका कुछ पार्ट उड़ के आ गया कुछ भी हो गया उस वो वो जो टकराने की वजह से गाड़ी का कुछ भी हिस्सा या गाड़ी जो है तो स्पेक्टेटर्स के पास आ गई ठीक है अब प्लेटिव चोट लग गई तो क्या कर सकता है नहीं कर सकता द रीजन नॉट फिट का डिफेंस आ जाता है यहाँ पे इसलिए आ जाता है क्योंकि उसने ऑलरेडी ये कंसेंट दी थी कि हाँ भाई मैं देखने जा रहा हूँ मैं आज कोई भी मुझे चोट आएगी तो मैं उसका रिस्क लेने को तैयार हूं मैं अपनी कंसेंट दे रहा हूँ चाहे एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली मैं कंसेंट दे रहा हूँ तो इस पर्टिकुलर केस में वो डैमेजेस नहीं

अब इस, आपने एग्री किया है कि आप हाँ आप रेडी हो रिस्क लेने के लिए, बट जिस बात का कंसेंट दिया है उससे ज्यादा एक्सेंट नहीं होना चाहिए ठीक है मतलब कुछ भी बियॉन्ड नहीं होना चाहिए अब इसका एक है, एक है, इन अ गेम ऑफ हॉकी हॉकी का एक प्लेयर है यहाँ पे वो uh, जो है क्लेम नहीं कर सकता कैन नॉट क्लेम सक्सेसफुल फॉर डैमेजेस इफ ही इफ ही इज हिट इन दॉर्मल कोर्स ऑफ गेम अगर वो नॉर्मली गेम खेलते खेलते उसको चोट लग जाती है तो वो कंप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे तो उसने वो उसने कंसेंट दिया कि हाँ जो खेलते वक्त जो भी चोट आएगी उसके लिए मैं आप हार्म जो भी कुछ होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ राइट बट इन केस अगर इंटेंशनली अगर उसको कोई हर्ट करता है जान के दूसरा प्लेयर उसको मार रहा है इंटेंशनली तो फिर वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है मतलब आपने इस बात की कंसेंट दी है कि भाई खेलते वक्त कुछ हार्म होगा तो मैं जिम्मेदार हूंगा बट इस बात की कंसेंट नहीं दी है कि हाँ मैं खेलने जा रहा हूं तो आओ आके मुझे मारो ऐसा तो नहीं हो सकता राइट right. तो यहाँ पे अगर दूसरा प्लेयर उस पर्टिकुलर हॉकी प्लेयर को इंटेंशनली मारता है तो उस पर्टिकुलर केस में वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है एंड दिस इज दिसन हेयर इफ द हर्ट इंटेंशनली इंटेंशनली कॉज बाय इंटेंशनलीज बायर प्लेयर देन दी अदर कैन नॉट टेक द प्ले ऑफ वॉलंट्री नॉट फिट इंजरी तो फिर डिफेंडेंट जो है इस बात का प्ली नहीं ले सकता कि भाई वॉलंट्री नॉट फिट इंजरी था आपने कंसेंट दी थी आप रेडी थे रिस्क को कवर करने के लिए इस पर्टिकुलर केस में अगेन इंटेंशन मेंटल एलिमेंट का आपका इंपॉर्टेंट

तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि भाई मतलब अगर वो खुद ही नेग्लिजेंटली परफॉर्म कर रहा है तो फिर वो लाइबल होगा अब एक इंसान अगर ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है तो वो कंसेंट दे रहा है कि ठीक है बट कंसेंट वो ये दे रहा है कि नॉर्मली अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन में कुछ हो जाता है तो उसके बाद का कंसेंट है बट अगर डॉक्टर ही नेग्लिजेंट है तो उस पर्टिकुलर केस तो में आप उस डॉक्टर से uh, या उस सर्जन से क्लेम कर सकते हो डैमेजेस एंड दिस इज वॉट इज दैट एग्जाम्पल सर्जन इज नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग द ऑपरेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली सम हार्म हार्मी फॉल्स देशेंट दमर कैन नॉट तो स तो नहीं ले सकते डिफेंडेंट कि वॉलेंट्री नॉटफि इंजुरिया है कि उसनेट तो दी थी कि वो ऑपरेशन कराने आया उसकी कंसेंट हमने पहले ली थी वो तब काम आती है जब आपने आप नेग्लिजेंट नहीं थे नॉर्मली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन कुछ हो गया और प्लेटिव को कोई आम हुआ उस पर्टिकुलर केस में तो वलेंटिन और फ्रिंजुरिया का डिफेंस लग जाएगा बट अदरवाइज वलेंटिन और फ्रिंजुरिया का डिफेंस नहीं लगता है ठीक है इज इट क्लियर इज इट क्लियर मनीष दास गुड इवनिंग एनरोलमेंट प्रोसेस एज इन लाइक जस्ट जस्ट आस्क योर क्वेश्चन डिटेल में एनरोलमेंट प्रोसेस फॉर वेस्ट बंगाल ज्यूडिशरी इन आवर स्टडी आई के ज्यूडिशरी कोर्सेज राइट चलो थैंक्स अमित नाउ मनीष यू कैन जस्ट आस्क मी इन डिटेल व्हाट व्हाट डू यू वांट टू आस्क ठीक है आई विल एड्रेस दैट नाउ डिफेंस जो है आपका वॉलंटरी आउटफिट इंजूरिया का आप आराम से ले सकते हो नाउ ओनर्स ऑफ प्रूफ विल लाई ऑन हुम आयुष यहां पे अगेन बर्डन किस पे होगा जो क्लेम कर रहा है डिफेंस उस पे होगा अगर हम लॉ ऑफ टॉट को देखें और ये सारे हम कही कहीं कहीं ना आईपीसी में भी पढ़ते हैं कुछ इसके हम जो जो है IPC में भी पढ़ते हैं अब यहां पे क्लेम कर रहा है कि भाई है है मांगने आया defendant कह रहा है, उसने खुद से ही कंसेंट दी थी तो बर्डन किस पे होगा बर्डन होगा डिफेंडेंट पे ठीक है तो बर्डन इस बात को प्रूफ करने का वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया वाला डिफेंस यहाँ एप्लीकेबल है ये बर्डन जाएगा किस पे डिफेंडेंट पे

ठीक है अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ दो स्ट्रेंजर्स ठीक है, है उन्होंने गाड़ी में अब क्या हुआ? वो जो है, पेट्रोल पंप जा रही थी ड्राइवर जो है जीप को पेट्रोल पंप ले गया ऑन इट्स वे उस गाड़ी के जीप का एक टायर निकल गया ठीक है एक, एक कुछ पार्ट उसका डिसबैलेंस हो गया निकल गया ऐसे समझो ठीक है एंड टू स्ट्रेंजर्स इंजरी और उन दो स्ट्रेंजर्स ने उनको चोट लग गई भाई टायर का टायर निकल गया या कुछ भी कुछ भी पार्ट जो है डिसबैलेंस हो गया गाड़ी में कुछ खराबी हो गई गई उनको चोट लग ऐसे समझो सिंपल वर्ड्स में गया right, अब अब यहाँ पे क्योंकि वो खुद से बैठे थे ठीक है उन्होंने वो जीप में लिफ्ट उन्होंने खुद से ली थी जीप तो जा रही थी रोड पे उसने तो नहीं रोका अपने आप आपने लिफ्ट मांगी और आप खुद से बैठे उसमें राइट right, ये बात समझने वाली है यहाँ पे वन ऑफ देम सफर्ड इंजरीज चोट लग गई यहाँ पे तो कोर्ट ने हेड किया नाइदर ड्राइवर मास्टर कुड बी हेल्ड बिकॉज इट अ केस ऑफ प्योर एक्सीडेंट एंड द टू स्ट्रेंजर्स हैव गॉट द जीप वॉलंटायरली कि भाई यहाँ पे ना तो ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये प्योर एक्सीडेंट का केस है अब एक्सीडेंटली कोई गाड़ी का टायर निकल जाता है तो उसमें ड्राइवर क्या करेगा उसमें मास्टर क्या कर सकता है जो ओनर है गाड़ी का वो क्या कर सकता है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो खुद से जीप में बैठे थे राइट तो अब वो खुद से जीप में बैठे तो इम्प्लाइडली कंसेंट है कि अगर तो कुछ मान लो हो गया अब इंटेंशनली तो नहीं उसने गाड़ी ठोकी या इंटेंशनली तो उसने गाड़ी का कुछ भी पार्ट डिसबैलेंस नहीं किया या इंटेंशनली तो गाड़ी का टायर नहीं निकाल दिया उसने तो यहां पे अगेन इंटेंशन मैटर करता है और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि आप खुद से ही गाड़ी में बैठे थे राइट right? तो यहाँ पे आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते आप ये नहीं कह सकते कि वही क्या कहते हैं आ, वो पर्सन लाइबल होगा ओनर या जो है उसका ड्राइवर लाइबल होगा उसकी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी और वो वैलिड डिफेंस ले सकते हैं फिट इंजूरिया का राइट प्रिंसिपल ऑफ रेसिपल ऑक्यर इज एंटायरली डिफरेंट थिंग प्रिंसिपल ऑफ रेसिपल ऑक्यर दैट मीन द थिंग स्पीक्स फॉर इट सी

कि आप कंसेंट दे रहे हो किसी चीज के लिए ठीक है मैंने कंसेंट दिया कि मैं जो है ऑपरेशन कराने जाऊंगी अब यहां पे इस बात का कंसेंट है मेरा कि ऑपरेशन के दौरान अगर कुछ हो जाता है तो आई एल बी रिस्पॉन्सिबल मैंने कंसेंट दिया है राइट बट देन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर नेग्लीजेंटली एक्ट करेगा तो अगर डॉक्टर ने नेग्लीजेंटली एक्ट किया है तो फिर वो लाइबल होगा डैमेजेस के लिए तो फिर वो लाइबल होगा डैमेजेस के लिए मनीषा दास आई एल बी टेलिंग यू कैसा इनमेंट uh, प्रोसेस है आई एल बी शोइंग यू कैसे कैसे आपको कोर्स परचेज सेम राइट जस्ट वेट टिल द द एंड ऑफ सेशन और अभी ये जो पढ़ा रहे हैं ये पढ़ लो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ ओके आयुष थैंक यू चलो अब यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आपको डिफेंस लेना है अगर आपको डिफेंस लेना है तो आपको क्या चीज स्टेब्लिश करनी पड़ेगी सबसे पहले कि जो प्लेंटिफ ने कंसेंट दी थी रिस्क लेने की वो फ्री और फेयर थी अब अगेन कमिंग बैक दैट वर्ड कमिंग बैक टू दैट वर्ड कंसेंट तो यहाँ पे जो कंसेंट प्लेटिव दे रहा है वो आपका फ्री और फेयर होना चाहिए किसी के कंपल्जन में किसी के दबाव में आपने कंसेंट नहीं दिया है मैं अपनी मर्जी से मैच देखने जा रही हूं मैंने अपनी मर्जी से किया है दैट इज दैट इज प्योरली मेरी मर्जी राइट right? इसमें किसी का दबाव किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए तभी आप uh, क्या कहते हैं डिफेंस ले सकते हो राइट right? If the is by fraud, अगर fraud से लिया है या फिर कोवर्जन से लिया है वॉलंट्री नॉट विजरिया का इन दैट पर्टिकुलर केस जो कंसेंट आप एक्सप्रेसली दे रहे हो दैट मस्ट बी फ्री एंड फेयर दैट मस्ट बी नॉट अंडर एनी कंपल एनी थ्रेट एनी कोवर्जन एनी फ्रॉड ठीक है और अगर आपका कंसेंट फ्रॉड से लिया गया है या फिर आपने कंपल्जन में दिया है या कोवर्जन में दिया है तो उस पर्टिकुलर केस में आपके लिए ये डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा राइट पहली एक बात ये हो गई एंड एक्ट डन बाय द डिफेंडेंट मस्ट बी द सेम फॉर विच ठीक है आप प्लेंटिव ने कंसेंट जिस के लिए दिया है अगेन की आप नहीं जा सकते मैंने कंसेंट इतना ही दिया था और आपने एक्ट कर दिया इंटेंशनली मैंने कंसेंट दिया था कोर्स ऑफ ऑपरेशन में कुछ हो जाएगा तो आई एम गिविंग कंसेंट फॉर द सेम बट आप इंटेंशनली अगर किसी को हिट कर रहे हो इंटेंशनली आप किसी को मार रहे हो तो उस पर्टिकुलर केस में आप डिफेंस नहीं ले सकते ठीक है एंड इन केस ऑफ पर्सन हुइनर जो माइनर है या फिर जो इनकंपिटेंट uh, है कंसेंट देने के लिए तो उनकी कंसेंट कौन देता है उनके गार्डियन देते हैं राइट right? तो अगर कोई पर्सन नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग द कंसेंट लाइक इनसेन या फिर माइनर तो पेरेंट्स या गार्डियन जो है उनके कंसेंट दे सकते हैं उनके बिहाफ में क्लियर आई होप इट इज क्लियर कि वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का बेसिक बात समझ में आई गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आए हो तो अभिषेक श्रीवास्तव uh, वॉलेंटरी का मतलब बस ये है सिंपल सा कि आ, अगर आप वॉलेंट्री नॉटफिट इंजुरी का मतलब कि आपने अगर किसी चीज के लिए कंसेंट दी है ठीक है मैंने किसी चीज के लिए कंसेंट दी है या मैं एग्री कर रही हूँ कि इस पर्टिकुलर चीज में जो भी कोई हार्म होगा उसका मैं रिस्क लेने को तैयार हूं तो उस पर्टिकुलर केस में आप डिफेंडेंट से डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकते ठीक है तो तो अब ये तो बात हो गई और की ठीक है आमिर थैंक यू अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इन केस मैंने बताया कि अगर आपकी कंसेंट फ्रॉड से ली गई है या कोर्जन से ली गई है तो वहां पे आप वैलिड डिफेंस नहीं ले सकते आप आपका डिफेंस वैलिड नहीं माना जाएगा राइट अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं

तो उस पर्टिकुलर केस में आपके लिए डिफेंस अवेलेबल नहीं है अब एक केस है यहाँ पे दैट इज हिगरेटी वर्सेज शाइन इट वॉज हेल्ड दैट मेयर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट अगर आपसे कोई फैक्ट कंसील किया गया है

हो जाएगी, right? मेरा voice improve हो जाएगा, पर पर उसके साथ fraud हुआ, तो इसलिए उसकी consent जो है वैलिड नहीं मानी जाएगी और ये डिफेंस एप्लीकेबल नहीं किया गया इस पर्टिकुलर केस में आर वर्सेस विलियम में राइट नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट डज नॉट नेसेसरी एम्प्लाइज कंसेंट अब यहाँ पे किसी चीज की नॉलेज है इसका मतलब ये नहीं कि आप कंसेंट दे रहे हो मेरे को कोई बात पता है अगर मेरे पास किसी भी पर्टिकुलर चीज के नॉलेज है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस चीज के लिए कंसेंट दे रही हूँ uh, आपको कोई बात पता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी कंसेंट दे रहे हो कंसेंट देना पड़ेगा आपको चाहे एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली मुझे किसी कोई बात मालूम है तो आप इससे ये मत ये नहीं इम्प्लाई कर सकते आप कि हाँ मैं इस बात के लिए कंसेंट दे रही हूँ राइट बिकॉज दी मैगजिम इज वॉलंटी नॉट फिट इनिया नॉट आप डिफेंस नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर कंसेंट देना जरूरी है और कंसेंट शुड बी फ्री एंड फेयर नॉलेज होना किसी बात का विल नॉट बी काउंटेड अंडर दिस और फिर आप वैलिड डिफेंस नहीं ले सकते राइट right? नाउ टॉकिंग uh, अब अबाउट रेस्क्यू केसेस। ये सारी चीजें आपके सारे एक्सपेक्ट जो है आपके चाहे वो नॉलेज वाली बात हो गई या फिर कंसेंट ऑपटेन बाय फ्रॉड या कोर्जन हो गया ये सारी चीजें आपके वॉलंटियन और फिर के अंडर ही आती हैं। अब हम रेस्क्यू केसेस की बात करते हैं ठीक है अब रेस्क्यू केसेस में कुछ

ठीक है वारंटली ये स्टेप लिया कि वो रिस्क में आएगा ताकि वो किसी पर्सन को बचा सके किसी पर्सन के खिलाफ डिफेंडेंट किसी पर्सन के खिलाफ डिफेंडेंट ने कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है राइट अ मैन कैन नॉट बी डीम्ड टू हैव गिवन अ रियल कंसेंट इफ ही एक्ट्स अंडर द कंपल्शन ऑफ अ लीगल और इवन अ मॉरल ड्यूटी अब यहाँ पे अगर कोई पर्सन कोई लीगल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है अगर कोई भी पर्सन uh, जो है लीगल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो आप ये नहीं समझोगे अ मैन नॉट बी क्लियर कर देगा अब डिफेंडेंट का सर्वेंट है ठीक है इस पर्टिकुलर केस में, केस का नाम है अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि डिफेंडेंट का सर्वेंट है उसने अपने घोड़े को uh, क्या कहते हैं क्राउडेड स्ट्रीट में एवीन छोड़ दिया ठीक है उसको एक घोड़ा है वो ट्रेन घोड़ा नहीं है ठीक है उसको ऐसे ही छोड़ दिया क्राउडेड स्ट्रीट में अब क्या हुआ जो वो घोड़ा है ठीक है एक लड़के ने उसके ऊपर पत्थर मार दिया ठीक है दी हॉर्सेस बोल्टेड वेन अ बॉय थ्रू अ स्टोन हिम अब जब घोड़े पे पत्थर मारा तो घोड़ा बोरा गया घोड़ा ने रिएक्ट uh, किया उस पर ठीक है और वो ट्रेंड घोड़ा भी नहीं है राइट द प्लेटिव फॉज अ पुलिस ऑन ड्यूटी पुलिस स्टेशन अब यहाँ पे जो ये पुलिस 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 जो जो है है वो पुलिस वाला ड्यूटी पे है और वो देख रहा है अपने पुलिस स्टेशन से कि अगर इसको नहीं रोका तो अभी जो है इसको हार्म हो जाएगा ठीक है डिफेंडेंट को हार्म हो जाएगा ही सो दैट नथिंग वाज डन दुमेन एंड द चिल्ड्रेन इन ग्रेन ग्रेट डेंजर एंड एट ग्रेट पर्सनल रिस्क तो अगर पुलिस वाले ने देखा उसने देखा कि भाई वो घोड़ा जैसे ऐसे ही है वहां पे क्राउड सीट में है और उसको पत्थर मार दिया है और अब अगर इसको नहीं बचाया गया तो यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ जाएगी और उनको रिस्क उनको हार्म पहुंचेगा राइट ही टू स्टॉप बोथ हॉर्सेस बट इन डूइंग सीरियस इंजुरी अब बचाने में उसको चोट लग गई प्लेटिव को यहाँ पे अब मेरा ये कहना है कि रेस्क्यू केसेस में डिफेंस वॉलेंटियर फुट इंजुरी का एप्लीकेबल नहीं होगा राइट ही वॉज हेल्डाइटल टू रिकवर द डैमेजेस एंड डिफेंस ऑफ वॉलेंट्री नॉर्फिट इंजूरिया वॉज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस अब यहां पर क्यू क्यू की वो रेस्क्यू कर रहा है उसको लीगल ऑब्लिगेशन में है ठीक है उसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस्क्यू कर रहा है लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर या उसकी लीगल ड्यूटी है वो परफॉर्म कर रहा है तो उसने उस कंसेंट दिया है यहाँ पे आप कंसेंट नहीं निकाल सकते ठीक है रेस्क्यू कर रहा है वो लीगल ड्यूटी के ऑब्लिगेशन में रेस्क्यू कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है वो कंसेंट दे रहा है हार्मलेस करने के लिए उसको बचाने के लिए वो वो रेस्क्यू uh, करने के लिए गया तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में डिफेंस नहीं ले सकते और वहां पे वो इंटाइटल्ड होगा uh, क्या कहते हैं uh, Damages. Now, the Court of Appeal laid it down that the doctrine of assumption of risk does not apply where the plaintiff has, under an exigency caused by the defendant, wrongful misconduct, consciously and deliberately faced a risk even of death to rescue another person from imminent danger of personal injury or death, whether the person endangered.

एक बार इज इट क्लियर समझ में आया यहां तक वॉलंटी नॉट फिट इन समझ में आया सो दैट वी कैन गो अहेड विद डिफेंस ओके अमित सिर्फ अमित को ही समझ में आता है हमेशा इज इट दैट ओनली अमित इज इंटेलिजेंट ओके आयुष दिव्या वन इज इंटेलिजेंट टू डे आई एम glad टू हेयर दैट चलो नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ गॉड अब एक्ट ऑफ गॉड क्या है कि कोई ऐसा चीज हो जा रही है जिसपे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है ह्यूमन लोग ह्यूमन जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते बियॉन्ड आर कंट्रोल अत की बारिश फ्लड डिजास्टर कोई भी आपका अर्थक्वेक अब भाई भूकंप आएगा तो आप रोक तो सकते नहीं उसको या अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाएगा तो आप उसको रोक नहीं सकते एंड लकीली आज तो इट्स अ प्लीजेंट वेदर एंड इट्स रेनिंग सिंस मॉर्निंग गुड़गांव में तो बहुत बारिश हो रही है आज सुबह से तो अब अगर मान लो बहुत तेज बारिश ही होती जाए बिल्कुल एकदम बहुत तेज बारिश हो जाए अनबल आप एक्सपेक्ट भी नहीं किसी ने विटनेस भी नहीं किया होगा कि कि तेज बारिश हो हो और उससे कोई हार्म जाता है देन अगेन इट विल कम अंडर व्हाट एक्ट ऑफ गॉड भाई वो भगवान है वो भगवान का काम है वो बारिश भगवान कर रहा है ठीक है उस उसपे इंसान का कोई भी जोर नहीं है सिमिलरली बारिश हो गई फ्लड हो गया अर्थक्वेक हो गया या कुछ भी डिजास्टर हो गया जिसपे ह्यूमन कोई भी ऐसे आपका जो है ऐसे नेचुरल फोर्सेस से कोई चीज हो जा रही है जिसपे ह्यूमन का को कोई कंट्रोल नहीं आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते तो दैट कम्स अंडर दी एक्ट ऑफ गॉड और आप उसका वैलिड डिफेंस ले सकते हो राइट नाउ एक्ट ऑफ गॉड में भी डिफाइंड एज एन ऑपरेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस कुछ नेचुरल फोर्स का ऑपरेशन हो रहा है सो अनएक्सपेक्टेड दैट नो ह्यूमन फोर साइट और स्किल कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एंटिसिपेटेड अब आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते अब यहाँ पे गुड़गांव में सुबह से बारिश हो रही है आज अब मैं हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे हम रात में भी नहीं सोच रहे थे बारिश हो हो जाएगी, right? तो तो कोई कोई ऐसी चीज, कुछ है है, जो जो हो रहा है, ना तो कोई human, uh, human being उसको ही uh, कर सकता है, ना तो foresight कर सकता है उसको ही आप एंटिसिपेट कर सकते हो ना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो राइट दैट इज व्हाट इज एक्ट ऑफ गॉड नाउ एक्ट ऑफ गॉड इज अ वैलिड डिफेंस इवन इन केस ऑफ रिल्लेचर स्ट्रिक लाइबिलिटी केस में uh, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में मैंने कल बताया था कि एक्ट ऑफ गॉड जो है वैलिड डिफेंस होता है अब एक्ट ऑफ गॉड अगर हम लीगल सेंस में बात करें तो डिफाइन किया जाएगा कि कोई ऐसा एक्सीडेंट एक्सीडेंट ड्यू टू नेचुरल नेचुरल कोई हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑफ एक्ट गॉड की वजह से एक्सीडेंट हुआ है डायरेक्टली एंड एक्सक्लूसिवली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन अब बहुत बारिश हो रही है ह्यूमन इंटरवेंशन उसको रोक तो सकता नहीं है हम कुछ कर तो सकते नहीं है उसके लिए हमारा कोई लेना देना उस चीज से नहीं है अर्थक्विक में ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं होता तो यहां पे अगर कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल बिकॉज ऑफ फ्लड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक तो यहां पे ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं है राइट right? और ना ही ह्यूमन बींग उसको फोरसाइड कर सकता है ना ही ह्यूमन बींग उसको एंटिसिपेट कर सकता है तो अगर हम लीगल सेंस में समझें तो यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड का क्या मतलब है कोई ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है किसकी वजह से नेचुरल कॉजेस की वजह से डायरेक्टली एंड एक्सक्लूसिवली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन एंड विच कुड नॉट हैव बीन अवॉइडेड बाई एनी अमाउंट ऑफ फोर्साइन आप इसी फोरसाइड नहीं कर सकते आप इसीज को प्रिवेंट नहीं कर सकते ह्यूमन का को कोई इंटरवेंशन नहीं है तो यहाँ पे आप एक वैलिड डिफेंस ले सकते हो एक्ट ऑफ गॉड का राइट अब एक्ट ऑफ गॉड के डिफेंस के लिए यहां पर दो चीजें प्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है पहली कि वो जो भी कुछ हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दी नेचुरल फोर्सेस ठीक है किसकी वजह से हो रहा है नेचुरल फोर्सेस की वजह से हो रहा है राइट एंड मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंड नॉट वन विच बी रीजनेबली एंटिसिपेटेड एंड देन गार्डेड अगेंस्ट अब यहाँ पे इस डिफेंस को प्ली करने के लिए पहली बात आपको ये प्रूव करनी पड़ेगी कि भाई नेचुरल फोर्सेस से हो रहा है जो कुछ हो रहा है और दूसरा कि जो जो चीज हो रही है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बारिश हो रही है तो बहुत ज्यादा हो रही है फ्लड आ गया भूकंप आ रहा है या कोई भी ऐसा एक्ट हो रहा है दैट इज एक्सट्रोर्डिनरी जो एक रीजनेबल पर्सन उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकता जो ह्यूमन बींग उसको रीजनेबली एंटिसिपेट नहीं कर सकता और वो एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा है अगर वो एंटिसिपेट कर सकता है अगर वो फोरसाइट कर सकता है तो लाइबिलिटी तो होगी तो आप डिफेंस नहीं ले सकते लेकिन अगर कोई ह्यूमन बींग उसको एंटिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है उसका अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा है या फोरसाइट नहीं कर पा रहा है तब तो आप वैलिड डिफेंस ले सकते हो एक्ट ऑफ

एक्ट ऑफ गॉड तब माना जाएगा जब वो एक तो नेचुरल फोर्सेस से हो रहा हो और दूसरा वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तरीके से कुछ चीज हो रहा है इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे हमने कल एक केस डिस्कस किया था निकोलस वर्सेस मारलैंड ठीक है मारलैंड

एक्स्ट्रॉर्डनरी तरीके से बारिश हुई है तो यहां पे वो यह का डिफेंस जो है आपका वैलिड है ठीक है तो उस पर्टिकुलर केस में एक्ट ऑफ गॉड का जो है डिफेंस वैलिड है एक्ट ऑफ गॉड का कम ऑन कम ऑन ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस क्लियर हो गया चलो थैंक यू अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफेंस हुआ दैट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट्स अब ये कौन से एक्सीडेंट्स होते हैं अब यहाँ पे कोई ऐसा एक्सीडेंट जो अनइंटेंशनेली हुआ इंटेंशन नहीं था आपका ठीक है अनइंटेंशनेली हो गया आप उसको अवॉइड नहीं कर पाए अनअवॉयडेबल एक्सीडेंट्स राइट अब यहां पे के डैमेज इज कॉज टू बी कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट्स when it is not caused intentionally सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस पर्टिकुलर डिफेंस को क्लेम करने की दैट इज कि आपने वो एक्सीडेंट जो है इन इंटेंशियली कॉज नहीं किया एंड could not possible have been avoided by exercise of an ordinary care and caution on the part of him who caused it और आप जो है आप जो है उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते थे मतलब वो आपने पूरा प्रॉपर ड्यू केयर एंड अटेंशन से किया बट देन आल्सो यू कैन नॉट अवॉइड इट इस तरीके के एक्सीडेंट को हम क्या कहते हैं इनविटेबल एक्सीडेंट कहते हैं जो एक्सीडेंट्स आप अवॉइड कर ही नहीं सकते आप कर ही नहीं पाए आपने सारा रीजनेबल केयर भी लगाया सारा ड्यू डिलिजेंस भी लगाया सब कुछ किया आप अपनी तरफ से ऑर्डिनरी केयर ले रहे थे आपने नॉर्मली जो है अपनी तरफ से सबसे तो बेस्ट पार्ट परफॉर्म किया बट देन आल्सो यू कैन नॉट अवॉइड सच एक्सीडेंट्स दैट एक्सीडेंट्स आर व्हाट इनविटेबल

और जो आप अवॉइड नहीं कर पाए आप अवॉइड उसको चाह के भी नहीं कर पाए आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी बट आप अवॉइड नहीं कर पाए और दूसरा वो एक्सीडेंट आपने इंटेंशन नहीं किया तो उस पर्टिकुलर केस में आप डिफेंस ले सकते हो इनोटेबल एक्सीडेंट्स का क्लियर नेक्स्ट इज नेक्स्ट डिफेंस है आपका मिस्टेक अगेन इनेवेटेबल एक्सीडेंट के रिस्पेक्ट में मैं बता दू एक चीज और कि यहाँ पे दो ही फैक्टर देखने होते हैं एक इंटेंशन और दूसरा आप अपने पार्ट पे बिल्कुल सही थे या नहीं ठीक है अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम अगर घोड़ा नहीं निकाला होता आ, स्टेबल से तो क्या कहते हैं एक्सीडेंट नहीं होता अब आप ये बात नहीं कह सकते अब उसने घोड़ा निकाला वो राइड कर रहा है उसको वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही काम कर रहा है उसने अपना पार्ट बिल्कुल सही परफॉर्म किया है उस सारा केयर सारा अटेंशन जो था सब कुछ उसने सही किया अपनी तरफ से बट फिर भी वो प्रिवेंट नहीं कर पाया उस चीज को राइट और दूसरा उसने इंटेंशन नहीं किया तो आप वैलिड डिफेंस ले सकते हो इनएविटेबल एक्सीडेंट्स का इज इट क्लियर चलो आई होप इट इज क्लियर नाउ अब आगे देखते हैं मिस्टेक को लेकर ठीक है अगर इनएविटेबल एक्सीडेंट को लेकर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट इज मिस्टेक मिस्टेक अब mistake क्या है जनरली मिस्टेक जो है कोई डिफेंस नहीं होता आपका ठीक है टू द एक्शन इन दॉट जनरली मिस्टेक जो है आपका कोई डिफेंस नहीं होता बट यहाँ पे इन विद अकॉर्डिंग नोन मैक्म दैट इज इग्नोरेशिया जूर इज नॉन एक्सक्यूसिड विच मीन्स दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज अगर आप इग्नोरेंट हो लॉ को लेकर अगर आप अन अवेयर हो लॉ को लेकर तो इट विल बी नो एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस में भी आइदर ऑफ लॉ और ऑफ फैक्ट ठीक है इग्नोरेंस आपका इट कैन बी आइदर ऑफ लॉ और ऑफ फैक्ट बट यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप लॉ को लेकर इग्नोर हो इग्नोरेंट है आप या फिर आप अनअवेयर uh, हो इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ तो फिर आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं ले सकते बट अगर आप फैक्ट को लेकर हो तो आप एक्सक्यूज ले सकते हो दिस इज वॉट इज मिस्टेक ठीक है अब यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिस्टेक ऑफ लॉ हम पढ़ते भी हैं आईपीसी में भी पढ़ते हैं हम राइट right? डिफेंसिस uh, में अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप लॉ के लेके लेके अनअवेयर हो आप इग्नोरेंट हो

ये क्या कह रहा है कि भाई फैक्ट का आप ले सकते हो डिफेंस बट लॉ का आप डिफेंस नहीं ले सकते हो और फैक्ट में यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट यू आर इन बिलीव ठीक है तो उस पर्टिकुलर केस में आप डिफेंस ले सकते हो क्लियर नाउ मूविंग अहेड विद अ नेक्स्ट डिफेंस दैट इज प्राइवेट डिफेंस अगेन प्राइवेट डिफेंस हम आईपीसी में कहा पढ़ते हैं एनी आउट ऑफ यू कैन टेल मी की प्राइवेट डिफेंस आईपीसी में हम कहां पढ़ते हैं अ वेरी गुड इवनिंग रुद्रा प्राइवेट डिफेंस हम कहा पढ़ते हैं आईपीसी में एनी आईपीसी में कौन से कौन से सेक्शन में दे रखा है प्राइवेट डिफेंस कहां से कहां तक दे रखा है कमॉन कमॉन सेवेंटी सिक्स प्राइवेट आस्किंग आयुष प्राइवेट डिफेंस सेवेंटी सिक्स ओके राजेश वेरी नाइस नाइनटी सिक्स से हंड्रेड एंड सिक्स वेरी नाइस ठीक है अब प्राइवेट डिफेंस की क्या बात है भाई कि अगर मान लो कोई मुझे मारने आ रहा होगा तो ऑब्वियली मैं अपने आपको बचाऊंगी राइट अगर कल को Uh, मुझे आप मारने आ रहे हो तो ऑब्वियसली आई विल यूज सम वेज और सम मीन्स टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ राइट अब वही होता है आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कि भाई आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो बट आप मुझे मारने आए सपोज फॉर एग्जाम्पल आप मुझे मारने आए एक डंडा लेकर ठीक और मैं यहां से गोली चला रही हूं तो क्या मुझे प्राइवेट डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि आप उतने ही प्रोटेक्ट कर सकते हो उतने ही हार्म को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो जितना सामने वाला आप पे इन्फ्लेक्ट कर रहा है राइट अब यहां केस में वेरी नाइस अमित दिव्या सिक्स है दिव्या ठीक है राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज वेल रिकॉग्नाइज्ड डिफेंस एंड प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन इज इंटाइटल टू यूज अ रीजनेबल डिग्री ऑफ फोर्स फॉर फॉर द प्रोटेक्शन Of his property and, uh, himself or property. अपने लिए पर्सन पर्सन के के लिए पास अधिकार है कि वो जो है एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स यूज कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को और खुद को बचाने के लिए एंड दैट इज वॉट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और ये एक रिकॉग्नाइज आपका राइट right दिया गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वेस्ट किया गया है इंडिविजुअल को वो एक्सटेंड करता है टू दी प्रोटेक्शन कंपेयर करूं तो वहां पर भी लिखा है और आप खुद को या किसी और पर्सन को जिसमें आप इंटरेस्टेड हो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो और यही बात पे करी गई है की राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो वेस्टेड किया गया किसी इंडिविजुअुअल में, में कि मान लो मैं हूँ और अगर मेरी मम्मा को ठीक है या मेरे डैड को या मेरे ब्रदर को या मेरे हसबेंड को ठीक है इनमें से किसी को भी कोई खतरा है तो मैं मैं उनको बचा सकती हूँ ठीक है क्योंकि और उतना ही बचा सकती हूँ हार्म के लिए राइट right? अब एप्रीहेंड कर रहा है वो डंडे से और मैं उसको गोली मार रही हूँ तो यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा क्लियर नाउ द फोर्स यूज बाय द विक्टिम टू ऑफ द इंजरी मस्ट बी प्रोपोशन नेचर ऑफ दर्ट एंड ईविल भाई मैं उसी लेवल का फोर्स यूज कर सकती हूँ जिस लेवल का मुझे थ्रेट फील हो रहा है मुझे ठीक है कि मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे जान से मार देगा तो मैं उसकी जान ले सकती हूँ बट देन अगर वो मुझे लग रहा है सिर्फ मुझे इंजरी पहुंचा रहा है सिर्फ मुझे हर्ट कर रहा है ठीक है तो मैं भी उसको सिर्फ हर्ट कर सकती हूँ ऐसा नहीं है कि वो मुझे हर्ट कर रहा है मैं उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रही हूँ ऐसा नहीं होता है प्राइवेट डिफेंस में उस पर्टिकुलर केस में आपको ये डिफेंस नहीं मिलता है

और वो फोर्स जो है उतना ही होना चाहिए जितना आपको डेंजर एप्रीहेंड हो रहा है अगर आपने उससे ज्यादा फोर्स यूज कर दिया जैसे फॉर मेरे एग्जाम्पल में वो डंडे से मार रहा है मैं उसको बंदूक मार रही या तलवार से मार रही हूं अनरिजनेबल फोर्स वो मैं अनरीजनेबल फोर्स यूज कर रही हूँ उसका मतलब तो उस पर्टिकुलर केस में मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा अब इसका एक एग्जाम्पल है इफ ए ट्रस्ट पास बीज लैंड बी इज नॉट जस्टिफाइड इन ड्रॉइंग And गोली मार देगा या फिर दलवार निकाल के उसके टांग काट देगा ऐसा वो नहीं कर सकता क्योंकि आप यूज़ करोगे अपने से, बस जितने फोर्स आप उस डेंजर को उस हार्म को अवॉइड कर सकते हो उस असोल्ट को आप अवॉइड कर सकते हो उतना ही फोर्स उतनी ही डिग्री का फोर्स आप इस्तेमाल करोगे और वो आपका रीजनेबल माना जाएगा द मोमेंट इट इज यू आर यूजिंग अ ग्रेटर फोर्स देन दी हार्म और डेंजर एप्रीहेंडेड ऑन यू ज्यादा अगर आप फोर्स यूज करते हो तो फिर आपको ये डिफेंस नहीं मिलता है प्राइवेट डिफेंस का क्लियर permits taking of such टेकिंग ऑफ सच मेजर्स एज necessary for फॉर purpose ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप उतना ही रीजनेबल फोर्स यूज करो आप उसको भगा सकते हो आप उसको किसी और तरीके से कुछ रोक सकते हो कि वो trespass ना करे लैंड में बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर से तलवार निकालिए उसकी टांगी काटनी ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज अगेन इट इज which इज

ठीक है, थैंक यू अभिषेक चलो Now, next is necessity. अब नेसेसिटी का एक एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा है और हमने आईपीसी में भी पढ़ा होगा ठीक है नेसेसिटी क्या है कि अगर मान लो एक बोट है ठीक है एक बोट में सौ बोरी चावल भरे हुए हैं बैग्स ऑफ राइस ठीक है अब वो है और बोट डूब रही है तो यहाँ पे आप चावल उठा के फेंक दोगे पानी में कि तो कुछ लोग भी सवार है उस पर ठीक है तो उनकी जान बचाने के लिए आप चावल उठा के फेंक दोगे तो फिर आप, आपको कोई सू नहीं करेगा कि आपने मेरे गुड्स खराब कर दिए क्यों क्योंकि यहाँ पे जरूरी थी उन लोगों की लाइफ बचाने के लिए आपको आप जो है छोटा हार्म कर सकते हो बड़े हार्म को बचाने के लिए दिस इज वॉट नेसेसिटी इज राइट इफ अ मैन इज कम्पेयर टू डू एन एक्ट आउट ऑफ शेयर नेसेसिटी

तो अब आप क्या करोगे जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट दैट इज अ बिग थिंग लोगों की लाइफ सेव करना तो आप क्या करोगे चावल फेंक सकते हो बेशक चावल फेंकने से किसी पर्सन के गुड्स खराब हो रहे हो या फिर uh, कुछ भी नुकसान हो रहा है बट वो नुकसान आप अफोर्ड कर सकते हो जान बचाने के मुकाबले राइट right? तो यहाँ पे नेसेसिटी है जरूरी है यहाँ पे अगर जरूरत है तो उस पर्टिकुलर केस में आप जो है डिफेंस कर सकते हो नेसेसिटी का अब इसका एग्जाम्पल है एज आईव गिवन यू इफ अ बोट फुली लोडेड विद राइस बैग इज कॉट इन अटोक ठीक है तूफान में फंस गई है इन अ वाइड लेक फार अवे फ्रॉम शोर और वो किराने जो किनारा है उससे काफी दूर है और बीच में तूफान में वो बोट फंस गई है और उसमें जो है राइस बैग्स रखे हैं इट इज जस्टिफिएबल टू थ्रो दी राइस बैग्स इन टू दी वॉटर ऑफ द लेक टू लाइटन लोड ऑफ दोट टू एंड टू सेव इट एंड देन अर पीपल हुर ऑन द बोर्ड ऑल्सो ठीक है तो बेसिकली जो एग्जाम्पल मैंने दिया वही अब जरूरी है तो फेंकना बड़ेगा सिटी है तो यहाँ पे आप डिफेंस कह सकते हो ने, सिटी का जरूरत थी इसलिए ये एक पर्टिकुलर एक्ट मैंने किया एक दूसरा एग्जाम्पल देखो इफ ए हाउस इज ऑन फायर अगर मान लो किसी घर में आग लग गई है यू कैन एंटर द हाउस एंड रिमूव द गुड्स टू सेव दम और पुल डाउन दी हाउस टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ फायर टू दी अदर हाउस अब यहां पे एक एग्जाम्पल देखो इस घर में आग लग गई है ठीक है अब इसके घर में बगल वाला भी घर है बगल वाला भी घर है तो यहाँ पे आप क्या करोगे इस घरों में आग ना लगे इसलिए यहाँ पे इस इस इसको बचाने की कोशिश करोगे ताकि ये औरों में फायर स्प्रेड ना करे औरों को यहाँ आगे लार्जर इंटरेस्ट है यहाँ तीन चार घर है यहाँ पे एक घर में आग लगी तो आप जल्दी से इसको बुझाने की कोशिश करोगे आप इसका सामान बाहर करोगे आप इसको बचाने की पूरी कोशिश करोगे राइट नाउ स्टैंड्री अथॉरिटी की बात करें ये yes, जो आपका नेसेसिटी का है अगेन इट फॉल्स अंडर आईपीसी पी ऑल्सो उसमें भी आपका डिफेंस लिया जा सकता लिया जा सकता है ने बहुत सारे क्लासिक एग्जाम्पल है के जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक केस है आईपीसी का केस है यहाँ पे टोर्च से रिलेटेड नहीं है आईपीसी का केस है बट नेसेसिटी का कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है कि एक इंसान है ठीक है एक टाइगर है टाइगर ने एक आदमी को गर्दन से यहां से पकड़ रखा है वो लेके जा रहा है तो उस इंसान को बचाने के लिए वो वो एक व्यक्ति जो है उसको शूट करता है ठीक है शूट करता है इन ऑर्डर टू कि वो बचा सके टाइगर को टाइगर को शूट करता है कि टाइगर मर जाए और वो छोड़ देगा मुंह तो वो बच जाएगा अब यहाँ पे क्या होता है वो जो वो है वो उससे लग जाती है उसको लग जाती है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीडेंट ऑल्सू कि भाई उसको गन से उसको शूट हो जाता है मैन को शूट हो जाता है तो यहाँ पे तो उसने जानबूझ के नहीं किया एक्सीडेंट वो उसको सेव करने का इंटेंशन था तो नेटी का एग्जाम्पल भी है कि नेटी के बहुत सारे हैं यार अभी तो एग्जाम्पल आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एनी एग्जाम्पल बट बहुत सारे आईपीसी में एग्जाम्पल्स हैं जहां पे जरूरत होती है जहाँ पे एक बोट है बोट जा रही है ठीक है और अगेन बोट वाला एग्जाम्पल है बहुत सारे लोग हैं और एक एक बड़ी बोट है और एक छोटी बोट है और वो बड़ी बोट जो है एक आइसबर्ग से टकराने वाली है ठीक है आइसबर्ग से टकरा रही है तो वो यहाँ पे क्या करेगा कि वो आइसबर्ग सामने आ रहा है और बगल में एक छोटी बोट है ठीक है तो वो क्या करेगा क्योंकि बड़ी बोट में ज्यादा लोग सवार हैं, छोटी बोट में कम लोग सवार हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म हार्म कर सकता है तो वो बोट वाला जो है कैप्टन जो है शिप का वो शिप को घुमा देता है और वो उधर छोटे वाले बोट से टकरा देता है छोटे वाले बोट के लोगों को इंजरी हो जाती है तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर के केस में नेसेटी का कंसेप्ट आता है कि यहां पर जरूरी था लार्जर हार्म ना हो उसको बचाने के लिए आप स्मॉलर हार्म कर सकते हो दैट इज वॉट इज नेटी राइट हाँ चलो नेक्स्ट इज स्टैटरी अथॉरिटी अब ये भी एक एक्सेप्शन है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं वाले में जब हम strict principle of strict liability का स्ट्रेट डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे क्या कह ऑथराइज है सर्टन एक्ट टू बी भाई यहाँ पे कोई अथॉरिटी uh, uh, कोई स्टैट्यूट जो है वो स्पेशली क्या कर रहा है ऑथोराइज कर रहा है कि भाई ये एक्ट होगा ठीक है एक्ट टू बाय अ बायर्टन पर्सन

करती है उस पर्टिकुलर केस में तो जहां पे लॉ ही बता रहा है जहां पे ऐसा कोई स्टैट्यूट कह रहा है कि आप ये पर्टिकुलर एक्ट करो तो उस पर्टिकुलर केस में आप भी डिफेंस कर सकते हो कि भाई स्टैट्यूट में ऐसा लिखा हुआ है दस अगर कोई भी डैमेज हो रहा है रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्ट उस पर्टिकुलर एक्ट से कोई डैमेज हो रहा है लेराइजेस और डायरेक्ट डन जिसको लेजिस्टर ने ऑथोराइज किया या कहा है कि आप ये पर्टिकुलर एक्ट करो तो फिर वो आपका एक्शनेबल नहीं होता है इवन दो इट वुड अदरवाइज बी तो वो अदरवाइज अगर आप वो पर्टिकुलर कोई पर्सन वो एक्ट करता जिसमें

Uh, आगे कहता है कि अगर मान लो कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया है अथॉरिटी के अंदर किसी स्टैट्यूट की अथॉरिटी के अंदर ठीक है है अमित थैंक यू एंड इफ इज डिनाइड हिज राइट ऑफ वे ठीक अब यहां पे कह रहा है कि कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया अथॉरिटी के अंदर ठीक और किसी पर्सन को डिनाय कर दिया गया राइट टू वे एंड ट्रैफिक थ्रू दैट वे फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड कि भाई पर्टिकुलर टाइम के लिए आप अलाउड नहीं है आप इसको यूज नहीं कर सकते इस ब्रिज को आप यूज नहीं कर सकते ठीक है तो उस पर्टिकुलर केस में आप कोई सूट नहीं ला सकते नो सूट कैन बी ब्लॉट अगेंस दी बिल्डर्स हू हैिटी ने ही कंस्ट्रक्ट करायाथॉरिटी करा है और अथॉरिटी कह रही है यूज नहीं होगा ठीक है तो उस पर्टिकुलर केस में आप जो है बिल्डर को सू नहीं कर सकते किसी को सू नहीं कर सकते कि भाई मुझे मेरा राइट टू वे डिनाई कर दिया गया द रीजन इज की यहाँ पे सैटर अथॉरिटी पिक्चर में उसने कहा है उसने उसके परफुएंस में उसके डायरेक्शन पे जो है एक्ट किया गया है उसको

Again, आ जाती है पे कि अगर आप, आपने, आपको कोई सैटरी अथॉरिटी ने काम करने को कहा आप उसटरी अथॉरिटी का काम कर रहे हो बट दैट प्रॉपर ड्यू एंड अटेंशन प्रॉपर ड्यू केयर एंड अटेंशन कि भाई आपने पूरी अपनी सही तरीके से किया उसको अगर आप नेग्लेजेंट हो वो काम करने में तो उस पर्टिकुलर केस में एक्शन लाया जा सकता है आपके लिए आपके अगेंस्ट ना उसका एक इंपॉर्टेंट केस है

अब हवा की तेजी की तेजी वजह से जो वो फायर थी वो प्लेंटिव के घर तक पहुंच गई ठीक है मतलब आपने जो झाड़ थी वो क्लियर अच्छे से काटी नहीं ठीक है ट्रिमिंग नहीं करी उसकी अब एक इंजन आया उसके से एक स्पार्क निकला और उस घास में आग लग गई उस पूरे एरिया में आग लग गई और हवा की वजह से वो आग बढ़ गई और प्लेंटिव के घर के पे लग गई फॉर कॉटेज जो है है जल गया ठीक जो सौ यार्ड दूर था रेलवे लाइन से नाउ कॉटेज वाज बर्न सिंस इट वाज अ केस ऑफ नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ रेलवे कंपनी दे वर हेल्ड अब यहां पे गलती किसकी है रेलवे कंपनी की गलती है क्यों क्योंकि वो नेग्लिजेंट थे अपने पार्ट पे तो अगर आप नेग्लीजेंटली बिहेव कर रहे हो या इंटेंशनली कोई काम कर रहे हो तो फिर लाइबिलिटी होती है हो, उस पर्टिकुलर केस में आप डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते नाउ ज्वाइंट टॉट फीजर्स या फिर टॉट फीजर्स क्या होता है बेसिकली जैसे अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा सा कनेक्ट करें आईपीसी के कॉमन इंटेंशन से ठीक है थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं आपको इस इस टॉपिक को उससे नाउ जॉइंट टॉट फीजर्स की अगर मैं बात करूं तो जहां पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हार्म हुआ है या फिर डैमेज हुआ है बाय टू और मोर पर्सन राइट right. जहां पे लोगों ने इंटेंशनली यहाँ पे ये दो और दो से ज्यादा लोग जो है इंटेंशनली एक पर्टिकुलर पर्सन को डैमेज पहुंचा रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे जो डैमेज पहुंचा रहे हैं जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर डैमेज पहुंचा रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे ज्वाइंट टॉट फीजस राइट right. तो बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर बेसिक बिल्कुल अ लेमन टर्म में हम बात करें कि भाई टॉर्ट फीजर्स क्या है या ज्वाइंट टॉर्ट फीजर्स आप किनको कह रहे हो तो आप उनको कहोगे कि जिन्होंने फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन है फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन है अब इस एक्स पर्सन को यहाँ पे वाई और जेड ने इंटेंशनेली डैमेज पहुंचाया है नाउ दे हैव अ मीटिंग ऑफ माइंड हियर इन्होंने इंटेंशनली जो है एक्स पर्सन को हार्म पहुंचाया है तो दीज वाई एन एक्स विल बी कॉल्ड एज ज्वाइंट टॉट फीजर्स ठीक है अब एक्स जो है इनको ज्वाइंटली या फिर सेवरल भी लाइबल कर सकता है ज्वाइंटली इनको सू कर सकता है या फिर सेवरलली इनको जो है सू कर सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे तो बेसिक बात बस ज्वाइंटीजर में इतना समझो जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग जो है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को डैमेज पहुंचाते हैं या हार्म पहुंचाते हैं उसको हम कह रहे हैं ज्वाइंटीजर्स नाउनेशन की रिस्पेक्ट में बात करूं तो वे द सेम डैमेज इज कॉज टू वन पर्सन वन पर्सन हमारे एग्जाम्पल में कौन है एक्स बाय सेवरल रोंग डूअर्स सेवरल रोंग डूअर्स कौन है वाई और जेड दे में आइदर जॉइंट और इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स ठीक है तो वो जॉइंट टॉर्ट फीजर्स हो सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स हो सकते हैं इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स कब होंगे जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होगा वाई और जेड की कॉमन ये चीज नहीं है कि हम एक्स को हार्म पहुंचाएंगे या एक्स को डैमेज पहुंचाएंगे यहां पे अगर ऐसा नहीं है अगर कॉमन

पहुंचाया है अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो एग्जाम्पल से एग्जाम्पल में क्या दे रखा है दैट इफ टू ड्राइवर्स ए एंड बी दो ड्राइवर हैं यहाँ पे ए और बी विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ गेटिंग इन फ्रंट ऑफ द कार ड्रिवन बाय सी अब यहाँ पे सी गाड़ी चला रहा है ठीक है और ए और बी का कॉमन ऑब्जेक्ट है कि वो सी की गाड़ी के सामने आ जाएंगे और कोलाइड करेंगे अब यहाँ पे ए और बी का कॉमन ऑब्जेक्ट है ये ठीक है कॉमन ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कि वो जो सी गाड़ी चला रहा है उसके सामने आ जाएंगे राइट देयर रिस्पेक्टिव कार्स इन सच अ रैश एंड नेग्लिजेंट मैनर दैट देयर कार कोलाइड अगेंस्ट द कार ऑफ सी कि भाई उनका पहले से ही ऐसा माइंड मेकअप करके आए हैं दोनों दोनों ड्राइवर्स ए और बी कि हम सी की गाड़ी के सामने आएंगे ताकि हम उसकी गाड़ी से टकरा जाएं, कोलाइड कर जाएं, राइट नाउ बोथ ए एंड बी विल बी कंसिडर्ड एज ज्वाइंट टॉट फीजर्स तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ए और बी क्या कहलाएंगे ज्वाइंट टॉट फीजर्स कहलाएंगे द रीजन बींग यहाँ पे ए और बी का कॉमन ऑब्जेक्ट था कि वो जो है जो सी है ठीक है उसकी गाड़ी के सामने आएंगे और उसको डैमेज दाम, पहुंचाने का कॉमन ऑब्जेक्ट था इस वजह से यहाँ पे ए और बी जो है ज्वाइंट टॉट फीजर्स कहलाएंगे और रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी इंजरी सफर करी है सी ने राइट right. नाउ

उनका कोई भी कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं था प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था कोई भी एक कॉमन चीज सोच के नहीं आए थे कि हमें सी की गाड़ी के सामने आए वो अपने अपनी गाड़ी चला रहे थे और वो दोनों इतफाक से टकरा गए सी की सी की गाड़ी से मतलब उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं था बट देन दोनों नेग्लिजेंट थे और टकरा गए सी की गाड़ी से तो यहाँ पे वो दोनों ए और बी क्या कहलाएंगे इंडिपेंडेंट ज्वाइंट टॉट फीजर्स कहलाएंगे क्लियर नाउ सिंगल डैमेज यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे थे ठीक है ए अपनी गाड़ी गलत चला रहा था नेग्लिजेंटली चला रहा था बी अपनी गाड़ी नेग्लिजेंट चला रहा था बट प्रोड्यूस क्या किया सिंगल डैमेज प्रोड्यूस किया दे आर नोन एज इंडिपेंडेंट

हो सकता हो जो रिजल्ट आया वो सिंगल हो जो डैमेज पहुंचा सिंगल पर्सन को पहुंचा ठीक है उनका डिजाइन सिमिलर हो सकता है बट देन यहाँ पे पहले से कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था पहले से कोई कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं बनाकर आए थे इस वजह से ये इंडिपेंडेंट ज्वाइंटीजर्स कहलाते हैं सो गिव मी थम्स अप थर्म्स अपॉइंट ऑट फीजर्स और इंडिपेंडेंट डॉट फीजर्स में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ तो समझ में आया ज्वाइंट डॉट फीजर्स और इंडिपेंडेंट डॉट फीजर्स क्या होता है प्लीज लेट मी नो अगर समझ में आया हो या कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क मी समझ में आया चलो ठीक है सो टुडे इन द क्लास टुडे इन दिस सेशन ओनली अमित इज इंटेलिजेंट नो वन एल्स नो वन एल्स सिर्फ अमित को ही समझ में आया एज यूजल दिव्या चलो ठीक है आगे देखो एक एग्जाम्पल और एक इंपॉर्टेंट केस भी है यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट केस क्या है दैट इज कॉर्सर केस केस अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि दो शिप जो है एक इंडिपेंडेंटली ठीक है इनका कोई पहले से कोई कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं था

क्या कहा कि ये जो है इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीस हैिटी ऑफ इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजस वॉज नॉट ज्वाइंट बट ओनली सेवरल अब यहाँ पे जो लाइबिलिटी अराइज होगी वो ज्वाइंट लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी क्योंकि क्योंकि यहाँ पे यह जॉइंट टॉप फीजर नहीं थे वो इंडिपेंडेंटली उन्होंने अपना नेगेंट काम किया है इस वजह से इनकी लाइबिलिटी सेवरली देस एंड एक्शन अगेंस्ट वन ऑफ देम वॉज नो टू एक्शन अगेंस्ट अनादर अब यहाँ पे क्या कह रहा है मान लो अब ये दो शिप हैं ठीक है ये दो शिप हैं ये शिप सॉरी माई शिप इज टू बैड कोई बात नहीं बेर आपस में कोलाइड करी तो यहाँ पे ये अपने नेग्लिजेंस से कोलाइड कर रही है ये अपने नेग्लिजेंस की वजह से कोलाइड कर रही है ठीक है अब यहाँ पे ये जो कोलाइड कर रहे हैं तो ये अपने पार्ट पे नेग्लिजेंस उन्होंने जो किया है तो यहाँ पे जो थर्ड वेसल पे कोलाइड किया है टकराए ठीक है तो जिस पार्टी को डैमेज हुआ वो इसको अलग सू कर सकती है और इसको अलग सू कर सकती है ठीक है और कोई बार नहीं है इस चीज का कि इसको सू कर दिया तो आप इसको सू नहीं कर सकते या इसको सू कर दिया तो आप इसको सू नहीं कर सकते ऐसा कोई भी बार नहीं है इंडिपेंडेंट ज्वाइंट और फीजर्स है तो आप डैमेज दोनों से ले सकते हो इससे भी ले सकते हो और इससे भी ले सकते हो बिकॉज अगेन दे बोथ आर लाइबल फॉर देयर ओन नेग्लिजेंस ठीक है यहाँ पे कोई भी ज्वाइंट टॉर्ट नहीं थे ये इंडिपेंडेंट ज्वाइंट ऑर्ट थे राइट राइट नाउ इंडिपेंडेंट फीजर्स सॉरी नाउ जॉइंटीजर्स की बात करें अगर हम ठीक है अ वेरी गुड इवनिंग सैम्बल मैम इस टाइम पे भी पढ़ा रही हैं हाँ इस टाइम पे भी पढ़ा रहे हैं ठीक है दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टडी आई वुड से ए टू नाइन इज अ गुड टाइम टू स्टडी ठीक है और मैं तो रोज ही ए टू नाइन आती हूँ राइट चलो अब कमिंग बैक टू दि टॉपिक जॉइंट ऑफ फीजर्स तो ज्वाइंट ऑफ फीजर्स की अगर हम लाइबिलिटी की बात करें ये तो एक बेसिक बात समझ ली हमने कि जॉइंट और फीजर्स क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट जॉइंट ऑफ फीजर्स क्या होते हैं नाउ लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑफ फीजर्स अकर्स वेन देर इज अ कॉमन एक्शन और यहाँ पे ज्वाइंट आप कब कहलाओगे किसी आ, किसी डूअर्स को आप कब कहलाओगे तब जब वहां पे कॉमन ऑब्जेक्ट होगा कॉमन एक्शन होगा कि भाई यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट था उसके परसुएंस में एक एक्ट किया गया इन रॉन्ग डूअर्स द्वारा दैट इज वाई वी आर कॉलिंग ज्वाइंट टॉर्ट फीजर्स राइट नाउ दस आइर इन फैक्ट और इन लॉ दार्टीज मस्ट है सेम रॉन्गफुल एक्ट अब यहां पर दोनों पार्टी ने एक ही रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है कॉमन ऑब्जेक्ट है

एक साथ सु कर सकता है या फिर अलग अलग उनको सू कर सकता है राइट नाउ अ जजमेंट ऑप्टेन अगेंस्ट ऑल ऑफ देम मे बी एग्जीक्यूटेड इन फुल अगेंस्ट वन और मोर ऑफ देम ठीक है अब यहाँ पे अगर कोई जजमेंट आया है अगेंस्ट ऑल ऑफ देम तो फिर वो आपका एग्जीक्यूट होता है दैट वे लाइकवाइज वो जो है एग्जीक्यूट किया जाता है नाउ पर्सन पर्सन फीजर्स अब ये जो कुछ लोग हैं प्रिंसिपल और एजेंट ठीक है मास्टर और सर्वेंट आपका या फिर पार्टनरशिप फॉर्म में जो लोग हैं इन सारे लोगों को हम क्या समझते हैं हम इनको समझते हैं हम इनको ट्रीट करते हैं एज ज्वाइंट टॉर्ट फीजर्स अगर ये कोई रॉन्गफुल कमेंट करते हैं तो इनको क्या माना जाता है ज्वाइंट टॉट फीजर्स माना जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल एंड एजेंट राइट लाइक मास्टर एंड सर्वेंट

चाहे वो एक्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली या फिर ज्वाइंटली दे आर टर्म्ड एज कॉम्पोजिट ज्वाइंट कॉम्पोजिट टॉट फीसर्स अब हमारे इंडिया में इंग्लैंड में ऐसा नहीं है इंडिया में जो पोजीशन है यहाँ पे इंडिया में हम क्या कहलाते हैं जहां पे दो या दो से ज्यादा पर्सन ठीक है जब वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी कॉमन डैमेज के लिए दो या दो से ज्यादा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है किसी एक पर्टिकुलर कॉमन डैमेज के लिए चाहे वो एक्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली या फिर ज्वाइंटली दे आर टर्म्ड एज कॉम्पोजिट And independent लेकिन इंडिया में हम उन्हें क्या बोलते है? joint, uh, हैं क्लियर ये इंडिया की पोजिशन है आपकी राइट right? नाउ लाइबिलिटी क्या होगी ज्वाइंट टॉट फीजर्स की तो अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जो टॉट फीजर्स है, है, हैं same, uh, है, है तो और, uh, है जो जॉइंट टॉट फीजर्स हैं जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को डैमेज पहुंचा रहे हैं जहाँ पे रिजल्ट उनका एक सेम डैमेज रहता है या सेम रॉन्गफुल एक्ट रहता है टूवर्ड्स अ पर्सन तो उस पर्टिकुलर केस में ये ज्वाइंटली और सेवरली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द होल डैमेज और जो पर्सन आपका इंजर्ड है वो उनको सू कर सकता है एक को कर सकता है या फिर सबको ऑल्टुगेदर कर

रॉन्गफुल uh, रॉन्गफुल uh, uh, क्या कहते हैं एक्ट के लिए सिर्फ दो लोगों के खिलाफ एक्शन लाता है उस पर्टिकुलर केस में एंड द जजमेंट ऑफ सूड इज नॉट दोन टू से प्लेटिव और यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो ये दो लोगों के खिलाफ जो जजमेंट uh, लाया जजमेंट uh, आ गया इनके खिलाफ जो है uh, सिर्फ दो लोगों को उसने सू किया ने बट वो जो दो लोगों ने जो अमाउंट पे किया वो सफिशेंट नहीं है प्लेटिव के डैमेज को फुल्ली सेटिस्फाई करने में तो क्या उसके बाद प्लेटिव रिमेनिंग वन के खिलाफ एक यहां पर छोड़ दिया दो इनमें से सू किया क्या इसके खिलाफ सू कर सकता है क्या अपने डैमेज को फुल तरीके से पूरी तरीके से करने के लिए क्या इसको जो है है कर सकता ना दिस इज द्वेश्चन नाउ इफ यू रीड इट कहता है कि केस जहां पे प्लेटिव जो है एक्शन ला रहा है सिर्फ कुछ ज्वाइंट के अगेंस्ट एंड जजमेंट अगेंस्ट दो नॉट इनफ सैटिस्फाइडिव ठीक है

अंडर कॉमन लॉ ठीक है तो अर्ली पोजिशन क्या थी कॉमन लॉ के अंडर ब्रिंग इन एक्शन अगेंस्ट दी रिमेनिंग ज्वाइंट जो रह गए हैं उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं ला सकते इवन इफ जजमेंट अगेंस्ट दर्सन सूड रिमेन होली अनसेटिस्फाइड

िटी अगर हम कुछ के खिलाफ आप सू, सू, सू किया ज्वाइंट जौ, और फिजर्स को ठीक है और अब आप बार हो कि दूसरे वाले को रिमेनिंग वाले को सू नहीं कर सकते तो जो वेरी बेसिक कंसेप्ट की हमारे यहाँ ज्वाइंट की लाइबिलिटी क्या है ज्वाइंट और सेवरल वो तो उसका तो कोई पर्पस ही फुलफिल नहीं होगा उस पूरे कांसेप्ट के अगेंस्ट ये बात हो गई राइट इसीलिए यहाँ पे जो ये पहले वाला रूल था जो कॉमन लॉ में ये रूल था इसको अबॉलिश कर दिया गया ठीक है द अबव रूल वाज अबॉलिश बाय द लॉ रिफॉर्म्स मैरिड वुमेन एंड टॉट फीजर्स एक्ट 1935 अब उस चीज को उस पर्टिकुलर रूल को कि आप नहीं कर सकते रिमेनिंग टॉर्ट को अपने बैलेंस डैमेज अमाउंट को सेटिसफाई करने के लिए आप दूसरे रिमेनिंग टॉर्ट को नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर रूल को जो है अबॉलिश कर दिया गया हटा दिया गया ठीक है नाउ सिंस देन एन एक्शन अगेंस्ट वन और सम ऑफ दीजर्स इज नो बार टू एन एक्शन अगेंस्ट अदर हु हैव आल्सो हैव बीन लायबल फॉर द सेम डैमेज अब यहां पे

मान लो फॉर एग्जाम्पल ठीक है अब अब मान लो चार थे जिसमें से से आपने सिर्फ दो को किया इसमें एक जो है है निकल गया ठीक वो पे नहीं कर पा रहा तो तो पहले वाले रूल के हिसाब से तो आप बाकी दो को भी नहीं कर पाओगे राइट पहले वाले रूल के हिसाब से लेकिन अब के रूल के हिसाब से अगर चार ज्वाइंट थे, थे तो अगर आपने इस से दो को किया है तो इन दो को भी कर सकते हो बाद में ठीक है अब आप इनको कर सकते हो और अपना बैलेंस अमाउंट जो भी डैमेज का जो भी बैलेंस अमाउंट है और आप अपने डिक्री को जजमेंट को फुल्ली सेटिस्फाई कर सकते हो दूसरे वाले तो को जो, दूसरे ज्वाइंट ऑफिस को सू करके उनसे रिकवर कर सकते हो डैमेज क्लियर नाउ सेक्शन सिक्स वन बी ऑफ दोवाइड विच एक्ट लैंड रिफॉर्म एक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोवाइडिव एक्शन आर ब्रॉडंट ऑफ डैमेज रिकवरेबल शेड नॉट इन एग्रीगेट एक्सीड दैमेज अवॉर्ड इन द

तो दूसरे जजमेंट में यहां पे इस सेक्शन के हिसाब से क्या कह रहा है कि दस हजार रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए दस हजार रुपए से ज्यादा रिफॉर्म एक्ट ठीक है बाय सेक्शन फोर अब ये वाला जो प्रोविजन है सेक्शन सिक्स वन बी इसको जो है रिप्लेस कर दिया गया बाई सेक्शन फोर ऑफ सिविल लाइबिलिटी कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट नाइनटीन एट अब इस वाले प्रोविजन को को कि आप जजमेंट एक्सीड नहीं करोगे पहले जजमेंट में जो अमाउंट दे दिया उससे ज्यादा सक्सेसिव एक्शन में दूसरा जजमेंट जो आएगा उसमें अमाउंट ऑफ डैमेज एक्सीड नहीं करेगा अब इस प्रोविजन को जो है सेक्शन फोर से रिप्लेस कर दिया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट के अब जो फॉर ब्रिंगिंग द एक्शन अब यहां पर पोजिशन क्या बनी अब पोजिशन यहां पर यह बनी कि सक्सेसिव सब्सिक्वेंट सूट आपको लाना तभी अलाउड होगा

1978 के, ये ये बात समझ समझ में Come on. Concept समझ में आई आपको? आया कैसे और पुराना uh, क्या पोजीशन था कॉमन लॉ का एंड वाज सब्सट्यूटेड एंड अगेन दैट वाज सब्सट्यूटेड इज इट्स क्लियर ओके चलो ठीक है क्लियर हो गया आगे देखो

इंडिपेंडेंट टॉरफीजर्स के रिस्पेक्ट में बिफोर द लैंड रिफॉर्म एक्ट अब हम उस टाइम की बात कर रहे हैं आपका लैंड रिफॉर्म एक्ट 1935 से पहले की बात कर रहे हैं द कॉमन लॉ परमिटेड सक्सेसिव एक्शंस इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट टॉरफीजर्स कि भाई आप इंडिपेंडेंट टॉरफीजर्स हैं तो कॉमन लॉ ने अलाउ कर रखा था कि आप सक्सेसिव एक्शंस ला सकते हो राइट नाउ द लॉ रिफॉर्म एक्ट 1935 ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी

टॉर्ट फीजर्स जैसे ज्वाइंट टॉर्ट फीजर्स में रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी वो रिस्ट्रिक्शंस आपके इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स से भी हटा दी गई हैं। तो पहले एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी आपके लैंड रिफॉर्म एक्ट ने कि आप जो है फर्स्ट जजमेंट में जो अमाउंट आया है उससे ज्यादा अमाउंट आप सेकंड सक्सेसिव एक्शन में नहीं क्लेम कर सकते राइट right? अब वो जो रिस्ट्रिक्शन थी वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई आपकी सिविल लाइबिलिटी एक्ट में जहां पे कह दिया कि अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज रिगार्ड टू अमाउंट रिकॉर्डल इन दी सब्सिक्वेंट एक्शन जो आप बाद में लाते हो इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट टॉप फीजर जो बाद में केस लाते हो तो उस पर्टिकुलर केस में कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है नाउ अगर हम इंडिया के पोजीशन की बात करें ठीक है इंडिया में क्या पोजीशन है तो यहाँ पे हमारे इंडिया में कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन नहीं है

फ्री टू टेक दोजीशन एज द डीम फिट कीपिंग इन माइंड दिचुएशन प्रिवेलिंग इन दी कंट्री अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हमारे इंडिया में क्या जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से उसके फैक्ट कोर्ट डिसाइड करेगी क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी करस्पॉन्डिंग uh, लॉ नहीं है इस तरीके का कोई भी एक्ट नहीं है जो बात करता हो ना ही सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है अब यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा नवल किशोर वर्सिज रमेश्वर में अब ओपिनियन जो इलाहाबाद का है इस पर्टिकुलर केस में इन्होंने कहा कि इन द दफोर्सेड केस ऑफ इंग्लिश लॉ रिफॉर्म एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव बाई प्रोवाइडिंग दैट द्लेम बाई दिन दर्स्ट एक्शन जस्ट लॉ अब यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये ओपिनियन है कि जो ये uh, आपका इंग्लिश लॉ रिफॉर्म एक्ट है ठीक है उसमें जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि सक्सेसिव एक्शन में या सब्सिक्वेंट एक्शन में आप पहले वाले एक्शन में जो अमाउंट क्लेम है उससे एक्सीड नहीं कर सकते ये आपका जस्ट लॉ नहीं है इस पर आपका इलाहाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट भी एग्री नहीं करता है नाउ नॉ कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इंडिया में क्या फॉलो होता है इंडिया में फॉलो होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस राइट इन दी मैटर्स आर नॉट कवर्ड एंड रिलाई अपॉन प्रिंसिपल स्टैब्लिड अंडर इंग्लिश लॉ अब बेसिकली इंडिया में हमारे यहाँ जहां पे कोई स्टैट्यूट नहीं है या जहां पे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दे रखा है तो उस पर्टिकुलर केस को हम कैसे डिसाइड करते हैं ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस टू फाइंड आउट वॉट इज द रूल ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस तो यहाँ पे हम रिलाई करते हैं इंग्लिश लॉ में यह ढूंढने के लिए दैट वॉट इज द रूल ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस राइट तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि हमारे इंडिया में क्या पोजिशन है हम प्रिंसिपल उस प्रिंसिपल में काम करते हैं जो प्रिंसिपल में हमें जो प्रिंसिपल जो है इक्विटी गुड कंसाइंस और जस्टिस की बात करता है राइट नाउ मूविंग अहेड टू दस्टिक दैट इज रिलीज ऑफ ज्वाइन टॉर्ट फीसर्स ठीक है

जो इंग्लिश लॉ रिफॉर्म्स एक्ट आया था उसमें भी इस पोजीशन को चेंज नहीं किया पोजीशन सेम ही रही दैट अगर आप एक जॉइंट टॉट फीजेस को रिलीज कर देते हो तो फिर आप सबको जॉइंट सारे टॉट फीजेस आपके जॉइंट टॉट फीजे आपके रिलीज हो जाते हैं रीजन क्या है इसके पीछे द रीजन बिहाइंड दिस लीगल पोजिशन इज दैट इन केस ऑफ ज्वाइंट टॉट फीजर्स कॉज ऑफ एक्शन इज वन हम जॉइंट टॉट के केस में कॉज ऑफ एक्शन क्या मानते हैं कि भाई एक ही कॉज ऑफ एक्शन है राइट एंड इंडिविजल सो द रिलीज ऑफ वन ऑफ देम रिलीज ऑल द अदर तो यहां पे अगर आप एक पर्सन को एक ज्वाइंटर को रिलीज करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सारे को रिलीज कर देता है राइट right? नाउ ये आपका प्रेजेंट में पोजीशन है तो, तो, तो रिलीज जो अगर आप रिलीज कर रहे हो मेयर कोवरेंट अब यहां पे एक कंसेप्ट आता है एक कोवरेंट से डिफरेंट है अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल एक माइनर है ठीक है अब आप उसे पे रिलीज कर रहे हो इसका मतलब यहां पे आप सबको रिलीज नहीं कर रहे हो ठीक है उस पर्टिकुलर केस में पोजीशन डिफरेंट क्योंकि यहाँ पे अगे यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि अगर आप रिलीज करते हो ज्वाइंट ऑटफिस को दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर कोविन नॉट टू सू एनी

इंसेन विद होम द कोवेनेंट इज मेड इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी तो जहां पे आप एक कोवेनेंट करते हो ठीक है कोवेनेंट बनाते हो कि भाई आप एक पर्टिकुलर पर्सन को सू नहीं करोगे ठीक है आप क्यों सू नहीं करोगे क्योंकि वो इंसेन है या फिर माइनर है या व्हाटएवर एक्स वाई जेड रीजन आप उसको सू नहीं करोगे तो आप उसी पर्टिकुलर पर्सन को लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर रहे हो रेस्ट ऑफ द पर्सन विल बी स्टिल लायबल बट जहां पे आप रिलीज करते हो जॉइंट ठीक है ज्वाइंट और फिजर्स को रिलीज करते हो अगर उनमें से किसी एक को भी रिलीज कर रहे हो तो आप सबको रिलीज कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पे डिफरेंस है रिलीज ऑफ ज्वाइंट और, और फिजर्स की, की रिस्पेक्ट में और मेयर कोविनेंट नॉट टू सू एनी वन ऑफ देम आप एक उनमें से एक को सू नहीं कर रहे हो ये एक अलग बात है और रिलीज ऑफ जॉइंट ऑटफीजर्स सबको रिलीज या उनमें से सारे जॉइंट ऑटफीजर्स में से किसी एक को रिलीज कर रहे हो तो उसमें सारे रिलीज माने जाएंगे ठीक है तो कोविनेंट में और आपका कोविनेंट इस बात का कि भाई यू आर नॉट सुंग एनी वन ऑफ देम तो उस पर्टिकुलर पर्सन को आप डिस्चार्ज कर रहे हो लाइबिलिटी से नॉट दी ऑल ऑफ़ देम राइट तो ऐसा आपका इस पर्टिकुलर हर्टन वर्सेज ईयर डक इयर मेयू में कहा गया था। अब इंडिया इंडिया में में? में क्या पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट तो अगर प्लेंटिफ ने सूट फॉर मैलिशियस प्रोजिक्यूशन अब इस पर्टिकुलर केस में मैलिशियस प्रोजिक्यूशन का एक सूट हुआ अगेंस्ट सेवरल डिफेंडेंट्स बहुत सारे डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट राइट

तो यहाँ पे इलाहाबाद कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में क्या कहा इट टू बी गैदर्ड फ्रॉम द इंटेंशन ऑफ द पार्टी कि भाई आपको पार्टी की इंटेंशन समझनी पड़ेगी वेदर दे वॉज द रिलीज ऑफ दर कॉज ऑफ एक्शन कि आप

जो है कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में कहा राइट नाउ कंट्रीब्यूशन की बात करें कंट्रीब्यूशन बिटवीन टॉट फीजर ज्वाइंट टॉट फीजर यहां तक क्लियर हुआ गिव मी अ थम्स अप यहां तक क्लियर हुआ इज इट क्लियर इज इट क्लियर कमॉन एक बार कमॉन जल्दी से थम्स अप मुकेश अमित दिव्या इज इट क्लियर ठीक है चलो कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं एक बार कि इंडेमिनिटी और कंट्रीब्यूशन की अब यहाँ पे क्या कहता है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है बेसिक प्रिंसिपल हमने लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में और की क्या समझा कि वो ज्वाइंट और सेवरली uh, होते हैं राइट right? तो लाइबिलिटी ज्वाइंटीजर्स की ज्वाइंट होती है और सेवरल होती है राइट दे प्लेंटिव चॉइस अब यहाँ पे प्लेटिव के पास ही चॉइस है टू मेक ओनली वन ऑफ द और दिजर्स टू मीट द होल ऑफ इज क्लेम ठीक है अब यहाँ पे अगेन

यहां पे मान लो एक दो तीन चार पाँच है ये टॉट फीजर्स फीजर्स हैं हैं आपके ये टॉट नाउ इनमें से प्लेंटिफ जो प्लेंटिफ है आपका ये प्लेंटिफ है ठीक है अब इसने जो है इसको सू किया सिर्फ पहले वाले को और इन सब को सू नहीं किया ये एक से सारा डैमेज रिकवर कर रहा है तो क्वेश्चन यहां पे ये यह है कि क्या ये एक पर्सन जिसको जिसने सारा डैमेज पे किया है को क्या ये रिकवर कर सकता है इन सारे टॉट फीजर से जो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है रॉन्गफुल डैमेज के लिए क्या ये इनको इनसे कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकता है कि भाई मैंने सारा पे किया

अब ये पर्टिकुलर रूल जो है आपका दिया गया था इस लैंडमार्क केस में मेरी वर्दर वर्सेस नेक्सन इस पर्टिकुलर केस में इस क्वेश्चन का जो है सलूशन दिया गया अब इस जजमेंट के हिसाब से क्या है जो जजमेंट डिलीवर हुआ इस पर्टिकुलर केस में कहता है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता बिटवीन दी जॉइंट टॉट फीजर्स अकॉर्डिंग टू द जजमेंट डिलीवर इन दिस केस देयर कुड बी नो कॉन्ट्रीब्यूशन बिटवीन फीजर्स अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ये जो है इनसे नहीं ले सकता एज पर केस ऑफ मेरी हिसाब से नहीं कर सकता राइट इफ ओनली वन ऑफ द डिफेंडेंट वॉज मेड टू पे द होल ऑफ दैमेज अगर एक ही डिफेंडेंट को पे करना पड़ा सारा डैमेज ही कुड नॉट रिकवर एनी थिंग बाई वे ऑफ इंडेमिटी और कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दी अदर्स Nixon के से, नहीं ले सकता वो कॉन्ट्रीब्यूशन ना ही वो इंडेमनीफाई कर सकता है क्लियर नाउ रीजन प्रेफर्ड अब इस पर्टिकुलर केस में क्या रीजन प्रेफर किया गया ऐसा क्योंकि दूसरे से नहीं ले सकता द रीजन प्रेफर्ड वॉज वेन आर टॉप फीजर्स डिमांडेड कॉन्ट्रीब्यूशन

इस पर्टिकुलर रूल को अबॉलिश कर दिया गया बाय दी लैंड रिफॉर्म एक्ट 1935। अब इस लैंड रिफॉर्म एक्ट में इस पर्टिकुलर रूल को जो है अबॉलिश कर दिया गया अब क्या पोजीशन है दैट नाउ आर टॉट पे मोर देन हिज शेयर अगर उसके शेयर से ज्यादा उसने पे किया है डैमेज के लिए तो वो रिमेनिंग वालों से कह सकता है कि तुम कॉन्ट्रीब्यूट करो मतलब उस एग्जाम्पल में जहां पे ए और बी है ठीक है और ए ने हजार रुपए पे किए एक्स के पे, पे किए डैमेज एक्स को तो यहाँ पे हजार रुपए में से पांच सौ रुपए वो बी से मांग सकता है ए इस पर्टिकुलर केस में तो अब ये पोजीशन है कंट्रीब्यूशन जो है ले सकता है वो अ टोट फीजर्स पे आप एक फीजर से आप जो है उसके डैमेज के शेयर से ज्यादा मांग लेते हो ज्यादा पे करता है कैन क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर टॉर्ट फीजर्स फॉर देयर शेयर ऑफ रॉन्ग

आप कॉन्ट्रिब्यूशन ले सकते हो और इंडेमनिटी भी ले सकते हो इंडेमनिटी भी हो सकती है बिटवीन दी जॉइंट टॉट फीजर्स राइट नाउ दिस इज दिस एक्सेप्शन अपॉन द रूल ऑफ मेरी वदर्स वर्सेस निकसन वाज ग्राफ्टेड इवन बिफोर द एक्ट ऑफ 1935 तो so, पे पहले जो इस पर्टिकुलर जजमेंट में क्या कहा कि आप कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते बट अब लैंड रिफॉर्म के बाद ये कह दिया गया कि आप कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हो ठीक है पोजीशन इंडिया में क्या है एज रिगार्ड टू दिब्यूशन एंड विद रिस्पेक्ट टू जॉइंटीजे तो हमारे यहाँ कोई डेफिनेट स्टैट्यूट नहीं है इंडिया में कम्पेरेबल टू इंग्लिश लॉ ठीक है इन सम केसेस द कोर्ट हैज फॉलोड द रूल ऑफ मेरी वर्दर मेरी वेदर वर्सिस नेक्सन तो हमारे इंडिया में ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टैट्यूट नहीं है या ऐसा कोई लॉ नहीं है कुछ केसेस में इंडिया में जो है आ, रूल फॉलो किया था मेरी वेदर वर्सेज नेक्सन का कि कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले नहीं ले सकते राइट और कुछ केसेस में आपका हाई कोर्ट ने एक्सप्रेस किया कि डाउट है इसके रिस्पेक्ट में कि इसकी एपिल, ये एप्लीकेबल होगा इंडियन केसेस पे या नहीं इस पर जो है डाउट है तो कुछ केसेस हैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कुशल राव वर्सेज बप्पू राव गणपत राव इस पर्टिकुलर केस में नागपुर बेंच ने कहा कि जो ये रूल है मेरी वर्दर वर्सेस नेक्सन का ये एप्लीकेबल नहीं है इंडिया में राइट एट द सेम टाइम धनीधार वर्सेस चंद्रशेखर द रूल ऑफ मेरी वर्सिज मेरी वदर वर्सिज नेक्सन वॉज अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस साइंस तो इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने कहा कि जो ये प्रिंसिपल दे रखा है आपका मेरी वदर वर्सिज में वो रूल जो है अगेंस्ट है इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस राइट तो ये आपका बहुत क्लियरली बता दिया गया so, Mary, Mother, uh, तो मेरी वदर वर्सिस नेक्सन वाले पर्टिकुलर केस में क्या कहा था कि कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा बट देन इंग्लिश लैंड रिफॉर्म एक्ट ने उसको हटा दिया उस रूल को हटा दिया और कहा कि आप कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हो इंडिया में अगेन इट इज डाउटफुल कुछ केसेस में वो फॉलो करते हैं उस पर्टिकुलर रूल को और कुछ पर, इस पर्टिकुलर केस को मेरी वर्दर नेक्सन वाले केस को और कुछ पर्टिकुलर केस में नहीं करते हैं नाउ मूविंग अहेड आगे देखो की बात करें अगर कि अगर प्लेटिव को डिफेंडेंट को नेग्लिजेंस के लिए सू करना है अगर उसके लिए एक्शन लाना है तो क्या चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी सबसे पहले कि भाई डिफेंडेंट की ड्यूटी थी टुवर्ड्स प्लेंटिव सबसे पहला क्या है डिफेंडेंट ओट अ ड्यूटी टूवर्ड्स प्लेटिव ड्यूटी टू टेक केयर टुवर्डेंटिव कि भाई डिफेंडेंट की जिम्मेदारी थी कि वो उसको उसके ऊपर यह ऑब्लीगेशन थी और ये लीगल ड्यूटी है ठीक है इन दिस पर्टिकुलर ड्यूटी वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल ड्यूटी मॉरल सोशल ड्यूटी इनकी बात नहीं कर रहे हैं डिफेंडेंट की एक लीगल ड्यूटी थी कि भाई वो ध्यान रखे टूवर्ड्स प्लेटिव पहली दूसरी क्या है डिफेंडेंट मेड अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी और यहां पे क्योंकि एक लीगल ड्यूटी डिफेंडेंट के ऊपर लाई करती है एक ऑब्लिगेशन है डिफेंडेंट के ऊपर ठीक है और उस ड्यूटी को यहां पे डिफेंडेंट ने ब्रीच किया है और तीसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है कि उस ब्रीच करने के कारण उस पर्टिकुलर ड्यूटी को ब्रीच करने के कारण डैमेज हुआ है ठीक है और प्लेटिव सफर डैमेज एज एस अंसिक्वेंस देर ऑफ तो यहां पे तीन एसेंशियल आपको प्रूव करने हैं तो आप जो है एक्शन ला सकते हो अगेंस्ट दी डिफेंडेंट फॉर दी नेग्लिजेंस ठीक तो नेग्लिजेंस के लिए अगर आपको नेग्लिजेंस का एक्शन लाना है अगेंस्ट डिफेंडेंट तो आपको ये तीनों फैक्टर्स ये तीनों एसेंशियल प्रूफ करने पड़ेंगे कि सबसे पहले डिफेंडेंट की एक ड्यूटी थी टूवर्ड्स प्लेंटिव दूसरा उसने उस ड्यूटी को ब्रीच किया और तीसरा उस ब्रीच करने के कारण उसको डैमेज हुआ क्योंकि उसने ड्यूटी को ब्रीच किया तो फिर उसको जो डैमेज कॉज हुआ राइट right? नाउ आगे देखो आगे अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इसको इन सारे एसेंशियल्स को सबसे पहले ड्यूटी टू केयर ड्यूटी ऑफ केयर टू दी प्लेंटिव उसकी ड्यूटी यहाँ पे, यहाँ पे मतलब है कि लीगल ड्यूटी होना जरूरी है अब मतलब जो है आपका वो एक obligation में है उसको ये लीगल ड्यूटी परफॉर्म करनी है और यहाँ पे ये उसके ऊपर ड्यूटी है कि वो ध्यान रखे ठीक है वो ध्यान रखे टूवर्ड्स वो ऐसा एक्ट कोई ना करे जिससे सामने वाले प्लेंटिव को कोई हार्म हो राइट right? अंकिता हाँ आई वुड से इट इज इनफ ठीक है uh, ये आपका वेस्ट बंगाल के लिए और बिहार के लिए इनफ है क्योंकि बिकॉज आई एम कवरिंग केस लॉस ऑल्सो और कंटेंट ऑल्सो अब में पे ये clearly मतलब है रिलीजियस और सोशल ड्यूटी अब प्लेटिव को अगर एक्शन लाना है अगेंस्ट डिफेंडेंट तो क्या establish करना पड़ेगा अब इस पर्टिकुलर केस में प्लेटिव को establish करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट की डिफेंडेंट ओ करता था ड्यूटी

आपके ऊपर ड्यूटी है राइट आप अगर रोड पब्लिक रोड यूज कर रहे हैं तो आपको एक तमीज से गाड़ी चलानी पड़ेगी ऐसा नहीं है कि आप रैशन नेग्लिजेंट तरीके से ड्राइव करोगे दैट इज नॉट अलाउड तो यहाँ पे यू आर सपोज टू ड्राइव सेफली यू यू आर सपोज टू ड्राइव इट वेरी केयरफुली ऐसा नहीं है कि रेकलेस तरीके से आप गाड़ी चलाओगे रोड पे पब्लिक रोड पे राइट तो यहाँ पे एक ड्यूटी ओ करता है

और आप इस तरीके से चीजें आप आप अपनी तरफ से अलर्ट रहो नेग्लेजेंट मत रहो कि भाई स्नेल्स के कुछ टुकड़े मिले आपको बियर में या कोई भी चीज मिली आपको हम अक्सर देखते हैं कि पैकेज फूड आता है और पैकेज फूड में कुछ गिरा हुआ है कुछ मिला हुआ है हम अक्सर समझते सुनते हैं छिपकली गिरी हुई है ये दैट तो यहाँ पे उस मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी है एक लीगल ड्यूटी है ठीक है और वो ड्यूटी परफॉर्म करने में वो रहा तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने जो है उसको हेल्ड किया लाइबल अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ने वाली है जो लॉर्ड एक्टिन ने कही यहां पे दैट इज यू मस्ट टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एक्ट और ओमेशन विच यू कैन रीजनेबली फोर्स Would be likely to injure your अब पे जो ये ड्यूटी है, ये जो legal duty है that is कि आप जो है एक रीजनेबल केयर लो ठीक है रीजनेबल केयर करो कि आप ऐसा एक्ट ना करो ऐसा ओमेशन ना करो आप इस चीज को अवॉइड करो जो आप रीजनेबली फोर्स ही कर सकते हो जो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो उस चीज को अवॉइड करो ठीक है सामने वाले को डैमेज ना हो वो नुकसान ना हो उससे जो है आपकी लीगल ड्यूटी उसको अगर रीजनेबली तो उस पहले ही अवॉइड किया जाए विच वुड लाइक टू इंजर से आपका जो है आ, क्या कहते हैं नुकसान पहुंचेगा ठीक है ओके अंकिता आई एड्रेस ऑल योर क्वेश्चन जस्ट अ मिनट देखो मैम uh, जितना पढ़ा रहे हैं उतना इनफ है हाँ बिल्कुल इनफ है आई वुड से बिहार जुडिशरी वेस्ट बंगाल जुडिशरी को आप टारगेट कर रहे हो तो टॉट पढ़ना इतना सफिशियंट रहेगा मैं नोट्स भी बना लूंगी इजी फॉर मी टू स्टडी दैट इज योर कॉल अगेन आपकी मर्जी है आप नोट्स बनाओ या नहीं बनाओ इसकी पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी uh, ये कॉन्ट्रैक्ट भी, भी केसेस है शायद हाँ कॉन्ट्रैक्ट में भी केसेस है ठीक है चलो दैट इट अंकिता आई होप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके कमिंग बैक टू दी क्लास नाउ फोकस वॉट आई एम टीचिंग यू राइट राइट अगर अब ये निकल जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा इसका राइट right? अब यहाँ पे बात समझो कि क्यों कहा कि ये उसकी ड्यूटी है अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो ठीक है तो आप लीगली बाउंड हो इसी से आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि आप बेस्ट चीज डिलीवर करो आप बेस्ट चीज दो कुछ भी ऐसा ना दो जिससे दूसरे वाले की सामने वाले की हेल्थ खराब हो तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में यही हुआ था कि कुछ स्नेल का पार्ट मिला था उस जिंजर बियर में जैसे उसकी पी की तबियत खराब हो गई थी उसने सूख कर दिया था डिफेंडेंट को कि भाई आपकी लीगल ड्यूटी है ठीक है योर ड्यूटी इज टू यू यू हैव टू टेक केयर ठीक है कि आप ऐसा कोई एक्ट ना करो ऐसा कोई उमेशन ना करो आप उसको अवॉइड करो अगर आप उसको फोर्स ही कर पा रहे हैं

उसको रीजनेबल तरीके से फोरसाइड कर पाओगे अगर आप फोरसाइड नहीं कर पा रहे हो तो देर बी देर विल बी नो ड्यूटी अगर आप एंटिसिपेट कर पा रहे हो अगर आप फोरसाइड कर पा रहे हो तो ड्यूटी तो है अगर आप रीजनेबल मैन एक ऑर्डनरी प्रूडेंट की तरह मैन की तरह अगर आप उसको फोरसाइड कर पा रहे हो जैसा एक ऑर्डनरी प्रूडेंट मैन नॉर्मल सिचुएशन में बिहेव करता है उस तरीके से अगर आप बिहेव कर रहे हो तो फिर कोई ड्यूटी नहीं है राइट तो यहाँ पर जो ये ड्यूटी टू टेक केयर है टू वर्ड प्लेटिव उसका ही एक पार्ट है दैट ड्यूटी डिपेंड्स अपॉन रीजनेबल फोरसाइट ऑफ इंजरी नाउ वेर द डिफेंडेंट ओज अ ड्यूटी टू प्लेटिव और नॉट दैट डिपेंड्स अपॉन अ रीजनेबल रीजनेबल फोर्सेबिलिटी अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट है ये चीज है ना जो रीजनेबल फोर्सिबिलिटी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या आप एंटीसिपेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो दैट विल डिसाइड कि डिफेंडेंट पे कोई ड्यूटी थी या नहीं थी राइट नाउ वेदर डिफेंडेंट ओज अ ड्यूटी क्या डिफेंडेंट के ऊपर कोई ड्यूटी है लीगल ड्यूटी है या नहीं और ये डिपेंड करता है आपका रीजनेबल फोर्सिबिलिटी पे ऑफ द इंजरी टू द प्लेटिव नाउ इफ द टाइम ऑफ द एक्ट और ओमेशन अब जब ये एक्ट हुआ या उसने कुछ किया प्लेंटिफ़ ने डिफेंडेंट नॉट सॉरी डिफेंडेंट ने नॉट रीजनेबली टू दैट इंजरी फेलियर टू डू सो मेक्स हिम लाइबल अब यहाँ पे अगर आपको कल्पेबिलिटी डिसाइड करनी है कि उसकी लाइबिलिटी है क्या वो लाइबल होगा या नहीं होगा अगर आपको कल्पेबिलिटी डिसाइड करनी है फॉर्म्स एन हाउ ही वुड हैव बिहेव्ड अंडर दीस सर्कमस्टेंसेस अब इस चीज को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट अब ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या है ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हम ये कहते हैं कि कैसा एक नॉर्मल प्रूडेंट मैन कैसा एक ऑर्डिनरी मैन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव करता उस तरीके से क्या इस पर्टिकुलर केस में डिफेंडेंट ने बिहेव किया है या नहीं किया है दैट इज व्हाट इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट और यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कि क्या ड्यूटी है या नहीं है क्या वो रीजनेबल उसको फोरसाइट कर पा रहा था या नहीं कर पा रहा था तो क्या उस सिचुएशन में अगर हम एक ऑर्डनरी मैन को रखें अगर सिचुएशन में आप होते या मैं होती या कोई भी एक ऑर्नरी स्ट्रूडेंट मैन होता वो कैसे रिएक्ट करता वो वो क्या सोचता क्या वो फोरसाइड कर पाता अगर हाँ अगर इसका आंसर हाँ है कि ऑर्डनरी प्रूडेंट मैन उसको फोरसाइड कर पाता तब तो उसकी लीगल ड्यूटी है और अगर नहीं कर पाता तो फिर डिफेंडेंट की कोई भी ड्यूटी नहीं है इस पर्टिकुलर

तो इस पर्टिकुलर केस में इस चीज को चेक करने के लिए और कल्पेबिलिटी को कल्पेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए एक ऑर्डनरी प्रूडेंट मैन उस सिचुएशन में अगर रखता तो वो कैसे बिहेव करता दैट विल बी दी टेस्ट टू हैव टू डिटरमाइन दी कल्पेबिलिटी ठीक है तो या उस पर्टिकुलर केस में आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट को फॉलो करते हो इज इट क्लियर इज इट क्लियर गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर कम ऑन गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर हरिया ओके अमित थैंक यू चलो नाउ नेक्स्ट एक्सपेक्ट जो दूसरा है कि भाई ड्यूटी है टूवर्ड्स प्लेटिव उसका एक दूसरा एक्सपेक्ट क्या है कि ड्यूटी ऑफ काउंसिल टूवर्ड्स क्लाइंट अब इसका एक एग्जांपल है कि अगर काउंसिल है बाय हिज एक्ट और ओमिशन कॉजेज द इंटरेस्ट ऑफ दार्टी एंगेजिंग एंगेजिंग हिम इन एनी लीगल प्रोसीडिंग टू बी प्रोजुडाइसली

आपका एडवोकेट उसके ऊपर यही ड्यूटी है कि वो अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा अब यहाँ पे क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना उसकी ड्यूटी है अगर वो ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन करता है जिससे वो वो ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है वो वो क्या कहते हैं उस ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है और उस ड्यूटी की वजह से कोई भी कोई लॉस और डैमेज होता है तो यहाँ पे क्लाइंट उसको नेग्लिजेंस के लिए सू कर सकता है राइट right? नाउ आगे देखो ड्यूटी इन दी मेडिकल प्रोफेशन अब मेडिकल प्रोफेशन में अगेन इट इज इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे कहता है कि अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिसनर है ठीक है

तो अह uh, किस तरीके का ट्रीटमेंट देना है क्या वो ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है या नहीं है तो ये एक दूसरी ड्यूटी है और तीसरी ड्यूटी है अ ड्यूटी टू केयर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रीटमेंट कि जब आप एडमिनिस्टर कर रहे हो उस उस चीज को तो क्या आपके आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रॉपर सारी चीजें हैं तो यहां पे ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लाए करती है इस तीनों ड्यूटी किसके ऊपर है ये लीगल ड्यूटी किसके ऊपर है ये लीगल ड्यूटी है डॉक्टर के ऊपर मेडिकल प्रैक्टिसनर के ऊपर जब उसके सामने एक पेशेंट आता है तो राइट तो दीज सॉर्ट ऑफ ड्यूटीज वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ अब अगेन

ठीक है कोई प्लेन्टिव ही नहीं है मैं रात में राशन ड्राइव करके रोड पे निकल गई कोसी को कोई डैमेज नहीं हुआ तो क्या मुझे कोई सू करेगा नहीं करेगा ठीक है नहीं करेगा तो यहाँ पे किसी के प्रति आपके ऊपर एक लीगल ड्यूटी है डिफेंडेंट की लीगल ड्यूटी है किसके प्रति प्लेंटिव के प्रति दिस नीड टू बी चेक इट आउट राइट मेयर केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट डज नॉट इंटाइटल द्लेंटिव टू सी हिम ठीक है अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने देख लिया रैश और नेग्लीजेंट ड्राइव करते हुए तो मुझे कोई रैंडम पर्सन आके सू कर देगा ऐसा नहीं है मेरी ड्यूटी है उस जो अगर मान लो मेरे साथ कोई पार्लर में गाड़ी चल रही है मैं उसको ठोक देती हूँ तो यहाँ पे वो मुझे नेग्लीजेंट के लिए सू कर सकता है क्यों क्योंकि एक तो प्लेटिव है मेरी ड्यूटी थी टूवर्ड्स हिम कि भाई मैं सेफ गाड़ी चलाऊं रोड पे अगर कोई मेरे नेग्लिजेंस से ठीक है डिफेंडेंट के ने, सिर्फ नेग्लिजेंट है वो केयरलेस है तो वो कोई भी प्लेंटिव एंटाइटल नहीं होगा कि भाई उसके प्रति उसके खिलाफ जो है सूट करे सूट फाइल करे नेग्लिजेंस का अगर किसी को डैमेज हुआ तो यहां पे सूट हो सकता है नेग्लिजेंस का राइट नाउ इट हैज प्रूव दैट द डिफेंडेंट ओड अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द्लेंटिव यहाँ पे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ड्यूटी किसके प्रति है आपकी प्लेटिव के प्रति है द डिफेंडेंट ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टू पर्सन अदर देन द्लेंटिव द्लेंटिव के नॉट सू इवन इफ

ठीक है अमित चलो इज इट ओनली अमित टूडे ऑल्सो इंटेलिजेंट इन देशन अमन इज ऑल्सो देर वेरी नाइस चलो ठीक है अब नेक्स्ट एसेंशियल देखेंगे हम ब्रीच ऑफ ड्यूटी ठीक है अब यहां पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी का क्या मतलब है कि नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यू केयर विच इज रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन आपको एक प्रॉपर केयर लेनी थी आपको एक प्र... सही तरीके से काम करना था अवेयर होकर वो पर्टिकुलर एक्ट करना था और आपने वो अटेंशन आपका वो ड्यू केयर आपका मिसिंग है उसमें ठीक है तो इसका मतलब आपके ऊपर एक ड्यूटी थी और आपने वो ड्यूटी ठीक से परफॉर्म नहीं करी यू आर नेग्लिजेंट ओवर यू आर केयरलेस ओवर दैट थिंग या यू कैन से यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटी नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ दैट ड्यू केयर ठीक है विच इज रिक्वायर्ड

डिफेंडेंट हैज एक्टेड लाइक अ रीजनेबल प्रूडेंट मैन देर इज नो नेग्लिजेंस अगर किसी पर्सन ने अगर मान लो मैं उस जगह सिचुएशन में होती ठीक है मान लो एक एक्ट डिफेंडेंट ने किया और एक ऑर्डनरी प्रूडेंट मैन को भी वही सेम सिचुएशन दी तो डिफेंडेंट ने अगर एक ऑर्डनरी प्रूडेंट मैन की तरह बिहेव किया है अगर रीजनेबल रिजनेबली प्रूडेंट मैन की तरह बिहेव किया है तो फिर कोई भी नेग्लिजेंस नहीं है ठीक है बट अगर उसने अलग तरीके से किया दैट मीन ही इज ब्रीचिंग ही हैज ब्रीच हिज का मतलब उसने जो है कुछ uh, क्या कहते हैं अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रीच किया है नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यू केयर ठीक है उसने जो है ठीक से केयर और अटेंशन से वो पर्टिकुलर काम वो पर्टिकुलर एक्ट नहीं किया तो यहाँ पे चेक करना है कि कितना स्टैंडर्ड ऑफ केयर रिक्वायर्ड है तो कितना स्टैंडर्ड क्या स्टैंडर्ड रहेगा दैट विल अगेन विल डिपेंड ऑन दी ऑब्जेक्टिव टेस्ट कि भाई उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर सीन में एक नॉर्मल ऑर्डनरी प्रूडेंट मैन कैसा बिहेव करता अगर वैसा डिफेंडेंट ने किया है सेम डिटो तो फिर कोई नेग्लिजेंस का सूट नहीं होगा ठीक है बट अगर नहीं किया है देन इन केस कि वही डिफेंडेंट ने जो है अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रीच किया है इस पर्टिकुलर केस में राइट नाउ स्टैंडर्ड ऑफ केयर रिक्वायर्ड की रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें अगेन दैट इज वेरी सब्जेक्टिव नो आप हो सकता केयर 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 माइट माइट बी बी फॉर फॉर मी नॉट यू राइट दैट अमाउंट अमाउंट ऑफ केयर और द डिग्री ऑफ केयर तो uh, right? so यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि भाई क्या स्टैंडर्ड ऑफ केयर रिक्वायर्ड है दैट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव टेस्ट नाउ द लॉ रिक्वायर्स टेकिंग टू पॉइंट्स इनटू कंसीडरेशन टू डिटरमाइन दी स्टैंडर्ड ऑफ केयर अब यहां पे दो पॉइंट को हम ध्यान में रखते हैं तो अभी हम स्टैंडर्ड ऑफ केयर की बात करते हैं पहला द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी अटेनड और दूसरा दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी रिस्क टॉकिंग अबाउट सबसे पहले दी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है दी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी अटेनड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहां पे अगेन क्या कहता है दैट दी लॉ डस नॉट रिक्वायर्ड ग्रेट पॉसिबल केयर बट द केयर रिक्वायर्ड इज दैट

ऐसा भी तो हो सकता है तो यहाँ पे इस चीज को स्टैंडराइज करने के लिए स्पीड है, की, की है ठीक है वो स्पीड उसके लिए तो ठीक हो सकती है बट देन अगेन आपके लिए नहीं हो सकती है आपके लिए वो नेग्लिजेंट हो सकती है राइट तो अगेन यहाँ पे उन दोनों सिचुएशन में ऑर्डनरी प्रूडेंट मैन की objective, जो objective टेस्ट है, उससे हम डिटरमाइन करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ केयर रिक्वायर्ड ंग अबाउट द मैग्नेट्यूट ऑफ रिस्क ठीक है मैग्नीटूड ऑफ रिस्क की बात करें अगर हम तो, तो यहां पर कह रहे थे डिग्री ऑफ केयर रिक्वायर्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू ईच सिचुएशन कि भाई कितना केयर रिक्वायर्ड है क्या डिग्री होगी केयर की वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन अब एम्बुलेंस की स्पीड ऑफ ऑफकॉर्स तेज होगी वो क्या कैरी कर रहा है उस, उसकी सिचुएशन क्या है उसकी सिचुएशन ये है कि वो पेशेंट कैरी कर रहा है अपने अपने व्हीकल में तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी वो दैट स्पीड इज नॉट अलाउड फॉर यू राइट उसके लिए ओवर स्पीडिंग उसके लिए uh, कहते हैं ओवरटेक करके जाना वो सब अलाउड है Again, वहाँ पे हो सकता हो कि भाई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो आपका केयरफुल एक्ट है अगर एम्बुलेंस जो है तेज रफ्तार से जा रही है तो वो अपना काम करे वो एक केयरफुल एक्ट कर रही है वो अपने सही तरीके से एक्ट करे क्योंकि वहां पे उसकी व्हीकल में एक

एक मैट्रिक्स बना दिया कि भाई ये सेम केयर ये सेम डिग्री ऑफ केयर हर सिचुएशन में ऑफ कुछ भी हो ये सेम डिग्री ऑफ केयर माना जाएगा ऐसा लॉ डि, डिमांड आपसे नहीं करता है लॉ क्या देखता है लॉ फॉलो करता है ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट द काइंड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व डिटरमाइनस प्रिकॉशन विज द डिफेंडेंट इज एक्सपेक्टेड टू टेक अब यहां पे कह रहा है कि किस तरीके का रिस्क है ठीक है किस तरीके का रिस्क आपका इन्वॉल्व है वो डिटरमाइन करता है कि कितनी प्रिकॉशंस जो है डिफेंडेंट को लेनी थी कितनी प्रिकॉशंस उसको, उसको लेनी चाहिए थी या एक्सपेक्टेड थी डिफेंडेंट उस, उस पर्टिकुलर केस में देन अगेन दैट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट फैक्ट इंड सर्कमस्टांसिस ऑफ दस वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे आपके क्लियर नाउ नेग्लेजेंस इज फेलियर टू ड्यू केयर भाई आपको एक अमाउंट सर्टन अमाउंट ऑफ केयर लेनी थी आपने वो केयर नहीं करी आपने वो ड्यू केयर ऑब्जर्व नहीं करी नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यू केयर कैन बी कॉल्ड एस नेग्लिजेंस राइट नाउ जो यहाँ पे वर्ड है ड्यू केयर ये क्या को नोट करता है यहाँ पे जो ये वर्ड है ड्यू ड्यू uh, जो ड्यू केयर में वर्ड ड्यू है ये uh, आपको डिनोट करता है डिक्री ऑफ केयर ठीक है एंड अगेन एज आई हैव टोल्ड यू डिग्री ऑफ केयर हर सिचुएशन में अलग अलग रहेगी ठीक नाउ द डिग्री ऑफ केयर विच अ रीजनेबल मैन और टू टेक इन अ गिवन सेट ऑफ सिचुएशन ये है आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट कि भाई उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑर्डनरी प्रूडेंट मैन कैसा बिहेव करता वो आपका डिग्री ऑफ केयर डिसाइड करेगा नाउ दिस डिग्री ऑफ केयर डिपेंड्स अपॉन

यहाँ पे कि भाई कितना आपको ध्यान रखना है कितना आपको क्लियर करना है वो आपका डायरेक्टली डिपेंड करता है है किस चीज़ पे कि भाई कितना रिस्क इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर सिचुएशन सिचुएशन में में इन्वॉल्व राइट और कैसे एक प्रूडेंट बिहेव करेगा नेग्लिजेंस के कमॉन कमोन कमोन हरिय नमस्ते वीरू ठीक है अमित थैंक यू थैंक यू अमन चलो है ये जरूरी है कि डिफेंडेंट के ब्रीच ऑफ ड्यूटी से कि जो उसने ध्यान नहीं रखा तो उससे डैमेज होना ठीक है उसके उसके पास एक थी, उसके एक थी थी ऊपर उसने उस को ब्रीच से को कोई डैमेज हुआ ये भी जरूरी है राइट नो थर्ड एसेंशियल इट इज आल्सो नेसेसरी ब्रीच ऑफ ड्यूटी मस्ट कॉज डैमेज टू द

कि जो उसको डैमेज हुआ है that is not too remote, ऐसा नहीं है, ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा है बहुत रिमोट कनेक्शन है टू टू डिफेंडेंट्स एक्ट अब डिफेंडेंट ने जो लीगल ड्यूटी ब्रीच करी है उससे बहुत रिमोट कॉन्सिक्वेंस है तो वो नहीं माना जाएगा आपका क्लोज कनेक्शन होना चाहिए कि भाई डिफेंडेंट ने ये पर्टिकुलर एक्ट किया ऐसे प्लेटिव uh, को नुकसान हुआ ठीक है, ने legal duty अपनी follow नहीं करी, करी उसका non -observance of due care रहा, उसने legal duty ब्रीच करी जो, जो वो डिफेंडेंट ओ करता था उससे प्लेटिव को डैमेज हुआ है इट मस्ट नॉट बी टू रिमोट ठीक है बहुत रिमोट नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत रिमोट है राइट right? तो ये तो डैमेज का स्किन के रिस्पेक्ट में हमें समझना है कि डैमेज के रिस्पेक्ट में प्रूफ करना है अगर आपको नेग्लिजेंस का एक्शन लाना है कि भाई पहली बात तो डिफेंडेंट ने के ऊपर एक लीगल ड्यूटी थी उसने दूसरी लीगल ड्यूटी को अपना ब्रीच किया और तीसरा उस लीगल ड्यूटी को ब्रीच करने की वजह से को डायरेक्ट डैमेज हुआ राइट नाउ टॉकिंग अबाउट अगेन प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस कैसे क्या प्रूफ होगा नेग्लिजेंस का अब इसमें ही आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है दैट इज रेस इस्पर लॉकेटर और लेस लॉकेटर जो ये मैक्सिम है इसका मतलब होता है दैट द थिंग स्पीक फॉर इट ठीक है अपने आप सिचुएशन को देख के समझ में आ रहा है कि कौन जिम्मेदार है राइट तो यहां पे अगर हम प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस की बात करें ठीक है प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस की बात करें यस अमन वेरी राइट थिंग स्पीक फॉर इट सेल्फ रेसिस्पल ऑकेटर का मतलब होता है और आप में से कोई मुझे बताए कि इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सेक्शन रेसिस्पल ऑकेटर की बात करता है एनी वन आउट ऑफ यू कैन टेल मी कि इंडियन एविडेंस एक्ट का रेसिस्पल ऑकेटर कौन से सेक्शन में दे रखा है एनी किसी सेक्शन में आप बता सकते हो यू कैन कमेंट विल कंटिन्यू विद द क्लास ठीक है नाउ एज अ जनरल रूल अगर हम जनरल रूल की बात करें तो प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा ठीक है कि डिफेंडेंट जो है आपका नेग्लिजेंट था बेसिक सी बात हम यहाँ पे प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं कि नेग्लिजेंस का प्रूफ क्या होगा अब यहाँ पे किसकी कौन प्रूफ करेगा कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंट है जनरल रूल के हिसाब से प्लेंटिफ प्रूफ करेगा उसकी ड्यूटी है वो प्रूफ करेगा राइट वन सिक्सटी नहीं अमन 165 इंडियन एविडेंस का एक्ट का क्या बात करता है मन? 165 इंडियन एविडेंस का का एक्ट uh, हम बात कर रहे हैं प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस की ठीक अब नेग्लिजेंट है डिफेंडेंट इसको प्रूफ करना है प्लेंटिव को डैमेज हुआ है तो किसके ऊपर ड्यूटी है किसके ऊपर बर्डन है एज ए जनरल रूल तो जनरल रूल ये कहता है कि अगर प्लेंटिव को प्रूफ करना है कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंट है तो इनिशियल बर्डन किस पे होगा प्लेंटिव पे होगा तो इनिशियल बर्डन ऑफ मेकिंग आउट एट लीस्ट अ प्राइमाफसाई केस ऑफ नेग्लिजेंस एज अगेंस्ट डिफेंडेंट लाइज हैविली ऑन भाई प्लेंटिव। को ये प्रूफ करना है

Once this is discharged, अब यहां पे बात आती है उस चीज की कि अगर प्लेटिव ने अपना बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज कर दिया अगर एविडेंस दे दिए कि भाई डिफेंडेंट इस पर्टिकुलर केस में नेग्लेजेंट है अगर उसने अपना बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज कर दिया तो क्या होता है बर्डन ऑफ प्रूफ आपका शिफ्ट हो जाता है डिफेंडेंट पे राइट right? बर्डन ऑफ प्रूफ तब शिफ्ट हो जाता है डिफेंडेंट पे

अपना बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज कर दिया उसने ये ये बात बता दी कि भाई डिफेंडेंट पर्टिकुलर केस में प्राइम तो क्या होगा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है शिफ्ट हो जाएगा डिफेंडेंट पे एंड द मोमेंट डिफेंडेंट में शिफ्ट हो गया तो अब डिफेंडेंट से पूछा जाएगा हाँ भाई आपका क्या कहना है इस पर्टिकुलर केस में तो डिफेंडेंट क्या करेगा डिफेंडेंट ये ये डिफेंस ले सकता है कि भाई आ, क्या कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस था Plentive भी डिफेंस उसका, उसका ने, ये, ये पीट, पीट कर सकता है राइट तो पहले सबसे पहले अगर नेग्लिजेंस हुआ है अगर डिफेंडेंट ने अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रीच किया है तो उस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले Plentive को केस करना होता है और प्रूफ करना होता है कि भाई डिफेंडेंट ने अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रीच किया है और उस लीगल ड्यूटी के ब्रीच होने की वजह से मुझे जो है डैमेज हुआ है वैलिड डिफेंस इनके पर्टिकुलर केस में डिफेंस लेता है एक्सीडेंट है या फिर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है नाउ ये जो सिचुएशन तब हो गई जब प्लेटिव ने अपना बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज कर दिया केस जहां पे, पे राइट right? यही रूल है जनरल रूल अब यहाँ पे कह रहा है कि प्लेटिव ही प्रूव नहीं कर पाया नेग्लिजेंस प्लेटिव ही फेल हो गया प्रूफ करने में तो कि भाई डिफेंडेंट नेग्लिजेंट था या नहीं था तो उसके बाद

पार्टी सीकिंग टू रिकवर फॉर डैमेज, भाई और डिफेंडेंट के केस में अगर हम फॉरिजेंस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम एक कंक्लूजन निकालें कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है तो इससे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे रहता है जो कंपनसेशन क्लेम करने जाती है डैमेज के लिए कोर्ट में कि भाई मैं कह रही हूँ कि मुझे चोट लगी है तो मुझे ही प्रूफ करना पड़ेगा कि मुझे चोट कैसे लगी है डिफेंडेंट की एक्ट से लगी है राइट तो मुझे यही बात प्रूफ करनी पड़ेगी अगर मैं प्रूफ नहीं कर पाई तो डिफेंडेंट पिक्चर में नहीं आया डिफेंडेंट को लाइबल नहीं कर सकती राइट तो बर्डन ऑफ प्रूफ इनिशियली किस पे रहता है आपका प्लेटिव पे रहता है जो कोर्ट में जाता है कंपनसेशन लेने फॉर दी डैमेजेस तो फिर उसके लिए जरूरी है कि वो शो करे दैट द लॉस इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू द नेग्लिजेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी उसको बताना पड़ेगा जो मुझे लॉस हुआ है वो अपोजिट पार्टी के एक्ट से हुआ है इसको ये बात वहां पर प्रूफ करनी पड़ेगी अगर वो फेल हो जाता है प्रूफ करने को प्लेटिव तो दूसरे का तो पिक्चर कहीं आता ही नहीं वो पिक्चर में नहीं आता उसकी आप उसको लाइबल कर ही नहीं सकते उस पर्टिकुलर केस में

स इज ड्रॉन फ्रॉम दी फैक्ट अब आता है आपका पिक्चर में रेस एसपा लॉकेटर ये तो इससे पहले हमने बात करी प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस की कि कैसे कौन प्रूफ करेगा किसके ऊपर बर्डन होगा बर्डन कब शिफ्ट होगा कब शिफ्ट नहीं होगा वो सारी चीजें क्लियर है इज इट क्लियर फिर विल मूव अहेड टू रेस एस्पा लॉकेटर ये मी कम वेरी नाइस अमित एंड वेरी नाइस अमन एक सौ छह में दे रखा है इंडियन एविडेंस एक्ट के इस चलो वेरी nice. uh, समझ में आ गया कि भाई रूल ये है, इस तरीके का बर्डन ऑफ प्रूफ पे लाई करेगा वो डिस्चार्ज करेगा तभी लाइबिलिटी होगी डिफेंडेंट की क्लियर अब कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं देर आर सर्टेन केसेस जहां पे डिफेंडेंट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिचुएशन ही बता रही है फैक्ट ही बता रहे हैं दिंग इज स्पीकिंग फॉर इट खुद से ही आवाज आ रही है कि हाँ देखो ये बिल्कुल क्लियर सिचुएशन है। इसमें कौन लाइबल है ये बिल्कुल क्लियर क्लियर दिख रहा है। थिंग स्पीक फॉर Now when the accident explains ओनली वन थिंग जहां पे कोई एक्सीडेंट हुआ और वो आपको एक ही चीज बता रहा है uh, uh, मान लो तो वहां पे साफ साफ दिखा रहा है कि भाई डिफेंडेंट यहाँ पे नेग्लिजेंट है अगर डिफेंडेंट नेग्लिजेंट नहीं होता तो ये एक्सीडेंट होता ही नहीं तो इस पर्टिकुलर केस में प्लेटिव को कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर केस में प्रेंटिव की को, कोई बात ही नहीं आती क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट वो एक्सीडेंट ही बता रहा है कि डिफेंडेंट लायबल है और डिफेंडेंट अगर नेग्लिजेंट नहीं होता तो ये पर्टिकुलर एक्सीडेंट होता ही नहीं तो यहाँ पे थिंग इज स्पीकिंग फॉर इट तो प्लेंटिव को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है राइट दैट इज द लॉ रेज अ प्रशन पर्टिकुलर केस में प्रिजम्पन रेज कर लेता है लॉ प्रज्शन किस चीज का नेग्लिजेंस का प्रोजेपन रेस कर लेता है एज अ थिंग इज स्पीकिंग फॉर इट सेल्फ उससे ही देख के ही समझ में आ रहा है सरकम सैक्ट्स को देख के ही समझ में अगर आ, आ रहा है कि डायरेक्टली इसमें जो है डिफेंडेंट नेग्लिजेंट है तो उस पर्टिकुलर केस में लॉ रेस कर लेता है प्रेजन ऑफ नेग्लिजेंस ऑन दी पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट ये भाई डिफेंडेंट इस पर्टिकुलर केस में लाइबल है राइट right. अब इस केस में यहाँ पे क्या सफिशियंट होगा प्रूफ करने के लिए प्लेंटिव पे ठीक है नाउ इन इन केस केस ऐसे में पे, थिंग इज स्पीकिंग फॉर इट सेल्फ इट इज सफिशियंट टू प्रूफ फॉर द प्लेंटिव दैट द एक्सीडेंट एंड नथिंग मोर अब उसको बस एक एक्सीडेंट ही बताना है प्लेंटिव को उसके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है प्रूफ, प्रूफ करने का ठीक है उसके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है नेग्लिजेंस प्रूफ करने का द रीजन बीइंग दैट द इंसिडेंट इट सेल्फ स्पीकिंग फॉर इट ठीक है इंसिडेंट साफ साफ बता रहा है नाउ यहां पे डिफेंडेंट कैन हाउ एवर अवॉइड हिज लाइबिलिटी बाय डिस्प्रूविंग नेग्लिजेंस ऑन हिस्स पार्ट अब यहाँ इस पर, इस पर्टिकुलर केस में पहले वाले पिक्चर में क्या देखा हमने दैट हमनेटिव है और डिफेंडेंट है राइट right? अब प्लेटिव के ऊपर ये ड्यूटी है जनरल रूल कि उसको बर्डन डिस्चार्ज करना होता है तब बर्डन आपका डिफेंडेंट पे शिफ्ट होता है और डिफेंडेंट के ऊपर जैसे ही बर्डन शिफ्ट होता है तो फिर डिफेंडेंट जो है डिफेंस ले सकता है या अपने कर सकता है अपना बट इस रेसिस्पल वाले केस में क्या है वाले केस में यह है कि यहाँ पे प्लेटिव को कुछ प्रूव नहीं करना है ठीक है उसको बस ये बताना है कि एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद डिफेंडेंट पे जब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है तो उस पर्टिकुलर केस में डिफेंडेंट को वो डिसूव कर सकता है कि वो अपने पार्ट पे नेग्लिजेंट नहीं था वो इस बात के एविडेंसेस दे सकता है कि भाई वो अपने पार्ट पे नेग्लिजेंट नहीं था

ठीक है एंड द हैपनिंग इज सच दैट एस नॉट डर इन द दर्नरी कोर्स ऑफ थिंग विदाउट नेग्लीजेंस ऑफ द डिफेंडेंट पार्टी दैक्सिम विल अप्लाई अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि डिफेंडेंट के कंट्रोल में ही था और अगर डिफेंडेंट जो है Normally, अगर ड्यू केयर से काम करता तो वो एक्सीडेंट होता ही नहीं ठीक है वो वो चीज अकर ही नहीं होती राइट right? तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर केस में जहां पे साफ दिख रहा है उससे इंसिडेंट से अंडर कंट्रोल में था तो ये मैक्सिमम आपका अप्लाई हो जाएगा रिसेस्पल लॉकेटर वाला राइट right? अब यहाँ पे क्या कहता है देखो अगर एक बार ध्यान से देखो उसको क्या कहता है कंट्रोल ऑफ अ डिफेंडेंट एंड such रहा होता, वो उस काम को तो वो नहीं होता वो पूरा पूरा डिफेंडेंट के कंट्रोल के अंदर था और डिफेंडेंट ने, ने किया डिफेंडेंट नेग्लिजेंटली ने ने बिहेव किया तो उस पर्टिकुलर केस में आपका मैक्सिम अप्लाई हो जाएगा एंड दर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट टू दिफेंडेंट फ्रॉम दी

Is it clear? Is this point clear to you, everyone? Akash, hi. Is this point clear to everyone? Come on, hurry up. Clear है. चलो. अब rebuttal की बात करें अगर हम. ठीक है. Rebuttal of the presumption of negligence. जहाँ पे presumption of negligence raised हुआ है, उसको rebut कैसे कर सकते हैं? तो प्रजाम्शन ऑफ नेग्लिजेंस कहाँ होता है रेसिसटर वाले केस में ये रेज होता है लॉ रेज करती है अब यहाँ पे कह रहा है जो रूल है आपका रेसिसकेटर का ओनली शिफ्ट दी बर्डन ऑफ प्रूफ एंड इंस्टेड ऑफ प्लेटिव प्रूविंग नेग्लिजेंस यहाँ पे डिफेंडेंट डिस्प्रूव कर रहा होता है

डिफेंडेंट क्या करेगा वो ये बात प्रूफ कर देगा कि जो नेग्लिजेंस हुआ या जो एक्ट हुआ या जो एक्सीडेंट हुआ जो भी इवेंट हुआ राइट वो सारी चीजें उसके कंट्रोल के बियॉन्ड थी ठीक है वो सारे फैक्टर्स उसके कंट्रोल के बियॉन्ड थे जो ये आपका उसको ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी कि वॉट एपरेंटली सीम्स टू बी नेग्लिजेंस जो आपको देखने में कोर्ट को देखने में जो चीज नेग्लिजेंट लग रही है दैट वॉज ड्यू टू सम फैक्टर्स विच वॉज बियॉन्ड कंट्रोल उसको ये बात बतानी पड़ेगी कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड था वो आपको नेग्लिजेंट लग रहा है बट मैं अपने पार्ट पे बिल्कुल सही था मैंने पूरा ड्यू केयर लिया था बट सिचुएशन ही ऐसे ही ऐसी थी फैक्टर्स ऐसे थे जो मेरे कंट्रोल के बाहर थे तो उस पर्टिकुलर केस में जो प्रेजम्शन नेग्लिजेंस का वो रिवर्ट हो सकता है ठीक है और फिर वो स्केप कर सकता है अपनी लाइबिलिटी से इस तरीके से जो है रिवर्ट किया जा सकता है प्रेजम्पन ऑफ नेग्लिजेंस राइट नाउ मेयर प्रूविंग दैट देर अकर बिफोर द इवेंट है कि भाई बहुत तेज बारिश थी या फ्लड आ गया था तो ये सारे फैक्टर्स आपके इनफ नहीं होंगे और आप इस तरीके से नहीं कह सकते बहुत बारिश हो रही थी बाढ़ आ गई थी ये सारी चीजें मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है आप इस चीज का इस चीज को रीजन आप नहीं बना सकते राइट नाउ टू रिबर्ट दिजेंस इट इज ऑल्सो गॉट टू बी प्रूव दैट टू दर्ड ऑफ थी थीजर्स भी लिए थे तो अगर वो दोनों प्रूव कर देता है कोर्ट में तो फिर रिवर्ट कर सकता है और स्केप कर सकता है अपनी लाइबिलिटी से पहली चीज क्या की भाई उसके कंट्रोल के बी ऑन थी और दूसरी उसने उन सब चीज उस पूरे इवेंट को उस पूरे एक्सीडेंट को बचाने के लिए नेसेसरी जो है प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए थे

या यहाँ पे क्लियर नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका ये मैग्जिम एप्लीकेबल नहीं होता है तो मैगजिम तभी अप्लाई होगा जहां पे थिंग जो है अपने बारे में खुद से बता रही है और बिल्कुल क्लियरली बता रही है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर केस में ये एक्सीडेंट होता ही नहीं अगर डिफेंडेंट नेग्लिजेंट नहीं होता तो उन सारे पर्टिकुलर केसेस में आपका जो है मैगजिम रिसिस्पल लॉकेटर एप्लीकेबल होता है तो इज दिस मैग्जिम क्लियर टू यू क्या ये क्लियर हुआ आपको रिसिस्पल लॉकेटर वाली मैग्जिम क्लियर हुई